हाँ भाई बच्चों जल्दी से बताओ क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं सभी बच्चे बताएं ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है क्या मैं दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा हूँ यदि ऐसा है तो जल्दी से चैट बॉक्स को लाल कर दीजिए ठीक है थम्सअप बना दीजिए दिल बना दीजिए जैसे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ यार ऑडियो और वीडियो पूरा अच्छे से क्लियर है और परफेक्ट है जल्दी जल्दी बताइए भाई जल्दी जल्दी बताओ और आप लोगों से वाई पे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ यदि आप लोग देखो तो शायद मुझे लग रहा है मैंने लास्ट क्लास यूट्यूब पे एक डेढ़ महीने पहले ली थी तो बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो जल्दी से बताएं सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है यस 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 पढ़ाई कैसी चल रही है सभी बच्चों की सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है देखो यार मैं आप सभी लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डेली में होंगे जिनकी प्रिपरेशन सोसो है मतलब उनको लगता तो है कि यदि मैंने 40 दिन में बहुत अच्छा किया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डिप्रेस होंगे उनको लग रहा होगा यार मेरे 300 नंबर आ रहे हैं 400 नंबर आ रहे हैं तो क्या मेरे से बचे हुए 35 दिन में कुछ हो पाएगा तो यार सब कुछ हो पाएगा मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी स्मार्ट वन शॉर्ट सीरीज है इसको आप पूरी तरह से फॉलो करो आप जब जब क्लास हो हर क्लास को करो जब आप क्लास को करोगे तो पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायो एक एक करके पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा तो जब सारा कुछ आपको रिवाइज करा दिया जाएगा तो अपने आप आपकी जो कमजोरियां हैं भाई जिसका सब कुछ तैयार है उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि हम लोग थ्योरी भी करा रहे हैं क्वेश्चन भी करा रहे हैं पीवाईक्यू भी करा रहे हैं और जिन बच्चों का कोई सब टॉपिक कमजोर है या कोई चैप्टर कमजोर है तो वो भी ठीक हो जाएगा उनके सब टॉपिक भी अच्छे हो जाएंगे और उनके चैप्टर भी अच्छे हो जाएंगे और जो ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे चैप्टर कमजोर है वो हमारे साथ पढ़ते जाएंगे और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रोंग करते चले जाएंगे पढ़ाई करते जाएंगे और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रोंग करते हुए चले जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आ जाइए और बताइए बच्चों क्या हाल चाल है गुड मॉर्निंग बेटा अभिनव गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर वेरी गुड मॉर्निंग देख सकते हैं क्या बिल्कुल जेई वाले भी देख सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मगर जेई मीन्स एडवांस नहीं हाँ ड्यूरेशन कितना होगा बेटा तीन से चार घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश होगी ठीक है hmm. हम्म, yes, yes. गुड मॉर्निंग बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है हाँ गुड गुड ट्वेल्थ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कैसे हो बेटा बिल्कुल मस्त हूँ बहुत अच्छा हूं ठीक है आज से हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं हाँ काफी दिन बाद मिल रहा हूं तो सभी बच्चों से बस इतना ही कहूंगा कि पूरी जान लगानी है मैं पूरी फिजिकल आपको अच्छे से करा दूंगा एक एक क्वेश्चन करा दूंगा पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा पूरा रिवाइज करा दूंगा तो आप फिजिकल का डर तो हटाई दो फिजिकल का डर तो हटाइ दो जितने भी चैप्टर फिजिकल के वो सब बहुत शानदार तरीके से पूरे पूरे करा दिए जाएंगे हाँ पूरे पूरे करा दिए जाएंगे ठीक है यस 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 खुश रहो बेटा खुश रहो हाँ यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ हाँ वेरी गुड वेरी गुड तो सभी बच्चे जल्दी से पेन कॉपी ले ले टेबल को पकड़ ले कुर्सी को पकड़ने जहां पर भी बैठ के पढ़ना है तो पेन कॉपी ले लीजिए पानी की बोतल ले लीजिए ठीक है और बैठ जाइए क्योंकि अब तीन चार घंटे आप मेरे साथ हो चार घंटे भी हो सकते हैं पांच घंटे भी हो सकते हैं मगर स्मार्ट वन शॉट है तो स्मार्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा स्मार्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा इसका मतलब चार घंटे या तीन घंटे में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि चार घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से करा दो हाँ गुड यस 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 वेरी वेरी गुड गुड बच्चों चलो तो क्या अब स्टार्ट किया जाए क्या चैप्टर को स्टार्ट किया जाए हाँ फिजिकल बहुत कमजोर है खरे बेटा खरे बिल्कुल टेंशन ना लो तुम्हारी फिजिकल कमजोर है बिल्कुल मस्त कर देंगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके फिजिकल को इतना अच्छा बना दिया जाए कि आप जब पेपर में जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए कोई भी क्वेश्चन ऐसा होना हो जो छूटे तो अपनी तरफ से यही कोशिश रहेगी आप बिल्कुल परेशान ना यस चलिए तो क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए सब लोग तैयार हो गए सभी बच्चे तैयार हो गए क्लास को स्टार्ट स्टार्ट करो सर कीजिए ओके खुश रहो बेटे चलो फिर स्टार्ट करते हैं सारे कांसेप्ट बताए जाएंगे सारे कांसेप्ट बताए जाएंगे सब कुछ बताया जाएगा कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा आप बिल्कुल परेशान ना हो हाँ तो चलो यार अब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट होने वाली है तो सारे बच्चे जाओ आपको पता हो कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ाना है सारा कुछ पढ़ाना है और ए से लेके जेड तक पढ़ाना है सारा कुछ पढ़ाना है और ए से लेके जेड तक पढ़ाना है तो चलो क्लास की शुरुआत करें तो देखो यार क्लास की शुरुआत करते तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जरा आप थोड़ा सा देख लो क्लासिफिकेशन आप मैटर करेंगे मतलब पूरा का पूरा आपको मैटर पढ़ाया जाएगा फिर मोल पढ़ाया जाएगा एटॉमिक वेट मालिकुलर वेट पढ़ाएंगे इंपेरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाएंगे स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ाएंगे लिमिटिंग रेजेंट पढ़ाएंगे ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ एस टू ओ टू पढ़ाया जाएगा और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा तो चलो अब एक एक करके चीजों को आगे ले चलते हैं सबसे पहली बात आती है मैटर क्या कोई बच्चा बता सकता है कि यार मैटर क्या होता है कोई बच्चा मैटर क्या है जो इजी होगा वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा और जो थोड़ा टफ होगा उसको हम लोग आराम आराम करेंगे तो सबसे पहला बात बताइए मैटर क्या होता है यस समीर बताओ बेटा वंस मनोज जल्दी बताइए मैटर क्या होता है जल्दी बताओ मैटर क्या होता है तो देखो यार मैटर क्या होता है कैसे काम करता है बताता हूं एक मिनट बच्चों हाँ तो देखो मैटर क्या है मैटर क्या होता है ऐसा कुछ भी इससे लिखने में दिक्कत आ रही है सॉरी बच्चों जरा पेन सेट कर लें क्योंकि नया स्टूडियो है तो नए स्टूडियो की थोड़ी सेटिंग देखनी पड़ती है हाँ एनी थिंग्स बैट कंटेंस मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस या फिर क्या कह सकते हो वैल्यूम well. देखो यार बच्चों ऐसा कुछ भी जिसके पास मास हो और वैल्यूम रखता हो उसको मैटर कहते हैं यस yes. ऐसा कुछ भी जिसके पास मास हो और वैल्यूम मतलब स्पेस ऑकुपाई करता हो उसको मैटर कहते हैं जरा ये बताना क्या पेन इस पेन के पास मास है और वैल्यूम करता हो वो मैटर है तो यार पेन के पास क्या है मास है और साथ साथ में वैल्यूम भी ऑकुपाई करता है तो ये क्या होगा मैटर होगा अब आपका मन कर रहा होगा कि सर्वे दीक्षित क्या है तो यार मेरे पास मास भी है और मैं वैलूम भी वैलूम करता हूं तो मैं क्या हुँगा? मैटर क्यों मेरे पास मास है और मैं करता लो ऐसा कुछ भी जो तुम्हें दिखता हो वो सब मैटर है जैसे आपके घर का पंखा आपकी कॉपी आपका पेन ठीक है आपकी टेबल आपकी बोतल पानी की ये सब क्या है मैटर है। ये सब क्या है मैटर है चेक कर लो तो ये क्या है बुक आपका बुक क्या है मैटर है। तो बच्चों ने कहा ये मैटर है ये बात तो समझ में आ गई ठीक है जो बातें थोड़ी सी इजी होंगी वो थोड़ा सा फास्ट कवर होंगी जरा ध्यान रखिएगा तो मैटर क्या है ऐसा कुछ भी जो मासपाई करता हो और वैल्यूम ऐसा कुछ भी जिसके पास मास हो और वैल्यूम ऑकुपाई करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं मैटर जैसे ये देखो अब किसी बच्चे ने कहा कि सर नॉन मैटर क्या होता है ये भी जरा बताओ किसी बच्चे ने कहा सर नॉन मैटर क्या होता है तो बताओ जरा कोई बच्चा बता सकता है नॉन मैटर क्या होता है तो जरा देखो नॉन मैटर क्या होता है इस बात को जरा देखते हैं कि यार नॉन मैटर क्या होता है क्या है कोई बच्चा जो बताएगा नॉन मैटर क्या होता है देखो जो मांसक कर रहा है जो मास रखता है और वैल्यूमाकुपाई करता है वो मैटर है और जिसके पास मास ना हो वैल्यूमाकुपाई ना करता हो वो क्या होगा वो क्या होगा नाम बताओ नॉन मैटर तो नॉन मैटर के पास क्या होगा ना तो यार वो मास मासपाई करता होगा और ना तो उसके पास मास होगा और ना बच्चों वो वैल्यूमाकुपाई करता होगा ना तो वो वैल्यूम ऑकुपाई करता होगा मतलब ना तो वो स्पेस लेता होगा ये देखो उसको उसको क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे आप नॉन मैटर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुम पूरे दिन करते रहते हो पढ़ाई ना करके लव प्यार तो क्या तुम कहते हो कि मैं तुमसे तीन किलो प्यार करता हूं क्या तुम किसी से कहते हो कि मैं तुमसे दस किलो प्यार करता हूं क्या आपके पेरेंट्स आपके से कहते हैं कि यार बेटा मैं तो तुम्हें दो ही किलो प्यार करता हूं ऐसा क्या तुमने किसी से कहा नहीं तो इसका मतलब क्या है लव फीलिंग ये सब क्या है नॉन मैटर ये सब क्या है नॉन मैटर क्यों ना तो इनमें वेट है ना ये जगह उपाय करते हैं है तुम्हारे दिल में पूरी दुनिया की सारी लड़कियां रहती हैं दिल तो इतना सा है मगर रहते सब है रहते सब है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है नॉन मैटर तो जहां पर यार फीलिंग सॉरी जहां पर कोई मास अकुपाई ना हो रहा हो ठीक है और कोई स्पेस ऑकुपाई ना हो रहा हो वो क्या है मेरे दोस्त नॉन मैटर तो जरा कोई बच्चा बता सकता है इमोशन क्या है इमोशन क्या है मैटर या नॉन मैटर जल्दी बताओ जल्दी बताओ सब लोग इमोशन क्या है मैटर या नॉन मैटर री गुड वेरी गुड इमोशन क्या है मैटर या नॉन मैटर नॉन मैटर अच्छा तो जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता जब तुम इतनी जिद कर रहे हो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं ठीक है अब बहुत सारे लोग हमसे जलते होंगे तो हेट क्या है हेट. किसी से जलना हेट ये क्या है मैटर या नॉन मैटर क्या तुमने कभी किसी से सुना कि यार देखो साढ़े तीन किलो तुमसे जलता हूं दोस्त तुम अगर साढ़े तीन किलो जलता हो और वो मेरा दुश्मन है तो दस किलो जलता है ऐसा कुछ कहा क्या किसी ने नहीं इसका मतलब ये क्या है ये मेरे दोस्त नॉन मैटर है ये मेरे दोस्त क्या है नॉन मैटर लाइट कभी हम लोगों ने कहा तीन किलो लाइट दे दो आप जब इलेक्ट्रिक बल्ब लेने जाते हो तो उसकी पावर बताते हो इतने वाट का बल्ब दे दो कहते हो तीन किलो का बल्ब दे दो है ना ढाई किलो का बल्ब दे दो दिवाली आने वाली है पंद्रह किलो का बल्ब दे दो ऐसा तो नहीं कहते हो तो इसका मतलब लाइट क्या है नॉन मैटर है इसका मतलब लाइट क्या है नॉन मैटर है है हाँ ना तो देखो लाइट हो गया ठीक है ना तो बात समझ गए मैटर क्या है नॉन मैटर क्या है तो मैटर क्या है जिसके पास यार मास है और वैल्यूमक उपाय करता है मैटर है और जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं है वो नॉन मैटर है अब साउंड अब अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने नहीं बैठे होंगे क्लास मेरी स्टार्ट हो गई है है ना तो मम्मी पापा चिल्ला रहे होंगे यार सर्वे सर की क्लास स्टार्ट हो गई है और तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो कैसे कर रहे हो तो अब क्या है ये साउंड आ रहा है तो ये साउंड क्या है मैटर या नॉन मैटर ऐसा हो रहा है कि तीन किलो का साउंड चला रहा है दो किलो का साउंड चला रहा है पांच ग्राम का साउंड चला रहा है यस वेरी वेरी गुड गुड क्या है नॉन मैटर वेरी गुड बहुत सही बहुत सही तो यार किसी भी तरह का साउंड ये भी क्या होगा नॉन मैटर में आएगा अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुमने इतना पढ़ लिया है तो तुम क्वेश्चन भी करोगे है ना जिद्दी टाइप के बच्चे हो मानोगे तो है नहीं अब तुम्हारे अंदर आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन जरूर करूंगा सर क्वेश्चन जरूर करूंगा तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर अब बताओ यार इसमें से मैटर कौन है हां जिद्दी तो हो तुम मानोगे थोड़ी ना जब तक सिलेक्शन नहीं ले लोगे तब तक कहां मानने वाले यस वेरी गुड बहुत सही बहुत सही बताओ तो देखो यार साउंड ये तो नॉन मैटर है. है ना हेट हीट ये भी नॉन मैटर है अब बुक तो वजन होता है आप लोग कहते हो कि हाँ सर है ना आप लोग बोलते हो ना कि सर एनसीआर में वजन कम है हाँ वेरी गुड वेरी गुड तो ये क्या है मैटर बहुत सही बहुत सही गुड 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 चलो अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं क्यों एक क्वेश्चन से तुम्हारा मन भरता नहीं है तुम तो यही कहते हो दिल मांगे मोर दिल मांगे मोर तो लो बेटा जरा जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर मैटर का एग्जाम्पल कौन नहीं है बताओ साउंड पेन यार पेन का तो वजन होता है वैल्यूम भी अकुपाई करता है है ना एयर एयर में भी वेट होता है क्यों एयर में भी वेट होता है, है कि नहीं वाटर वाटर में भी वेट होता है तो किसमें वेट नहीं होता है किसमें मास नहीं होता है साउंड यस वेरी गुड बहुत सही बहुत सही बेटा सतीश वेरी गुड बहुत सही बहुत सही अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर इसको क्लासीफाई कर दो तुम्हारा क्या मन कर रहा है कि यार मैटर को क्लासीफाई कर दो तो देखो यार बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है जरा इसको देखो ठीक है तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है मिक्सचर और प्योअर अब मिक्सचर क्या होता है प्योर सबस्ट क्या होता है इसको जरा समझाता हूं जरा देखो गौर से सुनिएगा सब लोग मिक्सचर क्या है प्योर सब्सटेंस क्या है जरा इसको समझाता हूं सारे बच्चे जरा गौर से ध्यान देंगे इस बात को ठीक है नहीं बेटा मेरी तरफ से तो लैक नहीं है यहां तो नेट एकदम परफेक्ट चल रहा है मेरी तरफ से किसी तरह का कोई लैक नहीं है यहां सब कुछ एकदम फिट एंड फाइट है आप लोग बताओ अब लैक हो रहा है क्या हाँ बेटा श्रुती अब बताओ श्रद्धा लैक हो रहा है बिल्कुल सही है ना अंजलि अंजलि कह रही लैक हो रहा है नहीं बेटे लैक क्यों हो रहा है सही है जल्दी से कमेंट में बताओ सब कुछ सही हो तो आगे बढ़े हाँ ठीक है सब ठीक है सब ठीक है आ जाओ अब जरा देखो यार मैंने आपको कहा मैटर का, का क्लासिफिकेशन दो तरह से प्योर प्योअर और मिक्सचर अब गौर सुनना प्योर सब्सटेंस क्या होता है देखो आपने जो मैटर लिया मैटर क्या कर रहा है मास অকुपाइ कर रहा है यदि वो मास অকुपाइ कर रहा है तो किसी ना किसी चीज का कलेक्शन होगा है ना किसी ना किसी चीज का कलेक्शन होगा तो गौर सुनिए यदि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है तो उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस फिर से सुनो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल और एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस मैटर इज ए कलेक्शन ठीक है ओनली मैटर जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या है कलेक्शन है किस चीज का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस जो है वो कलेक्शन है ठीक है और किस चीज का कलेक्शन है बच्चों बताओ प्योर सब्सटेंस किस चीज का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस जो है वो कलेक्शन है एक ही टाइप के एटम और मालिक्यूल का मतलब फॉर एग्जाम्पल जरा समझिएगा और बताइएगा जैसे मैंने कहा कि यार ये हाइड्रोजन गैस है तो आप बताओ यदि हाइड्रोजन गैस आप लोगे तो मुझे बताइएगा कि उसमें कौन कौन से मालिक्यूल होंगे यदि मैंने एक लीटर हाइड्रोजन गैस ली तो उसमें क्या होंगे हाइड्रोजन गैस के ही मालिक्यूल होंगे और किसी के होंगे मुन्ना बताओ ना और किसी के होंगे नहीं होंगे ना यार हाइड्रोजन गैस का एक मालिक्यूल दो मालिक्यूल लाख मालिक्यूल करोड़ मालिक्यूल खरब मालिक्यूल मगर होंगे किसके सिर्फ हाइड्रोजन गैस के तो वो क्या है प्योर सब जैसे पानी अब ये जो पानी है ये किसका है वाटर का, का कलेक्शन है वाटर का एक मालिक्यूल वाटर का दूसरा मालिक्यूल वाटर का तीसरा मालिक्यूल और लाख मालिक्यूल तो ये पूरा कलेक्शन मिलके क्या बन गया मैटर मिल गया मगर ये कलेक्शन एक ही टाइप के मालिक्यूल का है इसलिए इसको क्या बोलोगे इसलिए इसको क्या बोलोगे मुन्ना बताओ यस yes. अंजलि बेटा बताओ इसको क्या बोलोगे संजीत हाँ देवी बेटा बताओ पायल आशीष यादव जी जल्दी बताओ पांडे जी इसको क्या बोलोगे प्योर सब्सटेंस क्यों सिर्फ एक टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है और वो टाइप के मालिक्यूल कौन है वाटर 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 तो जब एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है अब आ जाओ मिक्सचर किसको बोलते हैं गौर से देखो मिक्सचर इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन मोर देन वन टाइप ऑफ टाइप ऑफ मालिक्यूल और एटम फॉर एग्जांपल एयर अब बताओ एयर में क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ एयर में क्या है ऑक्सीजन भी है जिसको हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग लेते हैं और जिंदा रहते हैं एयर में क्या क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी है मुन्ना एयर में क्या क्या है हीलियम हीलियम गैस भी है है के साथ साथ एयर में क्या क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है एयर में क्या क्या है वाटर वेपर भी है एसेट्रा तो एयर क्या एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है नहीं बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए उसको क्या बोलोगे बेटे समीर यस 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 इसको क्या बोलोगे मिक्सचर तो गौर से समझो एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सफ्टान डिफरेंट टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो मिक्सचर जैसे अब तुम क्या कर रहे होगे मेरी क्लास के साथ साथ क्या पी रहे होगे चाय पी रहे होगे कि मम्मी चाय बना दो दस है ना आठ बज रहा है सर्वे सर सुबह सुबह आ गए हैं पढ़ाने के लिए तो चाय में क्या क्या पड़ा है मुन्ना बेटा बताना पानी पड़ा है दूध पड़ा है चाय पत्ती पड़ी है सुगर पड़ा है इतनी चीज तो मिनिमम पड़ी है है ना तो बताओ जरा चाय तुम्हारी क्या है प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर बताओ 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 जल्दी बताओ यस 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 हाँ बिल्कुल सही अंकित यस तो क्या है क्या है मिक्सचर है हाँ अभी मुझे ये मिक्सचर मिला नहीं है मैं भी चाय पीने के लिए इच्छुक हूं मगर क्लास सुबह सुबह थी तो अभी तक चाय पी नहीं है यार तुम लोगों के साथ ही पीऊंगा मिक्सचर है वेरी गुड और ये दो मिनट वाली मैगी क्या है बताओ जरा ये दो मिनट की मैगी क्या है मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस सब लोग आंसर दो यस दो मिनट की जो मैगी है वो क्या है मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है तो वो भी क्या है मिक्सचर क्यों मैगी में वो जो मैगी पड़ती है पानी पड़ता है कुछ किसी टाइप का मसाला भी पड़ता होगा है हाँ ना पड़ता होगा क्या मतलब पड़ता है तो वो क्या है मिक्सचर है मुन्ना वो क्या है मिक्सचर कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक क्या है जल्दी बताओ मिक्सचर है यस मिक्सचर अब तुम जिद करने लगे फिर फिर देखो है हम तुमसे मना करते तुम मानते तो हो नहीं अब तुम कह रहे हो मैं क्वेश्चन करूंगा यार सुधरोगे कब तुम लोग अब तुम कह रहे हो मैं क्वेश्चन करूंगा तो यार जब तुम क्वेश्चन करोगे तो मुझे कराने पड़ेंगे तो लो इसी बात पे जरा आंसर बताओ इस क्वेश्चन का चलो जिद्दी बच्चों आ जाओ आ जाओ आओ आंसर बताओ निकम्मो है सिलेक्शन ना होगा ना तो घर में घुस के मारेंगे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुम सबको खूब अच्छे से पढ़ाई करो सब कुछ पढ़ाया जाएगा कुछ छोड़ा नहीं जाएगा और सब बिल्कुल स्मूथ पढ़ाया जाएगा आराम से बातें करते करते पूरा चैप्टर निपटा देंगे देखते जाओ पूरा चैप्टर तुम्हें पूरा पढ़ा देंगे विद क्वेश्चन हां आ जाओ क्या क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल्स चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर अब मिक्सचर क्या है एयर तो यार एयर में क्या क्या है एयर में नाइट्रोजन भी है एयर में ऑक्सीजन भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो मिक्सचर है मैगी में क्या है मैगी में पानी भी होता है है ना? और मैगी वाले नूडल भी होते हैं और भी मसाला भी होता है तो ये भी क्या है मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट इन वाटर इसका मतलब यार एन भी है और पानी भी है तो ये भी क्या है मिक्सचर तो आंसर क्या आएगा ऑल 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 और यस 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 बहुत सही है कितने टैलेंटेड दिख रहे हो अब जब इतना हाँ यस वेरी गुड अब यार तुमने जब इतनी तमन्नाएं पाल रखी हैं कि सर एक क्वेश्चन और करेंगे तो जल्दी से चिपका दो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो हाँ जब मन कर रहा है तुम्हारा करने का तो इस क्वेश्चन को भी कर डालो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटांस Given example. अब देखो mixture कौन कौन है और प्योर सब्सटेंस कौन कौन है उसका रेशियो आई थिंक पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल आप ठीक है चालू करें यस yes. तो देखो भाई स्पीड में रहना मतलब जल्दी पढ़ाई अच्छे से करना है ना खूब मन लगा के करो चलो अब बताओ पहला एग्जाम्पल क्या है एयर ये तो मिक्सचर है कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक भी मिक्सचर है भाई उसमें पानी भी होता है कलर भी होता है देखो खट्टी मिट्टी होती है तो खट्टी मिट्टी के लिए कुछ तो डालते ही होंगे यार है ना हाँ चाय अभी डिस्कस किया है अब देखो सोडियम सॉलिड सॉलिड सोडियम है तो वो किसका कलेक्शन होगा एक सोडियम एटम दो सोडियम एटम तीन सोडियम एटम हजार सोडियम एटम लाख सोडियम एटम इनसे मिलके सोडियम सॉलिड का कलेक्शन हुआ होगा अब सोडियम सॉलिड में पोटेशियम थोड़ी घुस जाएगा है ना तो ये क्या है प्योर सब्सटेंस हीलियम गैस प्योर सब्सटेंस P4 का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस अब सुगर सुगर क्या है मिक्सचर क्यों सुगर सोल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब तुमने चीनी भी डाल रखी है और साथ में पानी भी डाल रखा है तुमने चीनी भी डाल रखी है साथ में पानी भी डाल रखा है तो M कितने हैं चार P कितने हैं तीन M कितने हैं चार और P कितने हैं तीन यस 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 चलो भाई जिद्दी लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो जरा फर्दर क्या होता है फर्दर क्या होता है देखो मिक्सचर क्या है जिसके पास मास है वैल्यू में वो मिक्सचर है फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्योर सब्सटेंस सॉरी 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 मैटर क्या है जिसके पास मास है और वैल्यूमक उपाय करता है मैटर है फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया सब्सटेंस और मिक्सचर प्योर टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है सब्सटेंस। डिफरेंट टाइप के एटम का है, फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो, हो गया एक एलिमेंट और एक कंपाउंड अब एलिमेंट क्या होता है गौर सुनना एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस यदि वो एक ही टाइप का मालिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर है, तो एलिमेंट एक टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस है बात समझ रहे हो एक टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस है और यदि वो एक टाइप का मालिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर है, तो वो एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन जैसे ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन तो बताओ ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन किससे मिलके बना है O2 अब ये O2 से मिलके बना है इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है और जो O2 मालिक्यूल है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है इसलिए वो क्या है एलिमेंट फॉर्मड बाय सेम टाइप ऑफ एटम N2 सेम टाइप टाइप एटम से मिलके बना है O2 सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है O3 सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है फोर सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलकर बनाएट सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलकर है कंपाउंड यदि सेम टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं और वो जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप के आइटम से मिलकर बना हो तो उसको कंपाउंड जैसे वाटर वाटर का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस मगर वाटर दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर है इसलिए कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस मगर कार्बन डाइऑक्साइड दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर है इसलिए कंपाउंड क्लियर है यस या नो यस या नो जल्दी बताओ भाई खुशी अमन श्रुति श्रद्धा जल्दी बताओ हाँ बेटा हुसैन अर्पित जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या ये बात सबको क्लियर है क्या ये बात सबको क्लियर है यस 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 वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही बहुत सही तो बात समझ गए अब देखो मैं समझा रहा हूं मास है वैल्यूम है मैटर है यदि वो मैटर एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस है एक ही टाइप का मालिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है एलिमेंट डिफरेंट टाइप के आइटम से मिलकर बना है कंपाउंड खेल खत्म इधर आ जाओ मिक्सचर डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन मिक्सचर है अब यदि वो डिफरेंट टाइप के molecule का जो कलेक्शन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देखने में एक जैसा लग रहा है तो होमोजीनियस और यदि वो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो हैोजीनियस बच्चों ने कहा नहीं इसमें मजा नहीं आई ना 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 इसमें मजा नहीं आई भाई इसको थोड़ा समझाओ तो हमने का मुन्ना जरा समझो ये पानी है पानी में यदि मैं एक चम्मच नमक घोल दू नमक समझते हो ना सॉल्ट यार एन किचन में जाओ और किचन में जाओ देखो ग्लास लो उसमें आधा गिलास पानी डालो और उसमें क्या करो वन स्पून सॉल्ट डाल दो और उसको घुमा दो आप देखोगे पूरा सोल्यूशन एक जैसा दिखेगा पूरा सोलूशन एक जैसा दिखेगा तो उसको बोलोगे होमोजीनियस सोलूशन इसी तरह आधा गिलास पानी लो उसमें सुगर डाल दो चीनी और घुमा दो मगर ये सारे काम ये सारे काम मम्मी की आज्ञा से करना मतलब पूछ के करना नहीं तो उड़ते हुए बेलन या उड़ते हुए जूते चप्पल पड़ सकते हैं है ना क्योंकि किसी के क्षेत्र में घुसोगे तो मार खा जाओगे तो ध्यान रखना तो किचन में तब भी घुसे तो घर वालों से पूछकर तो बात समझ गए तो क्या हुआ यदि वो दिखने में एक जैसा है होमोजीनियस है तो क्या है एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या है होमोजीनियस और यदि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास पानी ले लो और रोड में चले जाओ घर के बाहर निकलो जो मिट्टी है ना उसको पानी में डालो और खूब तेजी से घुमाओ उसके बाद उसको छोड़ दो तो वो दो अलग अलग लेयर में रहेगा वो दो अलग अलग लेयर में रहेगा आपको साफ साफ पता चलेगा ये मिट्टी ऊपर पानी अच्छा मान लो घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो एक ग्लास पानी लो उसमें दो तीन ड्रॉप ऑयल घर ऑयल ऑयल वही मस्टर्ड ऑयल अरे जिससे खाना बनता है ना कोई भी ऑयल हो उसको डाल दो तो जब तुम उसको डालोगे तो देखना पानी अलग होगा ऑयल अलग होगा ज्यादा मत डाल देना नहीं तो मार खा जाओगे है तुम भी मार खाओगे हमें भी डांट खिलवाओगे कि सर जो है ना हमारी चीजों को बर्बाद करवा रहे हैं बच्चों से बोल बोल के ठीक है ना हाँ तो ऑयल और पानी ये क्या है हेट्रोजीनियस है ये क्या है हेट्रोजीनियस है पेट्रोल और पानी अब ये मत गड़बड़ कर देना कि पापा की गाड़ी से जाके पेट्रोल निकाल लो है तुम तो डांट खाओगे खाओगे और तुमसे पूछेंगे जरूर कि कौन से सर तुम्हें पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं कि बदमाशी सिखाते हैं कि पानी में पेट्रोल मिलाओ पानी में ऑयल मिलाओ है हाँ ना तो समझ के करना तो पानी में पेट्रोल मिलाओगे पेट्रोल अलग रहता है पानी अलग रहता है तो ये क्या है हेट्रोजीनियस है ये क्या है हेट्रोजीनियस है तो जरा गौर समझो अब पूरा खाका आपके सामने खिस गया है देखो जिसके पास मास है वैल्यूम है मैटर है यदि वो मास एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस है वो मालिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट वो मालिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है कंपाउंड जिसके पास मास है वैल्यूम है मैटर है यदि तो तो वो मैटर डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है मिक्सचर वो डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन दिखने में एक जैसा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मोजीनियस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस क्लियर है पहले ये बताओ यस या नो यस या नो हाँ अर्पित चिंता ना करो क्वेश्चन भी करा रहा है हाँ पटेल कह रहा है क्लियर है अच्छा सॉरी पटेल नहीं श्रुति पटेल है ना हाँ क्लियर है क्लियर है बहुत सही बहुत सही ओके ओके हाँ अब तुम मानोगे नहीं तुमको लगेगा सर क्वेश्चन तो दिया नहीं है आपने है हाँ, ना तो चलो क्वेश्चन भी कर लेते जल्दी से आंसर बताओ इसका जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी आंसर बताओ सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताए। yes. Which of the following? यार इसमें थोड़ी सी brightness है, तो पास से दिखता ही नहीं है मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट अब एलिमेंट क्या है प्योर सब्सटेंस के नीचे है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो ये पी फोर लिखा है हम्म hmm. तो देखो ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना बनाए ये तो मिक्सचर है ये भी डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना बनाए तो पहले प्योर सब्सटेंस होना चाहिए और साथ साथ में एक ही टाइप के एटम से मिलके बना बनाए बहुत सही यार अच्छा गया तुम लोग बहुत सही बहुत सही बहुत सही यार वेरी गुड बहुत सही बेटा अक्की बहुत सही हर पे बहुत सही चलो चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं तुम मानोगे नहीं तुम तो कहोगे कि सर हमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे है ना लो भाई जिद्दी प्राणी आंसर निकालो यस 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 आलोक विशाल ठीक है बहुत सही अंजलि हम अंकित प्रीतम सुल्तान पंकज आंसर बताओ एजे मेडिको आंसर बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ यस yes, यस yes. अब देखो इसका आंसर हम बताते हैं मतलब आप भी बताओ मैं भी बताता हूं है ना हाँ मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन लिस्ट टू एलिमेंट अच्छा कंपाउंड और मिक्सचर तो देखो एयर क्या है एयर बहुत सारे मालिक्यूल का कलेक्शन है तो इसका मतलब यार ये तो मिक्सचर हो गया तो ये तो हो गया मिक्सचर मिक्सचर का मतलब सी अच्छा सुगर, सुगर क्या होता है सुगर सोलूशन है पानी और सुगर का कलेक्शन है तो बच्चों ये भी क्या हो गया सी अब वाटर वाटर एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो ये प्योर सब्सटेंस हुआ वाटर एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो ये प्योर सब्सटेंस हुआ मगर वो मालिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से बना है तो ये क्या हो गया कंपाउंड ऑक्सीजन गैस एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए क्या हो गया प्योर सब्सटेंस मगर एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है इसलिए एलिमेंट अब देख लो ऐसी मैचिंग कहां पे है बच्चे क्या कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं सर ए आंसर है ए आंसर है ए आंसर है आप कह रहे हो तो ठीक ही है जरा मैच करो जरा एक बार मैं ए को थोड़ा धीमे कर दू यार बच्चों मैच कौन सा हुआ हम क्या है जरा देखना ए ए ए का का मैच मैच क्या है है एस ए का मैच एस है ए का मैच एस है तो ये कट गए फिर बी का मैच क्या है बी है, है, है तो क्यू और आर क्यू बी है क्यू और आर यस yes. सबका आंसर डी आ रहा है ओए मुन्ना तुम्हारा ए कैसे आ रहा है क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या अच्छा हाँ मैं ही गलत कर रहा हूं मैंने ही गलत टिकी है बी का आंसर सिर्फ आर है ठीक है और सी का आंसर पी और क्यू है यस यस हां क्या बात है आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो अब अगली हेडिंग पे चले ये क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनो क्या लिखा है इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट देखो किन बातों पर फिजिकल स्टेट का इफेक्ट पड़ता है किन बातों पर फिजिकल स्टेट का इफेक्ट नहीं पड़ता है देखो फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है आपको पता है गैस है लिक्विड है एंड सॉलिड है क्या क्या है गैस है लिक्विड है और सॉलिड है अब देखो कौन कौन सी बातों का फिजिकल स्टेट पर इफेक्ट पड़ता है अब गौर से सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट है हेडिंग इंपॉर्टेंट है गौर से सुनिएगा आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है तो मैं लिखने जा रहा हूं इसके बारे में कुछ जरा समझिए अभी तक मैंने एक भी सी नहीं दिया बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप सी देना भूल गए क्या तो ऐसा नहीं है अब सी देना स्टार्ट कर रहा हूं पहला सी आज के चैप्टर का आ गया है आपके पास जरा देखो पहला सी आज के चैप्टर का आ गया है आपके पास जरा गौर से सुनो देखो मास नंबर किसी भी तरह का नंबर हो मोल ये जो है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते पहला पॉइंट नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट मतलब देखो मतलब क्या है यदि मैं आपसे कहूं सौ मालिक्यूल पानी पानी मतलब लिक्विड ये देखो ये लिक्विड फेज में है मैंने कहा इसमें सौ मालिक्यूल है पानी को अब मैं इसको आइस बना देता हूं तो बताओ कितने मालिक्यूल है बताओ कितने मालिक्यूल होंगे फिर अब बताओगे नहीं कितने मालिक्यूल होंगे सौ होंगे यदि तुमने सौ से ज्यादा या कम बता दिया तो डाल्टन भैया बहुत गुस्सा हो जाएंगे डाल्टन भैया ने हम लोगों को बताया था क्या एटम नाइदर बी बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय है ना तो जब सौ मालिक्यूल वाटर के हैं तो सौ मालिक्यूल का ही आइस बनेगा तो इसका मतलब नंबर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहे अब इस सौ मालिक्यूल लिक्विड वाटर को आप वेपराइज करा दो तो सौ थोड़ी हो जाएंगे सौ रहेंगे सो रहेंगे तो नंबर और मोल एक क्या है नंबर है नंबर और मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते यदि तीन ग्राम लिक्विड है तो यदि पूरा का पूरा वाई प्राइस करा दोगे तो भी वो तीन ही ग्राम होगा और तीन ग्राम लिक्विड है उसको आप फ्रीज कर दोगे सॉलिड स्टेट पे ले आओगे तो भी वो तीन ही ग्राम होगा तो किसी भी तरह का नंबर मास मोल फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते इनकी वैल्यू हर स्टेट पर सेम होगी जो वैल्यू गैस में होगी वही वैल्यू लिक्विड में होगी वही वैल्यू किसमें होगी सॉलिड में होगी हो मतलब जो वैल्यू गैस में है वही वैल्यू लिक्विड में है और वही वैल्यू सॉलिड में है फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा करेगा क्या क्या गौर सुनो वैल्यूम करेगा और डेंसिटी करेगी अरे भाई ये इतना आवाज करता है वैल्यूम और डेंसिटी डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट बात समझ पा रहे हो कि नहीं अरे भैया बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि मार खा के ही समझोगे है ना बिना मार खाए समझ जाओगे ना जरा गौर समझो। वैल्यूम जो होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि गैस का वैल्यूम लिक्विड के वैल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है देखो आप क्या करते हो गौर से देखो समझिएगा हाँ। आप क्या करते हो आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में हम जो आपका परफ्यूम है या डीओ है उसको लिक्विड फॉर्म में डेंस फॉर्म में हम लोग भर के रखते हैं बोतल में जैसे ही स्प्रे करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि हाँ तुमने डीओ यूज किया है या स्प्रे यूज किया है तो वो क्या करता है जैसे ही गैस फॉर्म में आता है तो वो क्या करता है पूरे घर का या पूरे रूम का वैल्यूमाक उपाई कर लेता है पूरे रूम का वैल्यूमाक उपाई कर लेता है आपसे कहा जाता है गैस जिस कंटेनर में होती है उसी कंटेनर का वैल्यूमाक उपाई करती है अब ये देखो वाटर है अब ये मान लो इतना वाटर है अब लिक्विड फॉर्म में है तो इतना वॉल्यूम मकूपाई कर रखा है यदि फॉर्म में होता तो पूरी बॉटल का वॉल्यूम कर रखता तो जो वॉल्यूम है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है आप लोगों ने देखो अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में क्या होता है आप घर में क्या करते हो पानी की ट्रे लगाते हो फ्रिज में तो जब पानी की ट्रे लगाते हो उसके बाद जब आइस बनती है तो आइस जब बनती है तो देखना लेवल थोड़ा ऊपर उठ के आता है क्योंकि वाटर आइस का वैल्यूम वाटर लिक्विड से ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा अभी फिजिकल में नहीं यदि मैं इस कप के बराबर पानी फ्रीजर में लगा दू ऐसे तो जब आइस बन के आएगी तो थोड़ा सा ऊपर उठ के आएगी मतलब थोड़ा सा लेवल और ऊपर होगा ऐसा इसलिए होता है क्यों क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है जर्नली क्या होता है जर्नली ये होता है लिक्विड का वैल्यूम से कम सॉलिड का वैल्यूम होता है मगर वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है वाटर के केस में सॉलिड वाटर का वैल्यूम जो होता है लिक्विड वाटर से ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कैविटी बनाते हैं और उस कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कैविटी बनाते, है, बनाते हैं क्लोज कैविटी बनाते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है एयर ट्रैप होने की वजह से वो एक्सपेंड कर जाता है तो ज्यादा वैल्यूम ऑकुपाई करता है क्लियर है ये बात इतनी बात इतनी सबको क्लियर है यस यस या या नो नो कि और डेंसिटी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेंगे और वैल्यूम कैसा होता है इन जर्नल गैस का वैल्यूम सबसे ज्यादा फिर लिक्विड का अब दोनों ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा इसको पूरा पूरा लिखते हैं नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा वैल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वैल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वैल्यूम ऑफ सॉलिड मगर ये जर्नल फॉर्म है ध्यान रखना ये जर्नल फॉर्म है क्लियर है सबको अरे यस या नो बोलो जल्दी से बोलो समीर समीर बेटा पायल दीक्षित हाँ भाई अर्पिता जल्दी बताओ रक्षित गोस क्या लिखा है गोस्वामी सबको क्लियर है ये आगे बढ़े बात समझ पाए क्या किसी भी तरह का मास होगा किसी भी तरह का नंबर होगा मोल होगा वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा हर फिजिकल स्टेट में उसकी वैल्यू सेम रहेगी जैसे मैं बोलूं दो मोल वाटर को वेपराइज करा दिया गया है तो अब बताओ कितने मोल वाटर है तो दो ही मोल है चार ग्राम वाटर को वेपराइज करा दिया गया है आप बताओ कितने मोल वाटर है ए, कितने मास वाटर है तो फोर ग्राम मास है यस 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 ओहो ओह अच्छा अनिल और समीर ये जिद कर रहे हैं कह रहे हैं क्वेश्चन करूंगा आलोक भी जिद्दी है कह रहे हैं सर क्वेश्चन करूंगा क्वेश्चन करूँगा तो चलो जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं सब लोग जल्दी से क्वेश्चन बताएं हाँ जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं सब लोग जल्दी से क्वेश्चन बताएं चलो क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर गैस ऑफ सोडियम एटम हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर अब देखो दिया क्या है मास मास सॉलिड से वेपर में जा रहा है तो मास में क्या चेंज आएगा क्या मास में चेंज आएगा क्या मास में चेंज आएगा क्या वैल्यू में चेंज आएगा बच्चों नहीं आएगा आंसर क्या होगा बी क्यों क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड 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 नहीं करता है अच्छा तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम एक और क्वेश्चन करोगे तो जल्दी से ये भी कर लो यस 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 जल्दी बताओ हंड्रेड मालिकुल गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर इफ सीओ टू गैस कन्वर्टेड इन टू लिक्विड उ मैनी मालिक्यूल ऑफ सीओ टू प्रेजेंट इन ए लिक्विड फेस अब नंबर क्या फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है नहीं तो यार सौ मालिक्यूल थे सीओ टू को उनको तुमने कंडेन्स करके लिक्विड बना दिया तो अब मालिक्यूल कितने होंगे सौ रहेंगे अब मालिक्यूल कितने होंगे सौ एक में हजार कर लो यहां पर हजार कर लो दोनों में सेम आंसर लिखा है ना यस 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 क्लियर है सबको क्लियर है अब चलो यार आगे चलते हैं जल्दी से आगे चलते हैं ओए ओए रुक 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 जा रुख जा रुख जा।, रुख जा बेटे मुन्ने अब देखो बच्चों एक मिनट हाँ अब बस ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे दो आप चलो अब इसको पढ़ो आंसर दो सब लोग यस आंसर दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिया जायसवाल सिंह साहब शुक्ला जी बताओ भाई पटेल साहब पटेल साहिबा हम्म बताइए गोस्वामी मजा आ रहा है पढ़ाई में सब दिक्कत तो नहीं आ रही एकदम स्मूथ समझ के चल रहा हो ठाकुर साहब सही चल रहा है सही चल रहा है सही चल रहा है मतलब पढ़ाई सही चल रही है हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज वेन सबस्टाम चेंज इन फिजिकल स्टेट बताओ तो मास चेंज होगा नहीं नंबर ऑफ मालिक्यूल नंबर ऑफ एटम नहीं डेंसिटी यस डेंसिटी चेंज होगी और वॉल्यूम चेंज होगा क्यों क्योंकि देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है एम अपॉन बी ये चेंज नहीं होगा मगर ये चेंज होगा और ये चेंज होगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा तो आंसर क्या है सी है और डी है दो आंसर यस yes. हाँ बहुत सही फ्यूचर डॉक्टर हाँ बहुत दिन बाद मिलना है फ्यूचर डॉक्टर है ना बहुत दिन हो गए हाँ यार क्या हुआ कुछ ऐसा समय चल रहा था कि आप लोगों से मिल ही नहीं पाया और क्लास ले ही नहीं पाया है हाँ ना बच्चों में भी था थोड़ा सा तबीयत भी खराब रही है पिछले एक डेढ़ महीने मेरी बहुत ज्यादा तो बच्चों से मिल नहीं पाया वो हाँ हाँ याद तो बहुत आती है यार एक्चुअल में क्या है ना इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते वो फैमिली का पार्ट बन गए हो आप लोग जिस तरह से हम लोग अपनी फैमिली के साथ छह सात घंटे पूरे दिन में गुजारते हैं वैसे तो इतना भी नहीं गुजारते तो उतना ही तुम लोगों के साथ भी गुजारते हैं तो एक फैमिली का पार्ट हो जब क्लास नहीं लेते हैं तो उस दिन हम लोग को ज्यादा खराब लगता है हाँ चलो आ जाओ अच्छा अब देखो यार अब अगला टॉपिक आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन वन मालिक्यूल अब नंबर ऑफ एटम इन वन मालिक्यूल जरा गौर समझिएगा अब हम लोग धीरे धीरे मोल की ओर बढ़ा रहा है, ठीक है तो आ जाओ बच्चों अब आपको सारी बातें समझाते हैं ठीक है देखो जैसे मैंने यार ये मालिक्यूल लिखा गौर से तो देखो नंबर ऑफ इन वन मालिक्यूल। हमारे पास ये ग्लूकोज लिखा है C6, T6, H12, O6. अब जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा इसका मतलब क्या है देखो यहां पे कितना लिखा है एक कुछ ना लिखा होने का मतलब एक एक मालिक्यूल है जरा किसका फार्मूला है ये भाई सारे बच्चे बताइए ये किसका फार्मूला है मुन्ना जल्दी बताओ ये किसका फार्मूला है हाँ अब जरा देखो ये किसका है C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है अब गौर समझना एक मालिक्यूल में ये सिक्स लिखा है मतलब एक मालिक्यूल में छे कार्बन है एक मालिक्यूल में बारह हाइड्रोजन है एक मालिक्यूल में उसके नीचे लिखे होते हैं एक मालिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है बारह हाइड्रोजन एटम है एक मालिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है छह ऑक्सीजन एटम है ये देखो क्लियर है लैक नहीं बेटा मेरी तरफ से लैक नहीं है मेरी तरफ से लैक नहीं है Lack हो रहा है ओके मेरी तरफ से लैक नहीं है एक बार मैं पूछ भी लेता हूं है ना टेक टीम एक बार प्लीज बताएं कि लैक बच्चों की तरफ से है कि हम लोगों की तरफ से है हुँ. ये लैक के कमेंट आ रहे हैं ये अपनी तरफ से है कि बच्चों की तरफ से है अच्छा हाँ ठीक है ओके ओके बच्चों ये आप लोगों की तरफ से है है ना आप लोगों की तरफ से यहां से स्टूडियो से सब मस्त चल रहा है तो आप लोग हां अब सही है सब कुछ ठीक है क्लास स्टार्ट करें हाँ तो अब यार क्या कह रहे हैं एक मालिक्यूल में कार्बन कितने छ एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन कितने बारह एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन कितने छे अब किसी ने पूछा किसी ने पूछा टोटल आइटम कितने हैं एक मालिक्यूल में तो जरा मुन्ना बताओ मुन्ना बेटे बेटे टोटल आइटम कितने हैं निकमो मकारों टोटल आइटम कितने हैं तो देखो ये कार्बन कितने हैं हाइड्रोजन कितने हैं बारह ऑक्सीजन कितने हैं छे तो भाई जोड़ दो चौबीस यस 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 बहुत सही बहुत सही अभी हम खेल खेलेंगे डरना नहीं कि रोने धोने लगो है ना रोना धोना नहीं है अब हाँ ये हमें पता था सूर्य मानेगा ही नहीं तुरंत जिद करने लगेगा फैल जाता है ये जैसे छोटे बच्चों को चॉकलेट ना मिले तो फैल जाते हैं रोने धोने लगते हैं ये देखो सुल्तान भी यही कर रहा है ऋतु भी है अब ये क्यों फैल गए ये कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो अब बताओ एक मालिक्यूल में निकालना सीख लिया कि नहीं एक मालिक्यूल में निकालना सीख लिया कि नहीं उस मालिक्यूल के नीचे एटम के नीचे जितना नंबर है उतने एटम उस एक मालिक्यूल में कार्बन कितने छ हाइड्रोजन कितने बारह ऑक्सीजन कितने छे और टोटल पूछे तो जोड़ दो यार इसी तरह से मैंने पूछा कि जरा बताओ टेन की पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का मतलब थी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अब बताओ इसमें कार्बन के एटम के नंबर हाइड्रोजन के एटम के नंबर ऑक्सीजन के एटम के नंबर और टोटल नंबर और भाई यदि तुम ना बता पाए तो मैं घर वालों से घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कोई भी सामान लेने बाहर मत भेजा करो ये आपका पैसा उड़ा के आते होंगे गमा के आते होंगे यदि ये ना बता पाए तो, तो जरा गौर समझो एक मालिक्यूल में कार्बन है तो टेन की पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल में कितने कार्बन होंगे ये कुछ इसी तरह से हो गया है ना कि यार आलू जो है ना बीस रुपए किलो है एक किलो आलू बीस रुपए की है तो दो किलो आलू कितने की है बताओ जल्दी से तो जरा देखो एक एक एटम एक मालिक्यूल में कितने कार्बन है छह तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे एक मालिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है बारह तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे तो, हाँ भाई समझ तो पा रहे हो कि रोध हो रहे हो हाँ, मानसी सही है हाँ बस बस एक मालिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है छे तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे यस yes. एक मालिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं भाई एक मालिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं जोड़ दो सबको इतने तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे हाँ यस yes, बिल्कुल सही कृष्णा कह रहा है सर स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ अरे भैया कोई ये थोड़ी ना है, गाड़ी है कि पांचवें गेयर में डाली सर से चले गए हम तो दसवें गेयर में भी डाल देंगे मगर तुम्हारा क्या होगा जनाबे अली यदि मैंने दसवें गेड़ में पढ़ा दिया तो है ना भैया तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है मैं स्पीड बढ़ा लूंगा अपने हिसाब से टेंशन ना लो ये बात क्लियर है या नहीं सब लोग हाँ या ना में जवाब दो यदि सारी बातें क्लियर है तो जरा एक बार चैट को लाल कर दो पूरी तरह से यदि सब कुछ क्लियर है तो चैट को लॉल कर दो यस जल्दी से करो अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर सी नंबर टू दे दो सीएचडी नंबर टू दे दो यस यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो चलो आ जाओ सी नंबर टू पे चलते हैं आ जाओ सीएचडी नंबर टू सपोज करो कि एक मालिक्यूल ऐसा है कैसा है ऐसा है ऐसा कैसा ऐसा ये देखो एक मालिक्यूल हमारा ऐसा है एक्स बी वाई सी जेड सो ऑन सपोज कर लो कि एक मालिक्यूल हमारा ऐसा है अब मैंने तुमसे पूछा नंबर ऑफ ए एटम वन मालिक्यूल में पूछ रहा हूं आंसर लिखते जाओ आंसर लिखते जाओ नंबर ऑफ बी एटम और भाई कोई बच्चा गलत लिखा तो ध्यान रखना कैमरे में घुस के मारूंगा नंबर ऑफ सी एटम वैसे भी मैं एक डेढ़ महीने बाद वाई पे आया हूं है ना तो नंबर ऑफ आज वैसे मैं काफी एक्साइटेड था वैसे मैं सुबह देर से जगता हूं है ना मतलब नौ बजे आठ बजे तक जग जाता हूं साढ़े सात बजे आज साढ़े पांच बजे जग गया था क्यों क्योंकि यार बहुत दिन से तुमसे मिले नहीं तो मन बहुत था टोटल नंबर ऑफ एटम तुम लोगों से मिलने का पढ़ाने का बातें करने का है ना यस देखो ए आइटम कितने होंगे एक मालिक्यूल में कितने आइटम उस आइटम के नीचे लिखा हुआ नंबर कितना लिखा है एक्स कितना लिखा है वाई कितना लिखा है जेड मुन्ना टोटल कितने हुए x प्लस वाई प्लस जेड क्लियर क्लियर ये हुआ सी डी नंबर टू का पार्ट नंबर वन अब पार्ट नंबर टू देखो यदि वो यदि वो कहता है कि मालिक्यूल एक नहीं है मालिक्यूल एक नहीं है मालिक्यूल कितने है? सपोज करो मालिक्यूल बहुत सारे हैं कितने मालिक्यूल है एन नंबर ऑफ मालिक्यूल है एन स्मॉल एन है एन नंबर ऑफ मालिक्यूल मालिक्यूल कौन है ए एक्स बी वाई सी जेड तो अब आप लोग निकाल के दो जर्नल फॉर्म बना रहा हूं नंबर ऑफ ए एटम। बताओ मुन्ना ये कॉन्सेप्ट लिखे जा रहे हैं आप रिवाइज क्या करोगे कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट भाई सी का मतलब तो जानते हो कि पता चला जानते ही ना हो बताओ भाई सारे लोग आंसर दे सारे लोग आंसर लिखे यस बहुत सही यार सही बात कुशवाहा जी बहुत सही रहमान बिल्कुल सही बेटा नितेश मौर्य बहुत सही तो देखो क्या होगा एक मालिक्यूल में कितने x तो n मालिक्यूल में कितने nx? एक मालिक्यूल में कितना y तो n मालिक्यूल में कितना ny? एक मालिक्यूल में कितना z तो n मालिक्यूल में कितना nz? तो एक मालिक्यूल में कितना x प्लस वाई टोटल एटम एक मालिक्यूल में टोटल एटम कितना x प्लस वाई प्लस जेड तो n मालिक्यूल में कितना कर लोगे यस 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 जल्दी से यस नो बताओ हाँ एक बच्चा कह रहा है सर सी डी का मतलब क्या है ये नया मुन्ना है सारे बच्चे बताओ यार इसको कि मुझे बताना पड़ेगा सारे बच्चे इसको बताएं सीएचडी का मतलब क्या होता है सारे बच्चे इसको बताएं सीएचडी का मतलब क्या होता है चलो तो ये बात समझ गए यस हाँ तो चलो बेटा ये कॉन्सेप्ट ये समझ गए हो जब आपको रिवाइज करना हो ना तो आप सिर्फ सीएचडी सीएचडी रिवाइज कर लो रिवाइज करना हो तो सीएचडी सीएचडी रिवाइज कर लो बस यस उससे क्या होगा सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा सीधा क्वेश्चन में कूद पड़ो सीधा कहां कूद पड़ो क्वेश्चन में है ना चलो अब आपका मन कर रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन दे दो आप सबका मन कर रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन दे दो तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं सब लोग आंसर बताओ एक क्वेश्चन देता हूं सब लोग आंसर बताओ ठीक है हाउ मैनी सल्फर आइटम प्रेजेंट इन 2.47 पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन की पावर 11 मालिक्यूल ऑफ एच टू एस फोर ओ सिक्स ऑप्शन भाई सब लोग आंसर बताएं सब लोग आंसर बताएं यस सारे लोग आंसर बताओ जल्दी से हम्म हाँ. अब देखो यार कैसे होगा अब बताओ एक मालिक्यूल में कितने सल्फर है चार तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे एक मालिक्यूल में कितने है? चार तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे डाउट किसी को किसी को डाउट उट यस 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 बहुत सही यार छा गए तुम लोग चलो फिर आगे बढ़ते हैं चलो फिर आगे बढ़ते हैं जरा इसको खेल लेते हैं अब देखो यार बच्चों ये क्या कह रहे हैं इनको जरा पढ़ो ये क्या कहना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मालिक्यूल एक मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन एक मालिक्यूल में कितने प्रोटॉन एक मालिक्यूल में कितने, कितने न्यूट्रॉन तो हां बेटा क्वेश्चन कराएंगे सिद्ध की बेटा क्वेश्चन भी कराएंगे हाँ भाई तुम ऐसा नाम क्यों लिख रहे हो यार डर लगने वाला अच्छा चलो पहले आटम की बात करते हैं यदि आपको एक आइटम दे दिया जाए तो एक आइटम का सिंबल कैसे होता है बताओ भाई कोई बता पाएगा ऐसा होता है जेड एक्स ए वेयर इज जेड वेयर इज जेड एटॉमिक नंबर ये क्या है एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन को हम लोग पी से कहेंगे ए क्या है ए होता है क्या होता है मास नंबर इसी को कहा जाता है क्या इसी को कहा जाता है पी प्लस एन P मतलब प्रोटॉन एंड मतलब न्यूट्रॉन अच्छा ये बताओ जब सबको पता है कि जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है तो एटम क्या है न्यूट्रल होता है या चार्ज होता है बताओ सब लोग एटम न्यूट्रल पार्टिकल है एटम न्यूट्रल होता है या चार्ज होता है तो एटम तो न्यूट्रल होता है तो, तो जब न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे कि नहीं भाई जब वो न्यूट्रल है तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बराबर होंगे हाँ या ना हाँ या ना यस yes. तो अब गौर सुनिएगा किसी भी एटम में यह बात सही है कि नहीं एक एटम में अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं किसी भी एटम में जितना जेड होता है उतना ही पी होता है उतना ही ई होता है यदि एटम है मतलब न्यूट्रल है सही है नहीं भाई जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी को जेड बोलते हैं जेड मतलब एटॉमिक नंबर बोलते हैं अच्छा अब गौर समझिएगा अगला पॉइंट अब न्यूट्रॉन कितने होंगे अब गौर सुनो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे देखो ये क्या लिखा है ए इक्वल टू लिखा है पी प्लस एन यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या बुरा मानोगे तुम लोग बताओ क्या कोई बुरा मानेगा इस बात का देखो एक्वल टू पी प्लस एन तो एन इक्वल टू ए माइनस पी क्या बुरा मानोगे नहीं मानोगे क्यों क्योंकि ये तो बचपन का खेल खेला है अच्छा पी की जगह यदि मैं जड रख दूं तो भी क्या बुरा मानोगे क्यों अरे यार मार खाओगे पी क्या है जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह जेड डाल दिया तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं माइनस जेड होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं ए माइनस जेड होते हैं यस या नो यस या नो यस या नो ये बात क्लियर है सबको क्लियर हा या ना बोलो हा या ना बोलो और यदि ये बात क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन का जवाब दो सब लोग मैं लिखने जा रहा हूं यह कार्बन का एक एटम है किसका एटम है कार्बन का अब इसमें बताओ एक एटम में कितने प्रोटॉन एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितने न्यूट्रॉन ओ सब लोग बताओ हाँ सर बताओ बताओ यार जल्दी बताओ सब लोग जल्दी बताओ हम्म, जल्दी बताओ हाँ तो देखो ये क्या है ये क्या है ये है मुन्ना जेड और ये क्या है ए तो प्रोटॉन जेड के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस जेड होता है तो इन दोनों को माइनस कर दो बारह माइनस छ तो क्या सभी बच्चों को एक एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना आ गया हां या ना क्या सभी बच्चों को एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना आ गया हां या ना यस 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 आ गया सर आ गया आ गया तो यदि आ गया तो एक एटम में आ गया तो यार सौ एटम में अपने आप आ जाएगा कैसे ऐसे चलो जल्दी से आ जाओ सी भी लिखेंगे और साथ साथ में इसको पढ़ाएंगे भी तो पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं एक क्वेश्चन दे देता हूं चलो बताओ जरा गौर से देखिए टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ऑफ फिफ्टीन फोर्टीन फास्फोरस सॉरी फिफ्टीन फिफ्टीन फास्फोरस थर्टी वन प्रेजेंट इन कंटेनर आपको क्या क्या बताना है देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं कितने हैं फिर बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनर में फिर बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ भाई सब लोग आंसर दें सब लोग आंसर दें एक एटम में कितने प्रोटॉन ये क्या है जेड जितना जेड उतना पी उतना ई e. ये क्या है ए ए क्या है पी प्लस एन तो एन क्या हुआ ए माइनस जेड ये एक एटम में है तो गौर से सुनो एक एटम में कितने प्रोटॉन पंद्रह तो इतने एटम में कितने हुए एक एटम में कितने हैं पंद्रह तो इतने एटम में कितने हुए एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पंद्रह तो इतने एटम में कितने हुए एक एटम में कितने न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन कितने हैं जरा माइनस करके देख लो ए माइनस जेड एक एटम में कितने न्यूट्रॉन इतने तो इतने एटम में कितने हुए यस yes. सब लोगों ने निकाल लिया सब लोगों ने निकाला अच्छे से यस yes. क्लियर है क्लियर है तो तुम्हारी डिमांड आ रही होगी कि सर आप सीएसडी नंबर तीन दे दो हम्म तुम्हारी डिमांड आ रही होगी कि सीएसडी नंबर तीन दे दो अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री हम रिवीजन क्या करेंगे भाई जब आप पेपर देने जाओगे या रिवाइज करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आप डेली रिवाइज करो सारे कॉन्सेप्ट आप डेली रिवाइज करो हाँ कुणाल गुप्ता लव यू बेटा अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री क्या है सपोज करो कि एक आइटम ये है मैंने माना कि एक आइटम कुछ इस तरह का है देखो जेड एक्स ए एक आइटम है इसमें किसी ने कहा नंबर आप प्रोटॉन बताओ तो प्रोटॉन के नंबर क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ तो प्रोटॉन के नंबर किसके बराबर होते हैं जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन के नंबर किसके बराबर होते हैं जेड के बराबर और इसके नंबर किसके बराबर होते हैं ए माइनस जेड एक एटम में मगर ध्यान रखना ये न्यूट्रल एटम है अच्छा अब मैंने क्या किया कॉन्सेप्ट नंबर टू कॉन्सेप्ट नंबर वन है अब कॉन्सेप्ट नंबर टू में आओ यदि एन नंबर ऑफ एटम हो यदि एटम एन नंबर है तो देखो अब निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो बेटा मुन्ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो चलो चलो स्टार्ट करो देखो एक आइटम में कितना जेड एक आइटम में जेड एन आइटम में कितना एन इंटू जेड एक आइटम में कितना जेड तो एन आइटम में कितने एन इंटू जेड एक आइटम में कितने न्यूट्रॉन ए माइनस जेड तो एन आइटम में कितने क्या ये बात सही है सबको समझ में आ रही है यस yes. अब जरा गौर से समझो पॉइंट नंबर थ्री कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कॉन्सेप्ट नंबर थ्री यदि एटम ना हो के आयन हो एटम ना हो के आयन हो तो सपोज करो ये आयन है इस तरह से एटम नहीं है आयन है ऐसे भाई जैसे ये देखो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेना चाहो ये देखो इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से अब कैसे निकालोगे तो देखो कॉन्सेप्ट समझो लेना देना किसका होता है बताओ लेना देना किसका होता है लेना देना ऑलवेज लेना देना ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का होता है प्रोटॉन कहता है भैया हमें लेन देन नहीं समझ में आता है ना तो हम किसी से लेंगे ना हम किसी को देंगे एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना तो प्रोटॉन रिलीज होता है ना प्रोटॉन गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन रिलीज होता है ना न्यूट्रॉन गेन होता है तो लेना देना सिर्फ एक चीज का होता है और वो चीज क्या है वो चीज है इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब मिलना प्लस का मतलब देना तो अब आप बताओ यदि मैं कहूं नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितने न्यूट्रल में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने न्यूट्रल में क्यों ना तो ये आते हैं ना जाते हैं अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जेड जब वो न्यूट्रल था तो जेड थे गौर सुना जब वो न्यूट्रल था जेड थे माइनस लगने का मतलब मिलना तो जेड में मिल गए जैसे ऑक्सीजन पे दो माइनस है इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिले तो ऑक्सीजन का जेड कितना होता है आठ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ होता है ना तो दो मिले कितने हो गए इलेक्ट्रॉन दस हो गए तो इसका मतलब प्लस माइनस एन प्लस माइनस एन का मतलब यदि एनायन है एनायन का मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा ऐसे तो यदि वो एनायन है तो इसका मतलब क्या होगा प्लस करो उल्टा क्यों एनाइन का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिला है और मिला है तो सम हो गया एड हो गया और यदि वो कैटाइन है तो कैटाइन का मतलब क्या होता है निकलना तो कितने निकल गए एन निकल गए सोडियम पे प्लस वन है इसका मतलब तुमने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकला है सोडियम पे क्या है प्लस वन इसका मतलब तुमने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जेड थे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कर लोगे अब एक आयन में पता चल गया तो यार दस आयन बीस आयन में तो निकाल ही लोगे ये तीन कॉन्सेप्ट समझ पाए क्या ये तीन कॉन्सेप्ट समझ पाए हो और यदि समझ पाए हो तो इस क्वेश्चन का जवाब दो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए यदि आप समझ पाए हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सेवन नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन देखो ये है अब आपको करना क्या है आपको कैलकुलेट करना है ए नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ चलो जल्दी जल्दी बताओ सब लोग सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें हाँ बेटा टाइम पे खत्म हो जाएगी टेंशन ना लो आप पढ़ाई पे फोकस हो देखो टाइम पे फोकस क्यों करते हो यार अब आप सोचो ये चैप्टर मैंने लाखों बार पढ़ा दिया है लाखों बार तो नहीं मतलब हजारों बार नहीं जाने कितने बार पढ़ाया है मगर क्या तुम्हें लग रहा है कि सर एकदम मस्त तरीके से नहीं पढ़ा है इंजॉय करते हुए नहीं पढ़ा रहा है। आप टाइम नहीं देखो आप पढ़ाई देखो कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं तुम पेपर में कर पाओगे कि नहीं इस पर फोकस करो अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देखो एक एटम में अल्मूनियम क्या होता है ये होता है तेरा होता है एक एटम में कितने प्रोटॉन? तेरह तो इतने एटम में कितने क्यों प्रोटॉन ना तो आते हैं ना जाते हैं है ना इनका कोई लेना देना नहीं है एक एटम में कितने न्यूट्रॉन ए माइनस जेड तो तेरह दूनी छब्बीस एक चौदह एक एटम में कितने न्यूट्रॉन फोर्टीन तो इतने एटम में इतने आयन में अब है क्या कटाइन तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन दस क्यों जेड माइनस एन क्यों कटाइन है कटाइन में माइनस होगा तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो इतने आयन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन यस yes, यस yes, यस yes, यस yes. सब लोग समझ पा रहे हो कैसे किया समझ समझ पा रहे हैं कैसे किया यस yes. अब अगली हेडिंग देखो यस चार्ज ऑफ आयन चार्ज ऑफ आयन यस वेरी गुड बहुत सही बहुत सही हम्म बहुत सही अब देखो चार्ज ऑफ आयन क्या है जरा इस पर फोकस करिए कि ये क्या है देखो जैसे ये देखो सोडियम आयन है इसके ऊपर कितना चार्ज है इन फॉर्म ऑफ कूल ऑक्सीजन टू पास टू है इसके ऊपर कितना चार्ज है या एल्युमिनियम थ्री पास टू है इसके ऊपर कितना चार्ज है तो जरा मुझे ये बताओ किसी के ऊपर चार्ज लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ किसी के ऊपर यदि चार्ज लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब जरा देखो सल्फेट के ऊपर दो माइनस चार्ज है इसका मतलब सल्फर और चार ऑक्सीजन ने मिलकर सिर्फ दो माइनस चार्ज लिया है मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन किए सल्फर और चार ऑक्सीजन ने मिलकर दो इलेक्ट्रॉन गेन किए ऑक्सीजन पे माइनस मतलब दो पे लगा है इसका मतलब ऑक्सीजन ने अकेले दो इलेक्ट्रॉन गेन किए अल्मीनियम पे प्लस थ्री लगा है इसका मतलब अलमुनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये जो लगा है ये नंबर है दो इलेक्ट्रॉन गेन किया दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए ये चार्ज नहीं है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए कितने इलेक्ट्रॉन आए यस या नो यस या नो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुन्ना ओए बताओ भाई टीलू टीलू में मत लगो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कि कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिप्रेजेंट कर रहा है अब इसको चार्ज में कैसे कन्वर्ट करोगे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज इतना चार्ज इन इनकूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना तो अब गौर समझना तो जब भी कहीं चार्ज निकालने को आए तो देखो मैं यहां सी एच दे रहा हूं यहां लिख दो बुरा तो नहीं मानोगे सी नंबर सी नंबर फोर है सी नंबर फोर अब देखो इसके दो पार्ट है पहला सपोज करो कि कोई आयन इस तरह से है आपके पास इस तरह से हमारे पास एक आयन है देखो एक आयन है कोई इस तरह से ऐसे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो देखो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा टोटल चार्ज ऑफ आय वन आयन गौर समझना देखो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एन तो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना। देखो। एक पे इतना चार्ज है। तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा इंटू टू एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा इंटू टू एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तीन इलेक्ट्रॉन पे कि कितना होगा इंटू थ्री तो ये आ गया आ गया कि नहीं आ गया आ गया कि नहीं अच्छा इसको एक्स कर दो ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा देखना अभी इसको एक्स कर दो अब जरा देखो बच्चों यदि मान लो आयन एक नहीं है एक से ज्यादा है सपोज कर लेते हैं आयन एक से ज्यादा है एन नंबर ऑफ आयन है अब आप समझ गए होंगे उसको एक्स क्यों किया था मैंने उसको एक्स इसीलिए किया था नंबर ऑफ आयन अब टोटल चार्ज कितना होगा अब टोटल चार्ज कितना होगा जरा बताओ देखो एक आयन पे कितना चार्ज एक आयन पे कितना चार्ज इतना चार्ज कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानना है कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानना है एक आयन पे कितना चार्ज इतना चार्ज क्लियर क्यों इसके इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर कर रहा है एन एक इलेक्ट्रॉन पे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा? क्योंकि एन 10 की पावर 19 और बच्चे कह रहे होंगे सर आपने क्या रहता फैलाया है बच्चे कह रहे होंगे सर आपने क्या रहता फैलाया है अब ठीक है अब देखो नंबर ऑफ आयन कितने हैं इंटू एन बात समझ पाए एक आयन पे इतना चार्ज है एक आयन पे इतना चार्ज है तो एन आयन पे कितना चार्ज होगा इन टू एन एक आयन पे इतना चार्ज है तो एन आयन पे कितना चार्ज होगा इन टू एन क्या यह बात सबको समझ में आई यस yes या नो क्या यह बात सबको समझ में आई यस yes या नो क्योंकि मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं क्या यह बात सबको समझ में आई यस yes या नो हां या ना बताओ यस या नो हाँ, वेरी गुड अब यदि समझ में आ गया है ये बात तो एक क्वेश्चन करो एक क्वेश्चन करो एक क्वेश्चन करो देखो एक क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन वन पॉइंट एट इंटू टेन की पावर थर्टीन थर्टीन फॉस्फेट आयन ए आंसर बताओ सब लोग बी सी बताओ सारे बच्चे आंसर होता है इसका ओ भाई गलत मत बताइयो बता सारे बच्चे आंसर बताए सारे बच्चे आंसर बताओ सारे बच्चे आंसर बताएं यस 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 अब देखो यार बच्चों आपको पता है एक आयन पे कितना चार्ज है? 3 10 की पावर माइनस एक आयन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन तीन क्या है तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन तो एक आयन पे इतना चार्ज है और आयन कितने है? इतने। हो गया यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अब बात करते हैं मोल मोल का पूरा बेस बना दिया जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सबके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दे दिए अब बात आती है मोल मोल क्या है वाट इज मोल कोई बच्चे बताएगा वाट इज मोल मोल क्या है बच्चों बताओ मोल है क्या तो गौर सुनो देखो हमने क्या किया देखो मैंने क्या किया ट्वेल्व ग्राम कार्बन ले लिया क्या ले लिया ट्वेल्व ग्राम कार्बन एटम ले लिया कार्बन एटम के तीन आइसोटोप होते हैं कार्बन एटम के तीन आइसोटोप होते हैं एक कार्बन ट्वेल्व एक कार्बन थर्टीन एक कार्बन फोर्टीन इसमें से हमने ये वाला आइसोटोप लिया है, वाला. अब 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप ले लिया. अब मैंने इसमें काउंट किए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने है? तो जब काउंट किए गए तो ये इतने निकल गया है इतने नंबर काउंट किए गए तो कितने निकल के आए इतने नंबर ऑफ कार्बन आइटम निकल के आए इस नंबर को जिस अंकल जी ने काउंट किया था उनका नाम था आवोगाड्रोन इसी वजह से इसको आवोगाड्रो नंबर कहते हैं इसी वजह से इसको आवोगाड्रो नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किसको कैपिटल एन नॉट या फिर कैपिटल एन ए और ए ऐसे ये देखो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अब गौर सुनिए क्या बताया बताया गया कि जितने नंबर गौर सुनिएगा किसी भी सब्सटेंस का वो मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास जिसके पास उतने नंबर हैं जितने नंबर ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप में होते हैं उसे एक मोल कहते हैं एक मोल क्या है किसी भी सब्सटेंस का वो मास गौर सुनो, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जिसमें इतने नंबर होते हैं जितने नंबर ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप में होते हैं ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप में जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर एक मोल के मास में होते हैं तो देखो इन्होंने क्या क्या बताया जरा देखो वन मोल की डिफिनीशन क्या बताई वन मोल की डिफिनीशन क्या बताई ठीक है ये क्या बताया जरा समझो ठीक है वन मोल कंटेन्स एज मैनिंग एज एलिमेंट्रल पार्टिकल एलीमेंट्रल एलिमेंटल पार्टिकल का मतलब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं ना वन मोल कंटेन एज मैनी एज एलिमेंट्रल पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स एक मोल में उतने ही पार्टिकल या उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप में होते हैं और वो नंबर कितने होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री नंबर होते हैं तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं एक मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम आप कार्बन आइसोटोप में होते हैं और मोल मोल क्या है की यूनिट जो है वो मास की सेवेंथ एसआई SI यूनिट है फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने हो सकता है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी लिखा है तो जरा गौर समझो एक मोल क्या है किसी भी सब्सटेंस का वो मास जिसके पास उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर 12 ग्राम आप कार्बन 12 आइसोटोप के पास होते हैं उस मास को एक मोल कहते हैं या उतने नंबर को एक मोल कहते हैं उन टर्म ऑफ नंबर इन टर्म ऑफ नंबर तो जरा गौर से सुन लो ये बात समझ में आ गई एक मोल में कितने नंबर हैं 6.022 10 रे की पावर 23 और एक मोल क्या है एक मोल किसी भी एटम का वो मास है जिसमें उतने ही नंबर है जितने नंबर 12 ग्राम आप कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं 12 ग्राम आप कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर हैं, उतने ही नंबर के मास को एक मोल कहते हैं अब इस बात को मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूं गौर समझिएगा तो इसका मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ गौर समझना ये क्या है सबसे पहली बात एक मोल में कितने नंबर हैं एक मोल में सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन एस्ट की पावर ट्वेंटी थ्री नंबर है पहला पॉइंट ये हुआ दूसरा ये क्या है सेवेंथ एसआई यूनिट है किसकी मास आप एनसीआरटी में देखो ये मास की यूनिट है जी ये मास की यूनिट है नंबर फॉर्म में इतनी होती है अब एक बात और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ अब, अब देखो आपको थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें तो चार पांच कॉन्सेप्ट दूंगा एक एक करके देखते जाइएगा अब देखो सी एच डी नंबर सी एच डी नंबर कौन सा चल रहा है कोई बच्चे बताएगा पांचवा है या छठा एक मिनट सी एच डी नंबर बताओ यार सी एच डी नंबर फाइव ठीक है अब देखो सबसे पहली बात पहला पॉइंट गौर समझना एक मोल में कितने नंबर इतने नंबर अब मेरी बात समझना तुम लोग कह रहे होगे ये बात तो हमें आती है सर आप कहां परेशान हो बार बार इस बात को आप रिपीट कर रहे हो और ये बात तो हमें आती है तो अब गौर सुनिए एक मोल में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री नंबर होते हैं अब एक मोल जिसका होगा उसी के इतने नंबर आएंगे जिसका मोल होगा उसी के नंबर होंगे यह पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा मैं लिख के देता हूं क्या जिसका मोल होगा उसी के नंबर होंगे बच्चे कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हो हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा मुन्ना अभी दो मिनट में समझ रहे हो उसी के नंबर होंगे अब ये बात क्या है जरा गौर समझो मैं पीछे चलता हूं अब जरा देखो जैसे लिखा है एक मोल इतना अब मैंने देखो तीनों चीजों को अच्छे से समझना मैंने लिखा एक मोल ऑक्सीजन तब पढ़ो अच्छे से ऑक्सीजन एटम फिर मैंने लिखा एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर मैंने लिखा एक मोल ऑक्सीजन अब इन तीनों बातों में क्या डिफरेंस है गौर समझो मैंने तुम्हें पढ़ाया है जिसका मोल उसी का नंबर मोल जिसका दिया होगा उसी के नंबर होंगे एक मोल किसके हैं एक मोल किसके हैं बताओ ऑक्सीजन एटम के तो इतने नंबर भी किसके होंगे इतने नंबर भी किसके होंगे अरे यार तुम लोग ना यार फैल गए फैल गए क्या मार खा के ही समझोगे कि ऐसे भी बता दोगे बिना मार खाए भी बता दोगे ना तुम लोग हाँ एक मोल किसके हैं ऑक्सीजन एटम के तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक मोल किसका है ऑक्सीजन मालिक्यूल का है तो मुन्ना इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल बात समझ पाए जिसका मोल उसी का नंबर जिसका मोल उसी का नंबर एक मोल ऑक्सीजन एटम था तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक मोल ऑक्सीजन मालिक्यूल का था तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल एटम क्या होंगे जस्ट डबल होंगे। अब ये बताओ यहां तो ना एटम लिखा है ना मालिक्यूल लिखा है तो क्या लोगे तो जब कुछ ना लिखा जाए तो क्या कंसीडर करोगे कंसीडर क्या करोगे जब कुछ नहीं लिखा जाएगा तो क्या कंसीडर करोगे मुन्ना नेचुरल फॉर्म जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जरा बताओ ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है ओ टू फॉर्म में मिलता है तो आप लिखोगे इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता डाल्टन भाई साहब बोल गए थे भाई उल्टा सीधा मत बोल देना नहीं तो डाल्टन भैया को गुस्सा आ जाएगा डाल्टन भैया ने कहा था आइटम एग्जिस्ट नहीं करता।, में करता है तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ओ टू मालिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इतने नंबर ऑफ ओ टू मालिक्यूल इतने नंबर ऑफ ओ टू मालिक्यूल क्लियर है ये बात ये बात क्लियर है अरे भाई क्लियर है तुमने कहा हाँ क्लियर है तो मैंने कहा जब तुम्हें क्लियर है तो जरा इसका आंसर बताओ चलो मैं अगले पेज पे देता हूं क्वेश्चन क्वेश्चन अगले पेज पे देता हूं इसका आंसर बताओ क्या होगा गलत मत बता दियो नहीं तो बहुत मारा नहीं तो बहुत मारे जाओगे ध्यान रखना वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ फॉसफोरस आप बताओ वन मोल ऑफ फास्टफोरस एटम नहीं सिर्फ फास्टफोरस आप बताओ इसके लिए क्या सही है ए एने लिख दू ए नंबर ऑफ पी एटम बी एने नंबर ऑफ पी फोर यूनिट सी ने नंबर ऑफ पी टू यूनिट डी ऑल इनकरेक्ट बताओ भाई बताओ क्या सही होगा फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जरा बताना फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है p4 यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो n मतलब आवोगाड्रो नंबर ऑफ p4 यूनिट n मतलब आवोगाड्रो नंबर ऑफ p4 यूनिट क्लियर है क्लियर है तो एक पॉइंट समझ गए ये कॉन्सेप्ट समझ गए जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा और यदि पीछे कुछ नहीं होगा तो उसका नेचुरल फॉर्म कंसीडर करोगे अब जरा देखो यार अब जरा देखो अब मैं अगला कांसेप्ट देता हूं नंबर ऑफ मोल निकालोगे कैसे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू देखो गिवन नंबर अपॉन आवोगाड्रो नंबर ये देखो अब गौर समझो जिसके मोल लिखा रहे होगे जिसके मोल निकालने होंगे उसी के नंबर रखोगे तो जिसके नंबर रखोगे उसी के मोल आएंगे मुन्ना जिसके नंबर रखोगे उसी के मोल आएंगे यदि यहां ऑक्सीजन आइटम के नंबर रखोगे तो ऑक्सीजन आइटम के मोल आएंगे ऑक्सीजन मालिक्यूल के नंबर रखोगे ऑक्सीजन मालिक्यूल के मोल आएंगे जिसके नंबर उसी के मोल अच्छा आप एक बात बताओ यदि मैं ऐसा लिख दूं तो किसी बच्चे को खराब लगेगा गौर से देखना यहां पे एक लिख दो तो एक मोल में कितने आएंगे एक मोल में कितने नंबर आएंगे तो यह इधर आ जाएगा तो एक मोल में कितने नंबर वन मोल कंटेंस वन मोल में कितने नंबर होते हैं वैसे ये बता चुका हूं डिफिनीशन में ही है। वन मोल में कितने नंबर होते हैं इतने नंबर होते हैं ये हम लोग डिफिनीशन में बता चुके हैं अच्छा अब देखो अगला फार्मूला मोल इन टर्म ऑफ मास मास क्या है नंबर ऑफ मोल यदि एक मोल में 6.022 10 रे की पावर 23 नंबर होते हैं तो आप सबको बेटा क्वेश्चन कराएंगे पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो है हाँ ना कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चन कराते हैं एक मोल में यदि 6.022 10 रे की पावर 23 नंबर होते हैं तो उसका कोई वेट तो होगा है कि नहीं उसका कोई वेट होगा कि नहीं होगा जैसे 100 पेन है तो 100 पेन का कोई वेट तो होगा एक लाख मालिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के तो उसका कोई वेट होगा तो इतने नंबर का कोई वेट भी तो होगा तो एक मोल तो अब देखो नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वेट तो वेट के टर्म में क्या होता है मोल गिवन मास इन ग्राम यूनिट ध्यान रखना क्या है ग्राम डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई यदि मालिक्यूल है तो मालिकुलर मास मालिक्यूल है तो मालिकुलर मास और एटम है तो एटॉमिक मास ये देखो तो ये क्या है नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास अब नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास आपने ये बताया है अब देखो इस चीज को आप चेंज करो यदि यहां एक रख दो तो क्या आएगा मालिकुलर मास इधर चला जाएगा तो मास ऑफ वन मोल कितना आ रहा है मालिकुलर मास के बराबर आ रहा है यहां पे एक रख दो तो गौर से पांचवा पॉइंट ध्यान रखना एक मोल का मास कितना होता है मास ऑफ वन मोल मालिक्यूल यदि मालिक्यूल है तो किसके बराबर होगा मालिकुलर मास इन ग्राम यूनिट क्या होगी ग्राम होगी और यदि एटम है मास ऑफ वन मोल एटम तो किसके बराबर होगा एटॉमिक मास इन ग्राम इसके बराबर होगा क्लियर है कि नहीं यह बात क्लियर हुई कि नहीं यदि नहीं क्लियर सॉरी हाँ यदि नहीं क्लियर हुआ है तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे बता सकता हूं जैसे आप मेरी बातों को समझ पाए है ना जैसे आप मेरी बातों को समझ पाए देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं देखिए मैंने कहा कैलकुलेट मास ऑफ पॉइंट फाइव मोल या वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कैसे निकालोगे मोल दिया है तो आपने लिखा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किसके लिख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही तो फार्मूला बनेगा इन ग्राम डिवाइडेड बाई मालिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मालिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब नंबर ऑफ मोल की जगह एक डालो क्यों मोल कितने दिए हैं एक तो जरा देखो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है बताओ भाई कितना आ रहा है चवालीस ग्राम आ रहा है तो यार ग्राम ग्राम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मालिकुलर वेट होता है तो इसी वजह से मैंने कहा है कि एक मोल में कितना मास होगा या तो आप इतना करो जब भी क्वेश्चन किया जाए तो आप इतनी बातें करो या डायरेक्ट यूज करो कि एक मोल में हमेशा कितना मास होता है उसके मालिकुलर वेट के बराबर एक मोल में कितना मास होता है उसके मालिकुलर वेट के बराबर यदि एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर यही चीज मैंने एज ए कॉन्सेप्ट लिख दी है कि एक मोल में हमेशा कितना मास होगा मालिकुलर मास के बराबर यूनिट क्या होगी ग्राम एक मोल एटम में कितना मास होगा एटॉमिक मास के बराबर यूनिट क्या होगी ग्राम क्लियर है क्लियर है क्लियर है अच्छा अब सातवां नंबर पॉइंट समझो इतनी बात क्लियर है अच्छा बताओ गौर सुनना डर नहीं डरो नहीं एक मोल में कितने नंबर इतने नंबर एक मोल में कितना मास इतना मास मासवल टू बी है बी इक्वल टू सी है तो एक्वल टू सी कर सकते हो कि नहीं एक मोल में कितने नंबर इतने नंबर एक मोल में कितना मास इतना, इतना मास इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि इतने नंबर में कितना मास होता है इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल में कितना मास होगा मालिकुलर मास इन ग्राम के बराबर मास होगा इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल कंटेन्स कितना मास अपने पास रखते हैं मालिकुलर मास के बराबर मास रखते हैं यह बात समझ पाए यस या नो हाथ खड़ा करो हरिओम पांडे वेरी गुड बेटा समझ पाए यस yes, यस yes. क्या आप लोग समझ पाए हो यदि समझ पाए हो तो जल्दी से दिल और आग बरसा दो एमडी सर के दिल और आग बरसा दो जल्दी से है ना वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हाँ आज चार बजे तरुण सर की भी क्लास है आप लोगों की तो ध्यान रखना है ना हाँ जल्दी से बताओ यस 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 तो 6.023 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा मैं आपको एक कन्वर्जन लिख के दे रहा हूं देखो कन्वर्जन लिख के दे रहा हूं आप इस बात को समझो ये मोल जो है ना मोल एक्चुअल में एक कनेक्टर है कैसे जरा देखो यदि आपको कहीं मास दिया है गौर समझिएगा कांसेप्ट नंबर 8 यदि आपको मास दिया है तो उसमें मालिकुलर वेट से डिवाइड कर दो जैसे ही मालिकुलर वेट से डिवाइड करोगे वो मोल बन जाएगा ये देखो मास में मालिकुलर वेट से डिवाइड करो मोल बन जाता है अच्छा यदि कहीं पे नंबर दिया है किसी भी तरह का कोई नंबर दिया है सॉरी किसी भी तरह का कोई नंबर दिया है ऐसे तो आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो तो वो मोल बन जाता है ये देखो किसी नंबर में आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो वो मोल बन जाता है किसी भी नंबर में आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो वो मोल बन जाता है ये देखो है अच्छा अब उल्टा चलो यदि मोल दिया है ये देखो अब देखो मास में मालिकुलर वेट से डिवाइड करो तो मोल बन जाता है अब मोल से मास बनाना हो ये देखो मोल से मास बनाना है इसको इधर ले आओ तो मोल में मालिकुलर वेट का मल्टीप्लाई करो तो नंबर मिल जाएगा ये भैया इधर आ गए तो नंबर ऑफ मोल इंटू मालिकुलर मास बराबर मास नंबर ऑफ मोल इंटू मालिकुलर मास बराबर मास तो इसका मतलब जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर फिर से ये देखो आ गया ये देखो ये क्या आ गया मास आ गया और ये एने से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आ जाएगा ये 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 देखो, तो बात समझ पाए? ये यूज होगा आप कहो ये सर कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंटली यूज होगा क्या मास दिया है मोल बनाना है मालिकुलर वेट से डिवाइड करो मोल दिया है मास बनाना है उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो मास दिया है मोल बनाना है मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो मोल दिया है मास बनाना है मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो नंबर दिए मोल बनाना है आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड मोल दिया है नंबर बनाना है आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और आया कैसे इसी फॉर्मूले को क्रॉस किया क्रिस क्रॉस किया है. ये इधर आ गया तो नंबर ऑफ मोल NA नंबर नंबर ऑफ मोल इन टू मालिकुलर वेट इक्वल टू मास क्या दिमाग में सेट करो दिमाग में सेट करो क्या मास दिया है, है मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई नंबर दिया है मोल बनाना है मालिकुलर एन एने से डिवाइड मोल दिया है नंबर बनाना है एने से मल्टीप्लाई देखो जब मोल बनाना हो तो हमेशा डिवाइड लगेगा और मास नंबर बनाना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई लगेगा ये बात समझ गए क्लियर है सबको यस yes. क्लियर है ना मुन्ना और यदि क्लियर है तो हम क्वेश्चन में चल रहे थोड़ा सा डरना नहीं इतनी बात क्लियर है क्या इतनी बात क्लियर है क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों ने कहा सर क्लियर है मैंने कहा लो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो अब एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन करो 3.011 पॉइंट जीरो वन की पावर ट्वेंटी नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6.022 पॉइंट जीरो की पावर ट्वेंटी नंबर ऑफ अनादर कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग कंटेनर है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए कंटेनर वो कह रहा है कि यार एक तरफ से मैंने इतने कार्बन डाइऑक्साइड डाले दूसरी तरफ से इतने डाले तो बताओ टोटल कितने मोल होंगे तो एक रास्ता ये है कि पहले इनको जोड़ लो फिर कर लो और दूसरा रास्ता है इनको मोल बना लो इधर से कितने मोल आए आवो नंबर से, कर दो. इधर से कितने मोल आए तो ये और ये कट गया तो ये कितना हुआ वन बाई टू इधर से हाफ मोल आया इधर से कितने मोल आए डिवाइड कर दो इधर से आया वन बाई टेन टोटल मोल कितने हो गए वन बाई टू प्लस वन बाई टेन टेन तो ये हो गया फाइव और ये हो गया वन सिक्स डिवाइडेड बाई टेन पॉइंट सिक्स मोल हो गए सही है सब लोग आंसर बताएं भाई इधर से कितने मोल आ रहे हैं ये क्या दिए हैं नंबर नंबर को मोल कैसे बनाओगे वो मोल में आंसर पूछ रहा है और मोल में आंसर पूछ रहा है नंबर दिया है तो नंबर को मोल कैसे बनाते हैं बताओ नंबर को मोल कैसे बनाते हैं डिवाइड से डिवाइड को मोल कैसे बनाते हैं एने से डिवाइड करके तो एने से डिवाइड कर दिया क्लियर <coughs> है यस yes. तो देखो नंबर से मोल बनाने थे तो एन एच से डिवाइड अच्छा तुम कह रहे हो मैं एक क्वेश्चन और करेंगे हम तो जिद्दी हैं हम मानेंगे ही नहीं तो मैंने कह लो एक क्वेश्चन और करो पहले आप ऊपर वाला करो पहले आप ऊपर वाला करेंगे सारे बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन करें पहले ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है जरा देखो हाउ मैनी मोल ऑफ एस टू एसओ फोर प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ एस टू एसो फोर आपको क्या दिया है आपको क्या दिया है मास मास से मोल कैसे बनाते हैं? आपको क्या दिया है मास मास से मोल बनाना क्या मैंने सिखाया है मास से मोल कैसे बनाते हैं? मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मालिकुलर मास मास किसका रख रहे हो एस टू एसओ फोर का तो मोल भी किसके आएंगे एस टू एसओ फोर के आएंगे तो ये कितना आ गया ये आ गया ऐसा मतलब ये ऐसे आ गया मास दिया था मोल बनाना है अब यहां जरा देखो मैंने क्वेश्चन दिया सेलेक्ट द सेलेक्ट द सैंपल विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ विच कंटेन मैक्सिमम मोल ऑफ मॉलिक्यूल वो सैंपल कलेक्ट करो जिसके पास मैक्सिमम मोल हो अब मोल मैक्सिमम किसके हैं वो सैंपल बताओ जिसके पास मैक्सिमम मोल हो तो यार ये दिए क्या है मास मास को मोल कैसे बनाते हैं मालिकुलर वेट से डिवाइड करके मास को मोल कैसे बनाते हैं मालिकुलर वेट से डिवाइड करके मास अपॉन मालिकुलर मास पांच मोल मास अपॉन मालिकुलर मास मास अपॉन मालिकुलर मास 180 होता है मास अपॉन मालिकुलर मास तो सबसे कम मालिकुलर मास सबसे ज्यादा मोल किसके है इसके क्यों मालिकुलर मास दो है 28 है 180 है 44 है ऊपर की वैल्यू सेम है तो आंसर क्या होगा ये होगा आंसर क्या होगा ये होगा क्लियर है सबको क्लियर है अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करता हूं मैं डिट्टो यही क्वेश्चन है इसको टप करता हूं देखो कॉपी हो जाएगा ये यदि ये कॉपी हो जाएगा तो इसको टप कर देता हूं देखना यस mm, कॉपी yes, हो गया अब देखो मैंने तुमसे पूछा सेलेक्ट द सैंपल विच कंटेन्स मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऐसा सैंपल बताओ जिसके पास मालिक्यूल सबसे ज्यादा हो ये तो मोल आए हैं अब देखो उसने आपको परेशान क्या किया आपको इंफॉर्मेशन मास के फॉर्म में दी है और आंसर पूछ रहा है नंबर के फॉर्म में और मास और नंबर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो मास से मैंने मोल बनाया अब मोल से नंबर बनाओ तो मास से मोल कैसे बनाया वेट से डिवाइड करके अब मोल से नंबर कैसे बनाओगे तो मोल से कहीं पर भी जाओगे तो मल्टीप्लाई लगता है मोल से नंबर में जाना है तो अबोगाडो नंबर का मल्टीप्लाई लगेगा तो देखो आपने क्या किया वो पूछ रहा है इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर है मालिक्यूल के नंबर है तो मालिक्यूल के नंबर कैसे बनाए पहले मैंने मोल बना लिया और फिर एने से मल्टीप्लाई कर दिया मोल में एने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा नंबर ये देखो जिसके मोल ज्यादा उसी के मालिक्यूल ज्यादा क्यों क्योंकि एने तो सब में कॉमन हो गया ना यार ये देखो ये देखो क्या ये बात क्लियर है सबको क्या ये बात क्लियर है सबको बताओ क्या ये बात क्लियर है तो यार मेरा बस इतना सा कहना है कि कनेक्टर समझो मास से मोल मोल से मास, मास से मोल मोल से नंबर तो मास से मोल मोल से नंबर जाना हो तो क्या करना चाहिए देखो मास से मोल मोल से नंबर मास से मोल मालिकुलर वेट से डिवाइड मोल से नंबर आने का मल्टीप्लाई नंबर से मोल अब नंबर का डिवाइड, मोल से मास का मल्टीप्लाई, मालिकुलर वेट का मल्टीप्लाई क्या ये समझ पा रहे हो क्या ये समझ पा रहे हो यदि ये बात समझ पा रहे हो तो तुम्हारा मन कर रहा है कि इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे यदि ये तुम समझ पा रहे हो तो तुम्हारा मन कर रहा है कि इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे आंसर बताओ यस वेरी गुड बहुत सही यार। छा गए तुम बच्चों जल्दी से आंसर बताओ मैं पानी पीता हूं जल्दी से आंसर बताइए सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे यस आंसर बताइए आंसर hmm. बताओ यस yes. अब देखो यार वो पूछ क्या रहा है वो हमसे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच कंटेन्स मैक्सिमम मालिक्यूल मैक्सिमम मालिक्यूल अब देखो दिया मास है तो मास से नंबर तक कैसे जाओगे तो मास से मोल बना ले अब मोल से नंबर बना ले अब मास से मोल कैसे बनाओगे आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड सॉरी मास से मोल कैसे बनाओगे मालिकुलर वेट से डिवाइड करके मोल से नंबर कैसे बनाओगे एने से मल्टीप्लाई करके तो देख लो फोर डिवाइडेड बाई टू इन टू एने डायरेक्ट लिख रहा हूं बात समझ पा रहे हो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आप बात समझ पा रहे हैं सब लोग पहले आपने क्या किया मोल बनाया कितने मोल आए दो मोल आए और फिर एने से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर आ गए पहले आपने क्या किया मोल बनाया कितने आए एक मोल आए फिर एने से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर बन गया आपने क्या किया मोल बनाया देखना यार बारह और सोलह कितना होता है बारह और सोलह अट्ठाईस अब ये डिवाइड कर पाओगे चलो ये एक से बड़ी वैल्यू आएगी है ना ग्रेटर देन वन आएगा कि नहीं तो अट्ठाईस आठ त्रिक तीन बार जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि ये साठ हुआ तो साठ नब्बे होता तीन बार नहीं चार बार चला जाएगा है ना चार आठ चौक बत्तीस और आठ एक नौ नहीं यार तीन बार जाएगा थ्री पॉइंट समथिंग मोल आ रहा है अब मोल तीन से ज्यादा है तो नंबर भी ज्यादा होंगे मल्टीप्लाई अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये? क्यों मोल एक से बड़ा है एक से बड़ा मोल है तो नंबर भी सेम आएगा क्यों मोल को नंबर बनाने के लिए एने का मल्टीप्लाई तो सब में किया गया है तो मैक्सिमम पूछ रहा है ना क्या ये बात सबको क्लियर है यस ये बताओ कैसे किया यस या नो कर लोगे आप लोग क्या आप लोग ये बात कर पाओगे चलो अब इस चीज को देखो इस चीज को देखो यस वेरी गुड फास्ट हाँ बेटा फास्ट करा रहा हूं तुम टेंशन ना लो तुम पढ़ाई समझो बस क्या लिखा है जीरो पॉइंट वन फोर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन सी एस थ्री ओ नाइन हाउ मैनी मोल्स ऑफ एस थ्री ओ नाइन ऑक्सीजन आइटम के मोल दिए हैं मालिक्यूल के मोल पूछ रहा है तो अब जरा देखो गौर समझिए ये मालिक्यूल है ये मालिक्यूल है अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था यदि एक मालिक्यूल में मानोगे एक मोल mole मालिक्यूल है तो एक मोल मालिक्यूल में बताओ कितने मोल आइटम होंगे तो नंबर ऑफ सल्फर आइटम कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर आइटम सॉरी जब इसको मोल मानोगे तो मोल आएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर आइटम जैसे मैंने पढ़ाया था डिट्टो वैसे ही लगाओ कितना नीचे लिखा है तीन थ्री इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एक मोल मालिक्यूल में कितने सल्फर एटम है तीन है तो तीन मोल सल्फर एटम है आप बताओ एक मोल मालिक्यूल में सॉरी थोड़ा गलत लिख गया था है ना है ना थोड़ा गलत लिख गया था देखो यहां पे सल्फर एटम कितने हैं एक मोल मालिक्यूल में तीन मोल है तीन एक मोल मालिक्यूल में तीन मोल सल्फर आइटम है तो इसका मतलब सल्फर आइटम के मोल मालिक्यूल के मोल के तीन गुना है, है कि नहीं है? आप देखो तो ऐसे यहां पर भी तो लिख सकते हो एक मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम ऑक्सीजन आइटम के मोल कितने है? यहां कितना लिखा है नौ तो ये नौ क्या है इसके गुना है। तो नौ नाइन टाइम्स है नंबर ऑफ ये देखो अब क्वेश्चन करो आप क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो बताओ कितने मोल एस थ्री ओ नाइन है तो मैं ऐसे लिख दूं गौर सुनना ऑक्सीजन के मोल कितने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू नाइन इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ये तो अब ऑक्सीजन के मोल कितने दिए हैं इतने दिए है। किसके मोल पूछ रहा है मालिक्यूल के मोल पूछ रहा है बताओ ऑक्सीजन के मोल दिए मालिक्यूल के पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मालिक्यूल कितने आ गए क्या ये बात सही है क्या ये बात सही है इतने मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन एस थ्री ओ नाइन हाउ मेनी मोल्स ऑफ एस थ्री ओ नाइन इज अब इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है बच्चों इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है इसमें आंसर चेंज करना पड़ेगा एक आंसर और लिखना पड़ेगा ई है ना क्या कोई आंसर मैच कर रहा है आपका चेक करो ये पॉइंट वन फोर लिखा है और यहां लिखा है सी थ्री ओ नाइन तो जिस तरह से एटम के मोल लिखते थे आपको ध्यान है जिस तरह से नंबर आप एटम लिखते थे उसी तरह से नंबर आप मोल भी लिख सकते हो तो ये बताओ एक मोल मालिक्यूल में कितने मोल ऑक्सीजन है नौ मोल ऑक्सीजन है तो नौ मोल ऑक्सीजन है एक मोल मालिक्यूल में भाई कोई बच्चा ऐसा ना करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है मेथड नंबर टू मोल ऑक्सीजन है एक मोल मालिक्यूल में तो एक मोल कितने में होगा और इतने मोल ऑक्सीजन कितने में होंगे ये देखो इतने मोल मालिक्यूल में होंगे तो बात वही है दोनों से आंसर वही आएगा क्लियर है सबको क्या यह बात सबको क्लियर है क्या यह बात सबको क्लियर है क्लियर यदि सबको यह बात क्लियर है तो यह क्वेश्चन आप करोगे मैं नहीं करूंगा यह पी वाई क्यू है आपके पेपर का है यह क्वेश्चन आप करोगे मैं नहीं करूंगा सब लोग करिए द नंबर ऑफ एटम इन पॉइंट वन मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक का मतलब तीन एटम है गैस बताइए मोल से नंबर में जा रहा है तो मोल से नंबर में जाने का रास्ता क्या है एने का मल्टीप्लाई मगर किसके नंबर पूछ रहा है वो कह रहा है बताओ नंबर आप एटम पूछ रहा है मोल किसका है मोल किसका है, है? मालिक्यूल का तो नंबर भी किसके मिलेंगे मालिक्यूल के पॉइंट वन मोल में एने का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है? ये आए नंबर ऑफ ए थ्री गैस और वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम तो इतने मालिक्यूल आ गए एक मालिक्यूल में कितने एटम है तीन एक मालिक्यूल में कितने एटम है तीन तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे बात समझ पाए भाई मोल किसका दिया है मालिक्यूल का दिया है तो नंबर भी किसके आएंगे मालिक्यूल के आएंगे बहुत मारेंगे पहली पहली क्लास 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 तो सेमी है मतलब सबसे पहले यही बताया था जिसके मोल उसी के नंबर तो मोल किसके है ए थ्री के तो नंबर भी किसके आएंगे ए थ्री के आएंगे मगर वो ए थ्री नहीं पूछ रहा है ए पूछ रहा है मुन्ना तो जब मुन्ना वो ए पूछ रहा है तो एक मालिक्यूल में कितने एटम तीन एटम तो इतने मालिक्यूल में कितने अब मल्टीप्लाई कर लो कर लो भाई मल्टीप्लाई तो छत्तीस अठारह तो मेरे हिसाब से ये ऐसे आ जाएगा ये पॉइंट लगा है अप्रॉक्स ऐसा आ रहा होगा ऐसा कोई आंसर है बी आंसर क्या ये बात सही है यस 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 वेरी गुड सबके लिए आंसर सही है अब इस क्वेश्चन को करो ये भी पी वाई क्यू है यस yes. क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है यदि समझ में आ रही है दिल और आग बरसा दो पूरी तरह से यदि समझ में आ रही है तो भाई जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स को लाल कर दो जल्दी से चैट बॉक्स को लाल कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से चैट बॉक्स को लाल करें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। यस 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 अफरीत कह रहा रिपीट कर दो बेटा बिल्कुल रिपीट करेंगे वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में रिपीट हो जाएगा है ना आप बिल्कुल परेशान रहो हाँ, यस वेरी गुड वेरी गुड अब देखो यार बच्चों, द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल इज मैक्सिमम इन क्या लिखा है इतने मालिक्यूल ऑफ वाटर ये तो पहले से मालिक्यूल के नंबर दिया है अठारह मालिक्यूल है इतने ग्राम ऑफ वाटर अब देखो मास दिया है मास को नंबर बनाना है तो पहले मोल बनाया क्यों हमें मास दिया है और नंबर तक पहुंचना है तो पहले मोल बनाना पड़ेगा और मोल से नंबर जाना पड़ेगा मोल बनाने के लिए मालिकुलर वेट से डिवाइड किया और नंबर बनाने के लिए एने से मल्टीप्लाई किया तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इतने नंबर आ गए अब यहां पे देखो मोल बनाया तो ये आ गया नंबर बनाने के लिए एने से मल्टीप्लाई कर दिया अब यहां पे पहले से ही मोल बनाया एने से मल्टीप्लाई कर दो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो सबसे बड़ा नंबर ये यस सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों ये क्या ये बात क्लियर है सबको क्या ये बात सबको क्लियर है देख लो अच्छे से क्या ये बात क्लियर है बिल्कुल अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन करो आप ये वाला क्वेश्चन करो ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पीवाई क्यू मैंने कहा था सारे पीवाई क्यू करा दूंगा करिए विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच है मैक्सिमम नंबर आप मालिकूल सबसे ज्यादा मालिक्यूल किसमें है अब मालिक्यूल बनाने के लिए क्या करोगे मास से कहा जाओगे मोल और मोल से कहा जाओगे नंबर मास से मोल जाने के लिए मालिकुलर वेट से डिवाइड इसमें जाने के लिए मल्टीप्लाई है ना अब आप बताओ तो ये कितना आएगा गौर से देखो मैं इधर लिखता हूं उधर उधर क्या है बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा इसके मोल कितने बने मास अपॉन मालिकुलर मास ये मोल बन गया इंटू एन ये नंबर बन गया बी ऑप्शन मास मास मोल इंटू एन ए नंबर बन गया सी ऑप्शन मास अपॉन मालिकुलर मास मालिकुलर मास कितना होता है सोलह दूनी बत्तीस और बत्तीस और बेटा चौदह छियालीस फोर्टी सिक्स एन ऑप्शन सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थर्टी टू इन टू एन देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये है क्यों ये आ रहा है वन बाई फोर ये आ रहा है वन ये वन से छोटा आएगा ये भी वन से छोटा आएगा तो बी आंसर हो गया जिसके मोल ज्यादा उसी के मास ज्यादा क्या ये बात क्लियर है सबको यस yes. क्या ये बात सबको क्लियर है बहुत सही बहुत सही सारे बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है सबको यह बात कर लोगे। बच्चों ने कहा बिल्कुल कर लेंगे तो मैंने कहा जब आप इतनी बात कर लोगे तो एक क्वेश्चन मेरा दो एक क्वेश्चन मेरा देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जरा इसका आंसर सब लोग बताइएगा गौर से देखिए ध्यान से देखिएगा सही आंसर बताना है सारे बच्चों को एकदम मस्त वाला ठीक है ठीक है विच सैंपल कंटेन्स मैक्सिमम मास ए वन मोल वाटर बी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एच की पावर ट्वेंटी टू नंबर ऑफ ग्लूकोज सी फोर्टीन ग्राम नाइट्रोजन डी ऑल कंटेन्स इक्वल मास आंसर दो अब देखो वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा मास किसके पास है सबसे ज्यादा मास किसके पास है तो देखो मास कैसे निकालोगे आपको पता है यदि नंबर दिया है तो पहले मोल बनाना पड़ेगा मोल से मास बनाना पड़ेगा नंबर से मोल बनाने के लिए आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड मोल से मास बनाने के लिए मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई मोल से कहीं पर भी जाओगे तो मल्टीप्लाई लगेगा तो अब आप करो देखो ये पहले से मोल दिया है तो डायरेक्ट मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो ये अठारह ग्राम आ गया ये नंबर दिया है तो पहले इसको मोल बनाओ तो यार हम लोगों ने इसको मोल बनाया ये आ गया मोल अब इसको मोल को क्या बनाओ मास मोल को मास बनाया ये ग्लूकोज लिखा है ग्लूकोज का मालिकुलर मास एक सौ अस्सी होता है तो देखो अठारह ग्राम आ गया अब इसको देखो ये पहले से ही मास दिया है ये पहले से ही मास दिया है इसको थोड़ा सा चेंज कर लो क्योंकि सबके मास सेम नहीं आ रहे हैं तो ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा ये पहले से ही मास दिया है तो इसको कुछ बनाना ही नहीं है भाई ये तो मास दिया है और मासी में तो कंपेयर पूछ रहा है वो वो यही तो कह रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा मास किसके पास है तो सबके पास इक्वल मास है अठारह ग्राम ये भी है अठारह ग्राम ये भी है अठारह ग्राम ये भी है तो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं इक्वल मास कंटेन कर रहे हैं तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं इक्वल मास कंटेन कर रहे हैं बात समझ पा रहे हो इक्वल मास कंटेन कर रहे हैं तो देखो मोल से मास बनाना था तो डायरेक्ट मालिकुलर वेट का मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से मास बनाना था तो पहले नंबर से मोल बनाया मोल से मास बना लिया ये डायरेक्ट ही मास गिवन था तो हमें इसको चेंज ही नहीं करना पड़ा हमें इसको चेंज ही नहीं करना पड़ा क्लियर है क्लियर है सब बच्चों को अच्छा अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं फिर चलते हैं आगे देखो कॉन्सेप्ट क्या है जरा गौर समझो गौर समझिए नेक्स्ट नंबर सी देखो बच्चों यदि कहीं पे डेंसिटी दियो तो डेंसिटी का क्या रोल होता है गौर समझना डेंसिटी होती है मास अपॉन वैल्यूम मास लिखा जाता है जनरली ग्राम में वैल्यूम लिखा जाता है जनरली सीसी में सेंटीमीटर क्यूब या फिर आप कह सकते हो एम में ऐसे वाटर की इतनी बातें आपको हमेशा याद होना चाहिए वाटर की आपको डेंसिटी हमेशा पता होनी चाहिए वो आप यह ध्यान रखना ये जर्नल फॉर्म है आपको हमेशा पता होना चाहिए वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए ये देखो तो वाटर की बातें आपको पता होनी चाहिए तो डेंसिटी का, का काम क्या होता है गौर सुनना डेंसिटी का, का काम डेंसिटी जो है मास को वैल्यूम में कन्वर्ट करने और वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के काम में आती है क्वेश्चनों में डेंसिटी का क्या काम होता है इसका काम क्या है डेंसिटी को हम यूज करते हैं डेंसिटी किसमें यूज होगी मास को कन्वर्ट करोगे किसमें मास को कन्वर्ट करना है वैल्यूम में तो उसके काम में आएगी और वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है तो उसके काम में आएगी इंटर कन्वर्जन के काम में आती है आपको डेंसिटी पता है वैल्यूम पता है तो मास निकल आया देखो आपको कहीं मास निकालना है तो आप क्या करोगे डी इन टू बी कर दोगे मास किस में आ गया? देखो ये इधर आ गया तो मास निकल आया अच्छा आपको वैल्यूम निकालना है कहीं पे तो देखो वैल्यूम को इधर ले आओ ये इधर ले जाओ तो आपने मास अपॉन डेंसिटी कर दिया तो वैल्यूम आ गया तो जो डेंसिटी होती है वो कन्वर्जन के काम में आती है डेंसिटी कन्वर्जन के काम में आती है अब अगला पॉइंट एक और पॉइंट डेंसिटी के लिए ये मेरी बातें समझ पा रहे हो ना अगला पॉइंट डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती डेंसिटी ऑफ डज नॉट depend upon amount of substance। बात समझ गए मतलब दस ग्राम वाटर लो तो भी डेंसिटी वही रहेगी और एक हजार ग्राम वाटर लो तो भी डेंसिटी वही रहेगी ये देखो इसकी भी डेंसिटी एक ग्राम पर एम है और इसकी भी डेंसिटी एक ग्राम पर एम रहा है उसी रेशियो में वैल्यूम हो रहा है जिस रेशियो में वैल्यूम कम हो रहा है जैसे ये है अब इस पेन की कोई ना कोई डेंसिटी है यदि मैं इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दू तो भी डेंसिटी वही रहेगी क्यों क्योंकि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये मैं थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाऊंगा मगर बता यहां रहा हूं डेंसिटी उतनी ही रहेगी एक ग्लास वाटर में एक ग्लास वाटर में जो डेंसिटी है वही डेंसिटी एक बूंद वाटर में भी रहेगी क्योंकि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती है और यदि आप सिस्टम को सिस्टम मतलब जो भी मैटर है मैटर को बाई पार्ट करो तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो तो डेंसिटी की वैल्यू पार्ट करने पर नहीं चेंज होती है इसीलिए अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती तो बच्चों ने कहा सर ये क्यों बता रहे हो इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कैसे आएगा अब मैं देखो को बहुत अच्छे समझिएगा मास ऑफ वन ड्रॉप वाटर इज वन पॉइंट एट मिलीग्राम देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर इन टेन ड्रॉप ऑफ वाटर अब जरा देखो यार वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है इन्होंने एमएल में नहीं दिया अभी मैं इसको एमएल में भी दूंगा पहले आप इसी में कर लो वो कह रहा है एक ड्रॉप वाटर का मास इतना है तो बताओ कितने मोल होंगे 10 ड्रॉप वाटर में कितने मोल होंगे 10 ड्रॉप वाटर में तो देखो आपने इसको कैसे किया इसके बाद मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा तो देखो एक ड्रॉप वाटर का मास कितना है ये तो इजी है मतलब मेरे हिसाब से ठीक है मिलीग्राम तो दस ड्रॉप का कितना होगा होगा कि नहीं होगा होगा अब मास दिया है मोल बनाओ मोल ऑफ वाटर इन टेन ड्रॉप ये देखो ये आया कि नहीं आया ऐसा कहीं दिया है अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं अब आपको करना है देखना डिटो सेम क्वेश्चन है अब मैंने इसको चेंज किया जरा सा देखो अच्छे से करना गड़बड़ मत कर देना ठीक है देखो वैल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज टेन की पावर माइनस टू एम एल दैन कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन टेन्ड्रॉ बताओ सब लोग आंसर बताए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं सब लोग आंसर बताएंगे आंसर सब लोग बताओ मैं ऑप्शन लिख रहा हूं अब देखो यहां बात क्या फंस रही है आपको इंफॉर्मेशन वैल्यू में दी है और पूछ रहा है क्या पूछ क्या रहा है मोल अब आप कैसे निकालोगे ये आपको देखना है? है ना आप कैसे निकालोगे ये आपको देखना है फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है अब देखो बच्चों मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से मोल बनाने के आपके पास दो ही तरीके हैं या तो आपको नंबर दिया जाए या आपको मास दिया जाए अब ना तो नंबर दिया है ना मास दिया है तो आप क्या करोगे वाटर की वैल्यू वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट स्टैंडर्ड है ये सारी बातें आपको खुद आनी चाहिए वो क्वेश्चन में कभी नहीं देगा तो देखिए कैसे करोगे हमें पता है वाटर हमें पता है यदि मोल निकालना है तो हमें क्या चाहिए मास चाहिए अपॉन मालिकुलर मास चाहिए मालिकुलर मास पता है बस वाटर का मास मिल जाए अब मास कैसे मिलेगा एक ड्रॉप वाटर है तो एक ड्रॉप वाटर का एम दिया है तो वाटर की डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाई है कितनी होती है वन ग्राम पर एम तो मास कितना होगा मास इक्वल टू होगा डी इन टू तो देखो वाटर की डेंसिटी कितनी है एक ग्राम पर एम और वैल्यूम कितना दिया है एम से एम कट गया इसका मतलब इतने ग्राम वाटर आ गया मगर ये एक ड्रॉप का आया है और यहां दस ड्रॉप में पूछ रहे हो तो दस ड्रॉप का मास कितना हुआ बात समझ पा रहे हो ये एक ड्रॉप का आया है तो दस ड्रॉप का मास कितना होगा अरे मुन्ना बात समझ पा रहे हो ना रोना धोना मत मचा देना यार इतना होगा दस ड्रॉप का मास कितना होगा इतना तो मोल कितने आएंगे इतने आएंगे क्लियर है मोल कितने आएंगे इतने आएंगे टेन की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई एटीन एट और टेन की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई एटीन कोई नहीं है तो यहां पर क्या था यहां पर क्वेश्चन को उसने फंसाया आपको इंफॉर्मेशन एम के फॉर्म में थी और एम से आपको मोल में कन्वर्ट करना है और एम से मोल में कन्वर्ट करना है तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो आपको क्या है वाटर की डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी और वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड होती है आपको अपने आप याद होनी चाहिए क्या ये बात सबको क्लियर है यस yes, नो yeah, no, बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है yes, yeah, no, यस नो यदि क्लियर है तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स को लाल कर दीजिए तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं और साथ साथ में अगला टॉपिक भी बताता हूं मतलब कॉन्सेप्ट जल्दी से मोल खत्म हो जाएगा लास्ट हेडिंग है मोल की है ना देखो अब अगली बात बच्चों देखिए मोल ऑफ गैस किसी गैस के मोल कैसे निकालते हैं तो गौर सुन लो यदि कोई गैस आइडियल है तो यार वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है ये देखो वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही हाँ तेजी से कराऊंगा आप परेशान ना हो मगर इंपॉर्टेंट लेक्चर है जब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती रहेगी तो मोल कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है यदि मोल कॉन्सेप्ट आता है तो पूरी फिजिकल पर धीरे धीरे करके कमांड बना लोगे अब देखो पी बी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन है ठीक यहां पे पी क्या है पी है प्रेशर ऑफ गैस और बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी एटमोस्फियर V क्या है वैल्यूम ऑफ गैस अब इसकी यूनिट क्या होगी लीटर ठीक है R क्या है गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है ये 0.821। इसकी यूनिट क्या होती है एटमॉस्फेयर लीटर कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स T क्या है टेम्परेचर इसकी यूनिट होती है कैल्विन एन क्या है मोल ऑफ गैस इसकी यूनिट होती है मोल अब गौर से मेरी बात सुनिएगा सब लोग अब गौर से मेरी बात सुनिएगा यदि इस जगह पे हम प्रेशर वन एटमोस्फियर रख दे और वन एटमोसफियर अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है वन बार के और टेम्परेचर रख दें दो सौ और एन की वैल्यू रख दें एक मोल और आर की वैल्यू आर तो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये रख दे ठीक है अब गौर सुनो आपने क्या किया इसकी वैल्यू रख दी इसकी वैल्यू रख दी इसकी वैल्यू रख दी सॉरी इसकी नहीं रखी है आपने प्रेशर की वैल्यू रख दी मोल की वैल्यू रख दी आर की वैल्यू रख दी टी की रख दी तो क्या निकल आएगा वैल्यूम तो आप जब वैल्यूम की वैल्यू निकालोगे गौर से देखो तो वैल्यूम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप निकालोगे एन आर टी बाई पी और सबकी वैल्यू डाल दोगे तो जब सबकी वैल्यू डालोगे तो ये कितना आता है किसी बच्चे को पता है तो ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर के बराबर ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर के बराबर ऐसे अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि यदि टेम्परेचर यदि टेम्परेचर की ये वैल्यू डाली जाए प्रेशर की ये वैल्यू डाली जाए और गैस एक मोल ली जाए तो हमेशा इतना वैल्यूम अकुपाई करेगी कोई भी गैस हमेशा इतना वैल्यूम अकुपाई करेगी कोई भी गैस यदि प्रेशर की ये वैल्यू डाली जाए टेम्परेचर की ये वैल्यू डाली जाए और मोल की ये वैल्यू डाली जाए तो कोई भी गैस हमेशा इतना प्रेशर अकुपाई करेगी कोई भी गैस हमेशा इतना प्रेशर ऑकुपाई करेगी देख लो आप ठीक गौर से समझ गए और इस वैल्यू को नाम दे दिया जाता है क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इस वैल्यू को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अब इसमें से हम क्या क्या उठा लेते हैं हम बच्चों उठा लेते हैं इसका ये एस टी पी तो इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है एस पी हम कहते हैं कि एस पर कोई भी गैस हम कहते हैं कि एस पर कोई भी आइडियल गैस एक मोल यदि है तो वो 22.4 दशमलव चार लीटर वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो हम क्या क्या कहते हैं कि वन मोल गैस वन मोल गैस कंटेन्स आइडियल गैस कंटेन्स बाईस दशमलव चार लीटर वैल्यूम एट एस at एट एस का मतलब कि प्रेशर ऑफ ये डाल रहे हो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ ये डाल रहे हो ये. तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्या ये बात सबको समझ में आई कि यदि हम प्रेशर की वैल्यू वन डालें वन एटमॉस्फेयर के आसपास वन एटमोसफियर डालें टेम्परेचर की वैल्यू दो सौ तिहत्तर डालें और गैस के मोल एक डालें तो कोई भी गैस हमेशा बाईस दशमलव चार लीटर वैल्यूम ऑकुपाई करेगी तो इसीलिए हम लोग इसको एक कंडीशन बना देते हैं कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि एक मोल गैस एस टी पी पर हमेशा बाईस दशमलव चार लीटर वैल्यूम ऑकुपाई करती है एक मोल गैस हमेशा बाईस दशमलव चार लीटर वैल्यूम ऑकुपाई करती है एस टी पी पर क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों ने कहा हां क्लियर है यदि क्लियर है तो अब मैं तुम्हें सीएचडी देने जा रहा हूं अब गौर सुनिएगा आप लोग इस बात को सीएचडी नंबर सेवन देखो एक मोल गैस क्या क्या उपाय करता है एक मोल एक मोल गैस या एक मोल एक मोल मास के फॉर्म में कितना उपाय करता है मास के फॉर्म में वो अकुपाई करता है अक्युपाइड मालिकुलर वेट इन ग्राम इसका फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना होता नहीं है एक मोल नंबर के फॉर्म में कितना ऑक्यूपाई करता है एक मोल कितने नंबर उपाय करता है पीछे पढ़ा के आया हूं मार खा जाओगे ध्यान रखिएगा गड़बड़ किया कितना उपाय करता है नंबर को कितना उपाय करता है ए नंबर को सही है अभी ज्वाइन किया है कोई बात नहीं बेटा आकांक्षा चाहे जब आओ घर का है मामला अच्छा अब एक मोल गैस वैल्यूम के फॉर्म में कितना उपाय करता है वैल्यूम ऑफ गैस वो अक्यपाई करता है बाईस दशमलव चार लीटर अब सारे बच्चे मेरी बात को गौर से समझेंगे एट एस पर एस पर इतना पाई करता है जब टेम्परेचर की वैल्यू आपने कितनी डाली है और प्रेशर की वैल्यू आपने कितनी डाली है आपने टेम्परेचर की वैल्यू जो है ये डाली है और प्रेशर की वैल्यू आपने ये डाली है अप्रोक्स अब मेरी बात को गौर से समझना ये दोनों यूनिवर्सल बात है ये दोनों यूनिवर्सल है मतलब किसी भी फिजिकल स्टेट पे वैलिड है ये किसी भी फिजिकल स्टेट पे वैलिड है ऑल फिजिकल स्टेट यार ये बीच बीच में क्या हो जाता है इसको सभी के सभी फिजिकल स्टेट पर वैलिड है और ये वाली बात सिर्फ गैस के लिए वैलिड है ये लिक्विड के लिए नहीं वैलिड है ओनली फॉर गैस वो भी आइडियल गैस ओनली फॉर गैस के लिए वैलिड है मतलब जब आप कहते हो कि एक मोल एक मोल कंटेन करता है मालिकुलर वेट के बराबर मास तो वो चाहे गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस फिजिकल स्टेट पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक मोल ऑलवेज कंटेन करेगा कितना मालिकुलर वेट इन ग्राम क्यों क्योंकि मास किसी भी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता मैंने अभी पीछे पढ़ाया है एक मोल हमेशा कितने नंबर कंटेन करेगा आवोगाडो नंबर चाहे वो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो क्योंकि नंबर भी किसी भी फिजिकल स्टेट को डिपेंड नहीं करता है नंबर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता मगर मुन्ना वैल्यूम जो है मगर वैल्यूम जो है वो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इस वजह से ये कंडीशन सिर्फ गैस पे लगाना अब जोश में मत आ जाना कि लिक्विड में भी झोंक के चले आ रहे हो सॉलिड में भी झोंक के चले आ रहे हो ये कंडीशन किस पे लगाओगे ये कंडीशन किस पे लगाओगे गैस पे किस पे लगाओगे यहां या ना, गैस पे लगाओगे इतनी इतनी बात बात क्लियर है। बात क्लियर है है क्या सबको तो अब देखो इंटर कन्वर्जन हो गया यदि मैं बात लिख तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा देखो यदि मैं बात यह लिखूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा क्या लिखना चाहता हूं जरा गौर समझना बुरा मत मानना बुरा ना मानना एक मोल इक्वल टू एक मोल इक्वल टू मालिकुलर वेट इन ग्राम यार ये क्या हो रहा है ये छोड़ रहा है पेन है ना ये देखो और एने नंबर नंबर के फॉर्म में और ये देखो देखो गौर समझो एक मोल गैस इतना मास अकुपाई करती है इतने नंबर अकुपाई करती है इतना वैल्यूम अकुपाई करती है एसटीपी पर इसका मतलब ये आपस में भी बराबर हो सकते हैं आप इसको इसके बराबर कर सकते हो आप कह सकते हो कि मालिकुलर वेट इन ग्राम आप गैस अकुपाई करती है इतना वैल्यूम आप कह सकते हो इतने नंबर इतना वैल्यूम अकुपाई करते हैं उल्टा कह सकते हो कि इतना वैल्यूम ऑफ गैस इतना मास ऑकुपाई करती है इतने वैल्यूम ऑफ गैस इतना नंबर ऑक्यूपाई करती है आप ये कह सकते हो क्या ये रिलेशन सबको समझ में आया और यदि आया है मुन्ना तो जरा अच्छे से ध्यान रखना अभी इस पर मैं खेलूंगा फैल मत जाना इस पर मैं अभी खेलूंगा फैल मत जाना यस या नो यस या नो स yes या नो अब देखो इसी पर एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एट एस टीपी देखो नंबर ऑफ मोल मोल तो किसी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते देखना जरा वैल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी इन लीटर लीटर में डिवाइडेड बाई बाईस दशमलव चार लीटर ये जो फार्मूला है ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है ये सिर्फ गैस के लिए लगेगा और गैस के लिए कब लगेगा जब गैस का वैल्यूम एस पर दिया हो ध्यान रखना ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है क्योंकि वैल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है प्रभु समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो ना वैल्यूम जो है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है इसलिए ये यूनिवर्सल फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है क्लियर है क्लियर है तो ये तभी लगेगा जब गैस का वैल्यूम एस पर दिया हो ये तभी लगेगा जब गैस का वैल्यूम एस टीपी पर दिया हो और पीछे जो दो फार्मूले पढ़ाए थे ना मास अपॉन मालिकुलर वेट नंबर अपॉन नंबर वो बच्चों यूनिवर्सल है हर फिजिकल स्टेट पे लगेगा क्योंकि ना तो मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है ना नंबर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है तो वो गैस लिक्विड सॉलिड तीनों में एप्लीकेबल है ये जो फार्मूला है सिर्फ गैस पे एप्लीकेबल है ऊपर से गैस की कौन सी कंडीशन जब वैल्यूम आप गैस एसटीपी पर दिया हो हाँ बच्चों ने कहा सर आप क्यों समझ रहे हो हम कर देंगे आप टेंशन ना लो आप तो डर रहे हो हम कर देंगे आप बिल्कुल परेशान ना हो मैंने कहा कर दोगे बच्चों ने कहा और क्या आप अपने जैसा समझ रहे हो आप जो है हमें अपने जैसा समझ रहे हो तो मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दो लो इसका आंसर दो सब लोग देखिए आंसर दो सारे बच्चे आंसर देंगे और सही आंसर देंगे बताओ यस जितनी जल्दी आंसर दे सकते हो उतनी जल्दी आंसर दो तब तक, तक मैं पानी पी लेता तो। हूं यार धुआं छोड़ दिया है कोई हम्म बहुत सही बहुत सही बहुत सही अब मैं बस इतना सोच रहा हूं कि यार कोई ये टेक्नोलॉजी भी निकाल दे कि कैमरे में घुस के कैसे बच्चों को मारा जाता है है ना कि मैं सीधा से कैमरे में घुसू और जाके तुम सबको दो दो तीन तीन थप्पड़ लगा के आऊ ऐसी टेक्नोलॉजी भी किसी ना किसी को निकाल देनी चाहिए मान लो मैं अपने गुस्से को कहा करूं मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं कहां पे सिर फोड़ू बोर्ड पे फोड़ू दीवाल में फोड़ू कहाँ फोड़ लू फिर तो अपने गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना और वैसे क्या होगा सीधा कैमरे के अंदर गए नहीं कि दो दो लगाए नहीं वापस आए फिर पढ़ाना चालू तो इस तरह की टेक्नोलॉजी प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज गूगल भैया निकालो यार यूट्यूब वालों निकालो क्यों क्योंकि टीचर कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा इतनी देर से अभी मैं चिल्ला के आया हूं और बार बार इस बात को मेंशन भी किया है कि भाई गड़बड़ मत कर देना गड़बड़ मत कर देना है और ये कुछ लड़के फैल रहे ये बताओ जरा ये बताओ तुमने जैसे ही डिजिट देखा कि तुमने लाल टपका दी कि अरे इतना इजी क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं है ना जरा बताना टेम्परेचर कितना लिखा है दो सौ तिहत्तर तो क्या ये गैस है क्या ये गैस है बताओ नहीं मुन्ना तुमने फार्मूला कैसे चपका दिया ये तो लिक्विड है और तुमने जोत जोश में क्या फार्मूला लगाया जोत जोश में लगाया ऑफ गैस एट डिवाइडेड बाई बाई आंसर आ गया पॉइंट वन और ये हो गया रॉन्ग ये हो गया रॉन्ग अभी चिल्ला के आया हूं। अभी चिल्लाया है अभी लिखा ये देखो ये देखो कि सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है मगर सबको इलू टीलू करने से फुर्सत मिले या किसी और काम से फुर्सत मिले तब तो पढ़ाई करे सर की ओर है चिल्ला क्या है वो कि ये गैस के लिए है गैस के लिए देखो साफ साफ लिखा है मगर लौंडो को कहा भरोसा चलो अब जरा देखो अब ये क्वेश्चन करोगे कैसे यार ये तो लिक्विड है तो तुमको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ाया था कि वाटर के केस में डेंसिटी आपको दी नहीं जाएगी खुद समझनी पड़ेगी वाटर के केस में एक मिनट यार हाँ वाटर के केस में डेंसिटी आपको दी नहीं जाएगी खुद समझनी पड़ेगी तो जरा देखो आप कैसे निकालोगे आप लिखोगे मोल इक्वल टू मास मालिकुलर वेट है ना अब तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे कि मास कैसे आएगा अरे तुम्ना तो तुम्हें पढ़ाया नहीं है कि मास इक्वल टू वी इन डी करो वाटर के केस में वैल्यूम कितना है ये अब इसको टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देना क्यों क्योंकि वाटर की डेंसिटी एक ग्राम पर एम होती है यूनिट एंड डायमेंशन का भी ध्यान रखना नहीं तो एसीपी सर आएंगे ना तुम्हें उड़ा देंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन भी नहीं आता है तुम्हें समझ रहे हो ना हाँ वैसे भी वो लंबे चौड़े बहुत मारेंगे तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा के उनकी हाइट देखिए इंटू टेन की पावर थ्री ग्राम कैसे अच्छा ये मैंने कैसे किया समझ पाए ये लीटर में दिया है और बेटा डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होती है वाटर की इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से एमएल एमएल काटना पड़ेगा ना तो ये किया अब निकल गया है मास इसको जाके यहां रखो और डिवाइड करो 18 से ये आया मोल जोशीले नौजवान बात समझ में आई ये जो तुम लोग बहुत तेजी से क्वेश्चन करते हो ना इसलिए अच्छे से करो हाँ महिमा हाँ आफताब हाँ नीरज फ्यूचर सुगर सर्जन लिखा है अच्छा मैं सुगर पढ़ रहा था उसको बात समझ पाए कैसे तो तो फंस गया है लाव लपेट देते हैं जल्दी से वो तुम्हें लपेट रहा है तुमको लग रहा है तुम क्वेश्चन लपेट रहे हो उसने तुम्हें लपेट दिया माइनस पांच लिए चले आ रहे हो जो चार नंबर मिल सकते थे वो भी गए एक माइनस भी ले लिया टाइम अलग से खराब किया टाइम अलग से खराब किया हाँ कर लोगे सब लोग कर लोगे अच्छा अच्छा कर लोगे कर लोगे अच्छा ये लोग इसको कर दो फिर जब कर लोगे तो इसको कर दो ये तुम्हारे स्कूल का क्वेश्चन है स्कूल मतलब नीट का क्वेश्चन है जल्दी से इसका आंसर बताओ अब स्टार्ट होने वाली नई हेडिंग जल्दी से आंसर बताओ यार कोई चाय नहीं पिला रहा एमडी सर किधर है तरुण सर तो यहाँ से आवाज मारते हैं तरुण सर एमडी सर यदि या यार आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम चाय तो पिलाओ यार घंटे से पढ़ाते पढ़ाते थक गए क्यों भाई, है? भाई तुम है सलाह मांगोगे अपने मम्मी पापा से भाई बहन से इन्हीं से तो आप हेल्प मांगोगे अब स्टूडियो में मेरे को कौन मिलने आएगा टीचर ही मिलने आएंगे और कोई तो मिलने आएगा नहीं पी लेता हूँ यार थक गया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो अरे दो। हाँ एसीपी सर और बीटी सर भी आएंगे ऐसी बात नहीं है मस्ती मार रहे होंगे कहीं बैठे नहीं वो लोग आपके लिए कुछ बना रहे हैं सब लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं और भी चीजें तो आपको देनी है टेस्ट टेस्ट कराने हैं डाउट आउट देने हैं सब देंगे यार आंसर बताओ हाँ बस सही चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मालिक्यूल ऑफ वाटर अब देखो मैंने जो पढ़ाया वो यहां यूज होगा एक मालिक्यूल कितना वैल्यूम ऑक्युपाई करेगा अब यार हमें कैसे पता चलेगा एक मालिक्यूल कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा गौर सुनना देखो डेंसिटी भाई ने देखो देखो भाई आपके लिए कितना सोचता है है ना उसने डेंसिटी दे दी यदि मैं होता तो मैं तो डेंसिटी देता ही ना कि यार ये स्टैंडर्ड है अपने आप जानो तो गौर समझो हमें यदि एक मालिक्यूल का मास मिल जाए एक वाटर मालिक्यूल का मास मिल जाए तो हमें वैल्यूम मिल जाएगा क्यों वैल्यूम ऑफ वाटर मालिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ वाटर मालिक्यूल और डेंसिटी ऑफ वाटर मालिक्यूल डेंसिटी हमें दी है अब बस किसी तरह जुगाड़ में आ जाए मास अब मास कैसे जुगाड़ में आएगा मैंने तुम्हें कहा है कि एक रिलेशन याद रखना याद ही ना रखे हो कि एने नंबर ऑफ वाटर कितना मास कंटेन करेगा मालिकुलर वेट के बराबर क्या हुआ कुछ लोग फैल गए क्या रोने धोने लगे भाई अभी पढ़ाया है मार खाओगे एक मोल कितने नंबर कंटेन करता है एने एक मोल कितना मास कंटेन करता है मालिकुलर मास तो अब ये आपस में भी तो बराबर होंगे और जब ये आपस में बराबर होंगे तो एक वाटर कितना मास कंटेन करेगा मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन मतलब 18 डिवाइडेड बाई 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर 23 ये आ गया एक ये क्या आ गया एक वाटर का मास तो 18 डिवाइडेड बाई ये तो आंसर आ गया ये देख लो यार कहीं आंसर है इसके आसपास अप्रॉक्स ये आंसर बनना है अप्रॉक्स ये आंसर बनना है बात समझ पाए यस 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 बहुत सही है। अब हेडिंग डाल लो ये अब इस हैडिंग को करते हैं बहुत से अब सब लोग एक एक करके मुझे चार नाम बताएंगे मैं कुछ लिखना जा रहा हूं आप इसका नाम बताओ मतलब मतलब बताओ हेडिंग सबसे पहले बताओ यार ये एटॉमिक मास क्या होता है या एटॉमिक वेट क्या होता है बताइए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है बताओ हाँ बताइए बच्चा कह रहा थोड़ा रुक जाओ यार रुकेंगे नहीं मैं कम से कम तीस पैंतीस दिन चालीस दिन बाद वाईटी पे आया हूँ यूट्यूब पे तो मैं रुकूंगा तो नहीं ठीक है पूरी ताकत लगाओ पढ़ाई करो ध्यान दो अच्छे से देखो एटॉमिक मास क्या होता है तो गौर समझना एटॉमिक मास क्या होता है इसको जरा समझो कि एटॉमिक मास क्या है मास ऑफ सिंगल एटम एक सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास होता है एक सिंगल एटम का मास क्या होता है एटॉमिक मास होता है क्लियर है ये बात एक सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास होता है और किसी भी सिंगल एटम का मास होगा कितना तो गौर सुनना गौर सुनते जाइएगा डरिएगा नहीं ठीक है गौर से देखो यदि मैं ये बात लिख दूं तो क्या कोई बच्चा डरेगा एने नंबर ऑफ एटम का मास कितना होता है एने नंबर ऑफ एटम का मास कितना होता है एटॉमिक मास इन ग्राम इसके बराबर अभी क्वेश्चन में किया है अभी क्वेश्चन में किया है भाई मालिक्यूल है तो मालिक्यूल के बराबर एटम है तो एटम के बराबर ये देखो अभी आपने लिखा है ये देखो वन मोल मालिकुलर वेट एने नंबर तो एने नंबर कितने होंगे एटॉमिक मास के बराबर होंगे पांच मिनट का ब्रेक दे दो दे देंगे अभी रुक जाओ पढ़ा लेने दो है ना इस को खत्म कर लेना फिर ब्रेक दे देंगे मेरा भी गला दर्द कर रहा है दे दूंगा यह बात सही है कि नहीं पहले ये बताओ बच्चों ने कहा तो एक एटम का वेट क्या आया है ना तो आया मास ऑफ सिंगल एटम तो सिंगल एटम का वेट कितना आएगा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन एटम है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय और यदि है तो मालिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ये देखो अब हम दोबारा कभी इतना नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे यदि सिंगल एटम का पूछे तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन ए और सिंगल मालिक्यूल का पूछे तो मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन ए और ये आया कैसे एक मोल में एन एटम है एक मोल में मालिकुलर वेट अकुपाई करता है एक मोल में बाईस दशमलव चार लीटर वैल्यूम अकुपाई करता है एस पर उससे आया तो अब गौर से देखना जरा हम यदि एग्जाम्पल ले कार्बन सपोज करो सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन तो कार्बन के एक एटम का वेट बताओ ठीक है तो मैंने आपसे कहा मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ मैंने आपसे कहा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालो बताओ भाई कितना आएगा सारे बच्चे बताएं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आएगा ऑप्शन लिख रहा हूं बारह ग्राम एक बटे बारह ग्राम बारह बटे एने ग्राम बताओ, बताओ, yes. तो अब जरा इस बात को आप समझो एक एटम का कैसे निकालते तो मैंने आपको बताया है कि सिंगल एटम का मास जब भी निकालना हो तो वो बस कुछ नहीं है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एने ग्राम तो आंसर इज दिस अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं जरा देखो यदि मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा यदि मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा क्यों मानोगे यार थोड़ा सा आगे पीछे ही तो किया है इतने से बुरा क्यों मानोगे अच्छा बच्चे ने कहा कि सर नहीं मानेंगे तो मैंने कहा यार यदि मैं इस पूरी वैल्यू को गौर से देखना रोना धोना नहीं इस पूरी वैल्यू को यदि मैं एक यूनिफाइड बोल दूं या इसको एमयू बोल दूं मतलब आपने सपोज कर लिया कि इस वैल्यू को कहा जाए एक एमयू एक एमयू कहा जाता है वन अपॉन एन ए ग्राम को क्यों कहा गया है अभी बताऊंगा क्यों कहा गया है अभी बताऊंगा एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट या इसी को कहा जाता है यूनिफाइड यूनिफाइड ऐसे और उसकी यूनिट कितनी होती है वन अपॉन एने ग्राम के बराबर ऐसा इसलिए कहा गया है कि एक एटम का मास भी उसके एटॉमिक नंबर के बराबर दिखे यदि मैं पीछे ये लिख देता हूं तो देखो ये कौन सी वैल्यू है इसके एटॉमिक नंबर के बराबर देखो, नंबर कितना है बारह और यहां पर भी बारह लिखा है तो बच्चों को एक एटम के मास को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी एक एटम का मास कितना है ट्वेल्व यूनिफाइड एक एटम का मास कितना है ट्वेल्व यूनिफाइड जो उसका मास नंबर है उसका कार्बन का मास नंबर कितना है बारह तो वही एक आइटम का मास बन गया जैसे बहुत सारी डिजिट बच्चों को याद ना रखनी पड़े देखो तो उन्होंने क्या किया वन अपॉन एने ग्राम को एक यूनिफाइड लिख दिया मतलब ए लिख दिया एटॉमिक मास यूनिट लिख दिया ये तो जब एक आइटम का मास पूछा जाए तो मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड लिखो 12 यूनिफाइड 12 एएमयू, और यदि ग्राम में लिखना चाहते हो यूनिट में लिखना चाहते हो तो एएमयू की वैल्यू डाल दो अब इसी चीज को और सॉल्व करोगे तो देखो अब मैं आपको सीएसडी देने जा रहा हूं ये पांच मिनट में खत्म हो जाएगा सारा देखो सीएचडी नंबर बताओ बेटा कौन सा है सी एच डी नंबर बताओ सी एच डी नंबर सी एच डी नंबर कौन सा चल रहा है जरा बताना बच्चों सी एच डी नंबर बताना कौन सा है आठ आठ नंबर अब जरा गौर से देखो मास सिंगल एटम ये कॉन्सेप्ट लिखे हैं ये सब एक ही जगह पे लिख रहा हूं किसी भी सिंगल एटम का मास हमेशा क्या लिखोगे एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय एन अच्छा अब दूसरी बात किसी का एटॉमिक मास क्या होता है एटॉमिक मास जो होता है गौर सुनते जाओ एटॉमिक मास जो होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर इन यूनिफाइड या एटॉमिक मास नंबर को हमने ए कहा है कैपिटल ए अभी पीछे निकाला है कार्बन का कितना निकल के आया ट्वेल्व निकल के आया है मगर यूनिट अलग है यूनिफाइड है और इसी में मैंने आपको एक बात बताई कि एटॉमिक मास यूनिट मतलब ए एमयू या इसी को आप कहो वन यूनिफाइड मतलब ऐसे इसकी वैल्यू कितनी है वन अपॉन एने ग्राम या फिर 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन एस की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ऐसे ये बात समझ में आ गई सबको अच्छा अब एक और बात बताता हूं आप बताओ मोलर एटॉमिक मास क्या होता है मोलर एटॉमिक मास अगली हेडिंग या फिर ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम ये सारी एक ही बात है ये क्या होता है बताओ भाई बच्चों मोलर एटॉमिक मास क्या होता है मोलर एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम इन सबका मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन सबका क्या मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम एक मोल का मास और इसकी वैल्यू कितनी होती है मास नंबर इन ग्राम एक मोल का मास क्या होता है मालिकुलर वेट के बराबर होता है यदि मालिक्यूल है एटम है, तो एटॉमिक वेट के बराबर होगा एक मोल का मास क्या होता है मालिकुलर वेट के बराबर होता है एटम है, तो एटॉमिक वेट के बराबर होता है क्या यह बात समझ पा रहे हो मोलर एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम बराबर होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम कितना होता है एटॉमिक मास इन ग्राम ये देखो एटॉमिक मास इन ग्राम क्लियर है क्लियर है इतनी बात अब एक और चीज लिखने जा रहा हूं एक और चीज अब वो मैं पहले पढ़ाता हूं फिर लिखता हूं सी में देखिए आप लोगों ने स्कूलों में या कोचिंगों में या ट्यूशन में कहीं ना कहीं एक और टर्म पढ़ा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बताओ देखो एटॉमिक मास क्या है मास ऑफ सिंगल एटम मोलर एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटम ये क्या है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम और मास ऑफ वन मोल एक मोल में कितना मास होता है एटॉमिक मास के बराबर अब आप बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बता भाई रिलेटिव अटामिक मास क्या होता है तो रिलेटिव अटोमिक मास जरा समझो सारे बच्चे क्या होता है रिलेटिव अटोमिक मास का मतलब होता है कोई भी एटम कोई भी एटम एक एमयू से कितने गुना भारी है हाउ मैनी टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स टाइम हाउ मैनी टाइम्स वेट ऑफ वन एमयू एक एएमयू से कितने गुना भारी है कौन कोई भी एटम कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी होता है ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा गौर से समझो मेरी बात लो मेरा वेट मेरा वेट सत्तर किलो है ठीक है मेरा वेट सत्तर किलो है और इसमें एक बीमल बीमल का वेट दस किलो है बताओ मैं विमल से कितने गुना भारी हूं मेरा वेट सत्तर किलो है बिमल का वेट दस किलो है मैं विमल से कितने गुना भारी हूं जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें मेरा वेट सत्तर किलो है बिमल का वेट दस किलो है तो मैं बिमल से कितने गुना भारी हूं टाइम्स हूं हाँ आपने कैसे निकाला आपने निकाला कि यार डिवाइडेड डिवाइडेड हाँ तो सेवन आया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो कितना आया सेवन आया तो आपने कहा कि यार सेवन है तो उसी तरह से यहां निकालना है तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा मास ऑफ सिंगल एलिमेंट सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एमयू कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी है है ना ये देखो अच्छा एक एमयू को कितना लिख सकते हो देखो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया इसको ऐसे ही लिख दिया एक एमयू को यदि मैं ये लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा यार इसकी वैल्यू इतनी तो थी बुरा मानोगे नहीं अच्छा मैं इस बात को ऐसा लिख दूं तो कोई मानेगा बुरा देखना बुरा मत मानना देखो अब बात आई ये कैसे लिखा अभी ये मैं पीछे करके आया हूं देखना वन बाई ट्वेल्व कार्बन के सिंगल एटम का मास बताओ कार्बन के सिंगल एटम का मास बताओ कार्बन के सिंगल का मास कैसे निकलेगा किसी भी किसी भी किसी भी एटम के सिंगल एटम का मास निकालने के लिए एटॉमिक मास डिवाइडेड डिवाइडेड एटॉमिक मास तो इसका मतलब वन अपॉन एन की जगह ये लिखा जा सकता है इसका मतलब वन अपॉन एन की जगह ये लिखा जा सकता है तो ये फार्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का उन्होंने क्या किया ये बेस बनाया कार्बन को बेस बनाया है तो चीज यही है इसको घुमा घुमा के इतना टफ किया गया है तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि कोई भी एटम कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी है मगर बेस कार्बन है तो डिफिनीशन इसके बेसिस पे है कि कोई भी एटम कार्बन के सिंगल एटम के वन ट्वेल्थ पार्ट से कितने गुना भारी है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कोई भी एटम कार्बन के सिंगल एटम के वन ट्वेल्थ पार्ट से कितने गुना भारी है ये डिफिनीशन बनाई गई है अब बताओ ये ग्राम है ये ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कटेगा तो क्या आएगा अब देखो मैं कार्बन में करके दिखाता हूं मैंने आपसे पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखो देखो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन निकालना है तो कार्बन के सिंगल एटम का मास लिखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डरना नहीं कार्बन के सिंगल एटम का मास क्लियर है कार्बन के सिंगल एटम का मास मास सिंगल एटम तो कार्बन के सिंगल एटम का मास क्या होगा ट्वेल्थ ट्वेल्थ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन अब कट्टम काट खेल लो कितना आंसर आ रहा है ट्वेल्व पीछे यूनिट क्या लगाओगे बताओ पीछे यूनिट क्या लगाओगे पीछे यूनिट क्या लगाओगे कोई नहीं क्योंकि ग्राम से ग्राम कटा है ये ग्राम है ये भी ग्राम है तो गौर से सुनो अब गौर सुनना जब आप एटॉमिक मास नंबर के पीछे कोई यूनिट नहीं लगाते हो तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो ये बताता है कि कार्बन जो है एक ए एमयू से बारह गुना भारी है और जब उसके पीछे यूनिफाइड लगाते हो तो वो एक सिंगल एटम का मास बनता है और जब उसके पीछे ग्राम लगा देते हो तो वो एक मोल का मास बन जाता है बात समझ रहे हो एक मोल का मास बन जाता है। तो अब मैं सी में ये बात लिखने जा रहा हूं डायरेक्ट लिखूंगा देखो अगला पॉइंट तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो जो होता है वो क्या होता है सिर्फ ए होता है क्यों क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है वो क्या है यूनिट लेस है वो ए के बराबर होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है कौन रिलेटिव अटोनिक मास अब जरा देखो यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दीजिएगा सारे बच्चे आंसर देंगे मैं मैच करने को कह रहा हूं लिस्ट वन लिस्ट टू टी क्यू आर देखो एटॉमिक वेट रिलेटिव एटॉमिक मास ठीक है और मोलर एटॉमिक मास अब यहां मैं लिख रहा हूं आप लोग इसको मैच करेंगे सोलह ग्राम ऑक्सीजन आइटम के लिए है सिर्फ सोलह और सोलह यूनिट अब बताओ किसका किसके साथ मैच है ए का मैच किसके साथ है बी का मैच किसके साथ है और सी का मैच किसके साथ है बताइए सारे बच्चे किसका मैच किसके साथ है हाँ सभी लोग बताए तो बहादुर हो ब्रेक क्यों मानते देखो तुमसे एज में डबल मैं तुम सब लोग सोलह सत्रह साल के होगे कोई बच्चा सोलह साल का होगा कोई सत्रह साल का होगा कोई अठारह साल का होगा है मैं पैंतीस साल से ऊपर का हूँ तो तुमसे एज में डबल हूँ खड़े होके पढ़ा रहा हूँ चिल्ला भी रहा हूं तो यार थकान मुझे होनी चाहिए मुझे तकलीफ होनी चाहिए और तुम ब्रेक मांगते हो यार है ना कितनी गलत बात कहते हो हाँ बताओ निकमो बताओ भाई सब लोग आंसर बताओ सब लोग आंसर बताएं, जल्दी से हाँ तो अब जरा देखो यार अब ये एटॉमिक वेट है एटॉमिक वेट क्या होता है सिंगल एटम का वेट और सिंगल एटम का वेट क्या होता है एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ़ यूनिफाइड। रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ एटॉमिक मास नंबर के बराबर होता है उसमें कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए मोलर एटॉमिक मास मोलर एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर इन ग्राम होता है एटॉमिक मास नंबर इन ग्राम होता है। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है और वो है क्या एवरेज एटॉमिक मास चार टाइप के एटॉमिक मास होते हैं चार टाइप के एटॉमिक मास होते हैं चारों में डिफरेंस समझ पा रहे हो एवरेज एवरेज एटॉमिक मास देखो चार टाइप के मास होते हैं एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास मोलर मास या उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं और एवरेज मास अब एवरेज मास की जरूरत क्या है अच्छा इस हेडिंग के बाद ब्रेक दे देते हैं है ना इस हेडिंग के बाद ब्रेक देंगे ठीक है इस हेडिंग को बताकर पांच सात मिनट का ब्रेक दे देंगे हाँ ठीक है इस हेडिंग को पढ़ा ले और वैसे ब्रेक ना लो यार दो तीन घंटे दो घंटे में अभी डेढ़ घंटे में खत्म हो जाएगा अच्छा चलो पहले पढ़ लो एवरेज एटोमिक मास की जरूरत क्यों पड़ती है तो देखो एवरेज एटोमिक मास की जरूरत इसलिए पड़ती है जितने भी हमारे पास आइटम है उन सबके आइसोटोप नेचर में प्रेजेंट है एक दो को छोड़ दे तो आइसोटोप प्रेजेंट है मतलब आप क्या करो एक चुटकी अब वो डायलॉग नहीं मारने जा रहा हूं यार मैं पढ़ा रहा हूं तो यदि आप एक चुटकी हाइड्रोजन उठाओगे तो उसमें एच वन एच भी होगा उसका आइसोटोप वन एच भी होगा उसका आइसोटोप वन एच भी होगा एक चुटकी कार्बन उठाओगे तो उसमें कार्बन का आइसोटोप ट्वेल्व भी होगा कार्बन का आइसोटोप थर्टीन भी होगा कार्बन का आइसोटोप फोर्टीन भी होगा तो होता क्या है कि हम किसको एटॉमिक मास बोले जब वो प्योर फॉर्म में है ही नहीं हमेशा मिक्सचर है आइसोटोपिक मिक्सचर है तो जो एटम होता है जनरली कहां किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो एटम होता है वो आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अब यार जब वो आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो मैं उसका वेट एटॉमिक वेट क्या बोलूं वहां तो अलग अलग तरह के एटॉमिक वेट वाले हैं तो हम क्या करते हैं हम ये करते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं अब किसी का एवरेज कैसे निकाला जाता है ये आप हमसे ज्यादा जानते हो ठीक है इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं हमारे जैसे तीन लोग हैं जिनका वेट सत्तर सत्तर किलो है तुम्हारे जैसे दो लोग हैं जिनका वेट दस दस किलो है अब एवरेज बताओ एवरेज वेट कितना आएगा तो तीन लोगों को जोड़ दोगे दो लोगों को जोड़ दोगे और पांच लोगों से डिवाइड कर दोगे ऐसा ही तो करोगे भाई हमारे जैसे तीन लोग हैं जिनका वेट सत्तर किलो है तो टोटल कितना हुआ? दो सौ इक्कीस तुम्हारे जैसे दो लोग हैं जिनका वेट किलो है टोटल कितना हुआ? बीस। टोटल वेट कितना हो गया इतना लोग कितने हैं पांच तो एवरेज कितना आया ये है ना यही काम यहां करना है तो देखो मान लो किसी एटम के आइसोटोप एटम है ए एटम के आइसोटोप ये है a1 आइसोटोप है a2 आइसोटोप है a3 आइसोटोप है a1 आइसोटोप कितना है x1 परसेंटेज में है a2 आइसोटोप कितना है x2 है a3 कितना है x3 है तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो गई इतनी इसके टोटल वैल्यू कितनी हो गई इतनी। इसके टोटल कितनी हो गए इतनी।, हो गए? इतनी. हो गए? तो ये हो गया टोटल मास और ये हो गया टोटल नंबर ये परसेंटेज भी हो सकता है नंबर भी हो सकता है तो एवरेज ऐसे निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक टू समेशन ए आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई मतलब देखो इनका सम क्या है ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री तो इन सबको जोड़ दिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप से डिवाइड कर दिया ये आ गया एवरेज तो यार ये फार्मूला यूज करना है अब इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं देखो ये बात आपको आती है मगर इस पर फोकस ना करो फोकस कहां करना है बताता हूं जिससे क्वेश्चन जो है ना ऐसे चुटकियों में हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब समझना मैं सी देने जा रहा हूँ सीएचडी नंबर Nine. मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं एवरेज का अच्छे से ध्यान दीजिएगा ठीक है अच्छे से ध्यान दीजिएगा सारे लोग देखो बच्चों क्या क्या बातें ध्यान देनी वो देखो जरा जैसे कहीं पे एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो आपको फार्मूला तो पता ही है क्या लगाना है अब देखो अब आपको यह बात समझनी है वेयर यह आपके काम की बात है पहला पॉइंट ए वन ए टू ए थ्री सोन ये क्या है एटॉमिक मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये क्या है गौर सुनना ये क्या है ये क्या क्या हो सकते हैं ये मोल मोल ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं उनके नंबर भी हो सकते हैं तो यदि मोल आप आइसोटोप दिया है तो भी एक्स की जगह डालोगे उनके परसेंटेज दिए हैं बीस परसेंट ए है तीस परसेंट ये तो भी डालोगे और नंबर दिए तो भी एक्स की जगह डालोगे तो भी एक्स की जगह डालोगे अब मैं आपको जो खास बात बताने जा रहा हूं वो मैथ की है देखो एवरेज की खास बात बस मैं आपको दो सेकंड लूंगा गौर सुनिएगा मेरी बात गौर बताना जैसे मेरा वेट सत्तर था ठीक है और यहाँ एक बच्चा लिखा है नीरज नीरज का वेट दस है तो एवरेज क्या आया चालीस आया एवरेज कितना आया चालीस तो देखो एवरेज जो है सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा है मेरा सत्तर था एवरेज चालीस आ रहा है और सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा है उसका दस था दस से बड़ा आ रहा है चालीस आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना अब इससे वायर फंस गया इससे क्या होगा क्वेश्चन बिना सॉल्व करे हो जाएगा ये मैथमेटिक्स है कि एवरेज जो होगा मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा यार कुछ चाय यार किसी ने नहीं यार मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा और मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा मतलब जो एवरेज होगा वो मैक्सिमम एटॉमिक मास जो आइसोटोप में मैक्सिमम होगा उससे छोटा आएगा हमेशा ठीक है और सबसे छोटे वाले से बढ़ाएगा हमेशा तो जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओ और ये कॉन्सेप्ट क्या है मैथ्स मैथ्स है यार बेसिक मैस, जो बचपन से पढ़ते आए हो बस वो लगाइए अब आप चाह रहे हो कि अरे यार सर ये फर्जी बात है इससे क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा तो जरा इस क्वेश्चन को देखो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ देखो बोरान के दो आइसोटोप्स है एक ये है एक ये है, है? इसका मतलब हाँ सर आ जाए हाँ भाई।, भाई बच्चों देखो कौन कौन मिलने आया है सुबह से भाई मतलब लगा हुआ है ठीक है सुबह आ जाओ आ जाओ यार तुम भी आ जाओ तो हम पहले भाई हमने यार थोड़ा एनर्जी लो यार मैं इससे बोल चुका हूँ यूट्यूब पे मैंने कहा यार सरम सर एम सर कहा है चाय पिलवा दे भाई चाय भी ये ये लो चाय पिलवा बच्चों से बात कर लो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लोग जो है तीन सेशन कल से स्टार्ट करेंगे ताकि सिलेबस पूरा कराएं बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या हम पूरा सिलेबस कराएंगे हाँ तो पूरा सिलेबस कराएंगे पूरा रिवाइज़ कराएंगे प्लान ये है कि एक दिन में तीन चैप्टर होंगे तीनों चैप्टर के पचास क्वेश्चन के टेस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे और जब आप उन टेस्ट को कर लोगे आपको ओ टाइप से भी पोस्ट कर देंगे तो आप प्रिंट निकालो या जैसे करना है या एक ओ रखो डेली उसके पचास क्वेश्चन के तीन चैप्टर रिवाइज़ करो और उसके बाद फिर आपने क्या करना है जब चार दिन या पांच दिन ऐसे हो जाएंगे तो एक कंबाइन सात का आपको टेस्ट दे देंगे उसके पैरल में आप चाहो तो फुल सिलेबस लगा सकते हो इस तरीके से हम लोग मतलब चल रहे हैं ठीक है क्लियर है बताइए जल्दी से इससे इससे देखो दो फायदे होंगे बेटा आपका हम पर्टिकुलर रिवीजन भी कराते जाएंगे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे और टेस्ट के थ्रू तो एनालिसिस भी हो जाएगी कहा आप गलती कर रहे हो ठीक है तो टेस्ट बहुत जरूरी है तो और टेस्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट करना क्लियर है बिल्कुल क्योंकि ये पता चलेगा कि इस रिवीजन में आपने कहा मिस्टेक की कहा रह गया क्या पकड़ना है आपको ठीक है तो इससे क्लियरिटी आ जाएगी क्लियर बिल्कुल तो टेस्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रॉमिस करो ठीक है और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस यार जरूर करना ठीक है कि पता चलेगा कि कहां कमी है उसी पर थोड़ा मारेंगे ठीक है जिससे कि बढ़िया रिजल्ट आए कौन लिख रहा है कैसे मैनेज करेंगे तो सामने होता बेटा तेरे को मैं दुई कंटाप और दुई झापड़ मारता भी समझ में आ रहा है तेरे को अगर करना है तो कर पेपर है ना पांच मई को तो लिख कैसे सकता है कैसे मैनेज करेंगे लेक्चर है देख उसे देख पा रहा है तो साथ में रिवाइज कर तो डॉक्टर बनने की जिम्मेदारी हमने सारी जिम्मेदारी हमारी है तेरी कुछ नहीं है <laughs> तुम्हारे को सिर्फ कमेंट करनी है नहीं सर डॉक्टर भी बनाओ ठीक है मेडिकल कॉलेज में भी हाँ, भी एग्जाम दिलवाने की मैं जाऊँगा साथ में मैं यही बोल रहा हूँ तीन चैप्टर तुम्हें तैयार करने हैं तुम्हारे पास शेड्यूल है तुम देखो तुम्हें नहीं आता जो चैप्टर नहीं आते हैं वो देखो सारे देख सकते हो तो और अच्छा है और अगर तीन चैप्टर तुम एक दिन में रिवाइज कर रहे हो तो हो जाएगा ना उसके बाद और क्या चाहिए अच्छा उसके अलावा भी तुम्हारे पास टाइम बचता है तो एक दो आसान चैप्टर जैसे मान लो माइक्रोब्स हो गया या केमिस्ट्री में भी तो है तुम्हारे पास कुछ तो एक दो आसान बायोमोलिक्यूल उनको रिवाइज कर लिया करो सारा मतलब तुम ऐसा रोने जैसी बातें कैसे फर्जी टाइप की करते हो तो यार हम लोग कोशिश ही तो कर सकते हैं मैं तो ये मान के चल रहा हूं आप बिल्कुल ब्लैंक हो तभी मैंने बताया कि अगर आप ब्लैक हो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर लो सीरीज को ठीक है तो ऑटोमेटिकली हमें ये बताया बच्चे को कुछ नहीं आता तो हम अपने हिसाब से करा रहे हैं ना ठीक है अपने हिसाब से करा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा है किसको हमें पहले प्रायोरिटी पर लेना है कैसे थ्योरी करानी है कैसे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है उसकी टेस्ट कैसे लेना है एनालिसिस कैसे करनी है तो हम ऑलरेडी करा रहे हैं ना और लास्ट में हम ढेर सारे नीट ट्रेवली का भी कराएंगे क्योंकि लास्ट टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है और हम साथ में करा रहे हैं तो दो चीजें हैं या अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली फॉलो करो और यहां टाइम नहीं देखोगे कि आठ घंटे पढ़ रहे हो दस घंटे पढ़ रहे हो जितना भी टाइम है सोने के बाद पढ़ाई करो जितना भी टाइम है क्योंकि अब चालीस दिन बचे हैं भाई अब हंड्रेड परसेंट झोंकने पड़ेंगे आपको मोलिकुलर रिवाइज करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है पांच घंटा चार घंटा उतने में मैं करा दूंगा मैं कोशिश करूंगा चार पाँच घंटे में पूरा चैप्टर करा दूं बेसिक से तो प्लीज़ तैयार होकर आना दूसरी चीज़ क्या है बेटा आप लोग ये चीज़ दिमाग में बिटा लो अगर सिलेक्ट होना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और सर लेर नाट नाम नीट रेप्लिका ये सारे सिस्टम बेटा हमने ही बनाए थे पहले भी हमने बनाए थे जहाँ थे और उसके बाद भी हमने बनाए थे हम सिस्टम बनाते हैं सिस्टम बनाने का मतलब ये होता है हम बच्चों के हिसाब से काम करते हैं और इसका मुझे बिल्कुल कोई दुख नहीं है कि उसके लिए मुझे जो करना पड़े जो बच्चों के लिए है आखिरी मोमेंट पर हमें पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो करेंगे लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत हो ठीक है बोलने वाले बोलते हैं आपको अपनी तैयारी करनी है तीन चैप्टर मिनिमम एक दिन में रिवाइज़ करो अगर साथ के साथ आपको लगता है पार्ट टेस्ट फुल सिलेबस दे सकते हो तो दो तीन दिन में एक फुल सिलेबस दो पंद्रह अप्रैल के बाद पूरी तरीके से फुल सिलेबस देते रहना अच्छा जो दे रहे हैं ऑलरेडी उनका मान लो सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास करना चाहते हो कर लो बायो करना जो आपको टीक लगे पर इसमें कहीं भी अपने दिमाग में मत रखना कि यार सिलेक्ट होने के लिए किसी और को करना पड़ेगा जो भी ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है प्लीज़ अपना ध्यान रखो हम तीन चैप्टर एक दिन में कराएंगे अब कैसे भी करके तो बोल रहे हैं ये वाली बात जिसको कुछ नहीं पता यार मैं मैनेज ही नहीं कर पाता मुझे पता ही नहीं है तो सीरीज को फॉलो कर लो ब्लाइंडली हाँ जिसको पता है जिसकी वे में तैयारी चल रही है वो कंटिन्यू पेपर लगा रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है उसको अपने वीक पॉइंट पता है तो इस सीरीज से अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो टेस्ट जरूर दो ये मैं कहूंगा आपसे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करो वो और परफॉर्मेंस को बेटर करेगी हाँ मैंने बता ना हाँ शेड्यूल आपको पूरा आज मिल जाएगा ठीक है बिल्कुल तीस तारीख तक का फिर तीस तारीख के बाद नया शेड्यूल हम अपडेट कर देंगे ठीक है तो इसलिए दो बातें बोली हैं जिसको अपने ऊपर विश्वास है जिसको पता है मुझे क्या करना है जिसको पता है मैं टेस्ट दे रहा हूं मेरे वीक पॉइंट क्या है, वो इस सीरीज से अपने उन वीक पॉइंट को स्ट्रॉग करे पहली बात जिसको कुछ नहीं पता साहब लिख रहा था ना बच्चा कि कैसे मैनेज करें तो भाई सीरीज को फॉलो कर लेना इस सीरीज को फॉलो कर ले ऑटोमेटिकली सब चीजें मैनेज होती चली जाएंगी तो ये डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा भाई हमें नहीं लेना पड़ेगा है ना तो भाई कंटिन्यू समझ गया ना इतनी देर से डांट खाने का मन था तुम लोगों का हम कह रहे थे शांति से पढ़ लो तो समझ में नहीं आ रहा था अब ठीक है चलो अब पढ़ा जाए हाँ भाई बच्चों चलो यार तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हाँ तो मैं क्या कह रहा था आप टेंशन ना लो देखो यार क्या होता है ना जब कोई किसी को प्यार करता है तो उसको डांटता भी खूब है आप देखो आपके घर में आपको कौन डांटता है मम्मी पापा खूब डांटते हैं भाई भी आपसे लड़ता है मगर ऐसा थोड़ी है कि आपका भाई आपकी बहन आपको प्यार नहीं करती मम्मी पापा आप लोगों को प्यार नहीं करते करते हैं मगर डांटते या लड़ते इसलिए है क्योंकि उनको आपकी केयर है जिसकी वजह से वो पैनिक होते हैं तो वही चीज ये दोनों लोग दिखा रहे थे क्यों क्योंकि तरुण सर एम सर ये सब लोग भी आपको प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि छोटी मोटी नादानी की वजह से आपका सलेक्शन ना रुके क्यों क्योंकि जो चीज रुकने वाली है वो बहुत बड़ी है और जो नादानी है वो बहुत छोटी है आपने बहुत ढेरों मेहनत की है छोटी मोटी मेहनत थोड़ी की है कोई बच्चा एक साल से पढ़ रहा होगा कोई दो साल से पढ़ रहा होगा कोई तीन साल से पढ़ रहा होगा इतनी सारी पढ़ाई की है तो ये है कि इतनी सारी जब पढ़ाई की कन्वर्ट तो हो तो आप पूरी कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दो जितना ज्यादा पढ़ा सकते हो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो ठीक है टेंशन न लो आओ अच्छा मैं बता रहा था आपको क्वेश्चन के बारे में अब देखना इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन चलाए सॉल्व कर देंगे बोरान है टू स्टेबल आइसोटोप टेन बी नाइनटीन बी वन एट्टी वन ठीक है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इन द पीरियोडिक टेबल अब देखो यार ये एक दस है जो सबसे छोटा है ग्यारह सबसे बड़ा है तो इसका मतलब एवरेज इन्हीं के बीच में होगा तो दस से सॉरी हाँ एवरेज इन्हीं से बीच में होगा तो अरे यार ये साइन उल्टे लग गए तो ग्यारह से ये छोटा होगा हम्म ग्यारह से छोटा होगा और दस से बड़ा होगा तो 11 से छोटा होगा तो ये गलत हो गया है ना ये तो 11 से बड़ा लिखा है अच्छा 10 से बड़ा होगा तो ये गलत हो गया अब या या तो ये आंसर हो सकता है, या ये आंसर आंसर हो हो सकता सकता है है इतनी बात क्लियर हुई अब देखो मैं इसको और सॉल्व कर देता हूं बिना पेन चलाए एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसी जगह पे इसी जगह पे दूसरा कॉन्सेप्ट गौर सुनना एवरेज हमेशा उसके पास में होता है जिसका परसेंटेज ज्यादा हो एवरेज हमेशा उसके नियर होता है जिसका परसेंटेज ज्यादा हो एवरेज जो होता है ठीक है नियर होता है किसके जिसका, जिसका परसेंटेज ज्यादा हो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज हमेशा उसके पास में आएगा अब देखो जरा किसका परसेंटेज ज्यादा है गौर से देखो परसेंटेज इसका ज्यादा है सॉरी ये कहां गया? गौर से देखो परसेंटेज इसका इसका ज्यादा है तो इसका मतलब एवरेज 11 के आसपास आएगा 10 के आसपास नहीं आएगा ये आंसर आएगा एवरेज 11 के आसपास आएगा 10 के आसपास नहीं आएगा और ये दोनों मैथ है मैथ में मैंने थोड़ी केमिस्ट्री लगा दी जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है बहुत ही आसान हो गया है तो गौर समझो ये दो पॉइंट याद रखना तो ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें पेन ही नहीं चलाने पड़ेंगे यार तुम टिक करके भाग खड़े हो एवरेज हमेशा सबसे लार्जर वैल्यू से छोटा और सबसे लोएस्ट वैल्यू से बड़ा आएगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज उसी के पास में आएगा अब ये तो मैंने बिना पेन चलाए कर दिया अब मान लो किसी बच्चे को पेन चलाना है तो भाई तुम फार्मूला लगा लो जो आपको बताया गया है जी अब देखो कितना लिखा है दस दस इंटू नाइनटीन प्लस एट्टी वन इंटू प्लस नाइनटीन प्लस एट्टी वन अब इसको सॉल्व करोगे यही आएगा आप कर लीजिएगा क्लियर क्लियर अब अगला क्वेश्चन देखो हाँ अरे यार देखो एक बच्चा कह रहा खाना खाके ब्रेक दे दो पागल हो क्या हम भी खड़े हैं यार तुम्हारे साथ आओ इसका आंसर बताओ अब देखो ये भी आपके इस... उसमें आया एग्जाम में आया एलिमेंट एक्स फॉलोइंग थ्री आइसोटोप तीन आइसोटोप है एक येजमिक एलिमेंट इज अब वो कह रहा है कि यार एवरेज एटॉमिक मास बताओ तो गुरु क्या करना चाहिए जरा गौर समझना ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है इसका मतलब एवरेज दो दो सौ दो से छोटा होगा एवरेज दो सौ दो से छोटा होगा और एक सौ निन्यानबे से बड़ा होगा तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा ठीक है अब एवरेज किसके नियर होता है जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा हो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका लिखा है नब्बे परसेंटेज ये लिखा है तो इसके नियर होगा मतलब दो सौ ही होगा या दो सौ के आसपास होगा इसके नियर होगा तो ये आंसर होगा डी आंसर आएगा आप चाहो तो करके देख लो देखो कर देते हैं ठीक है ए कितना दिया है 200 सौ इंटू नब्बे प्लस एक सौ निन्यानबे इंटू आठ प्लस दो सौ दो इंटू दो डिवाइडेड बाई नबे प्लस आठ प्लस दो अब मैं हथियार निकालता हूं क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी तो चलो यार करो देखो 200 सौ इंटू नब्बे अब गलत काम हम करें तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत काम तुम भी करोगे क्योंकि मेरे पास टाइम कम है ठीक है तो ये इससे सिर्फ मैं ही कैलकुलेशन करूंगा डिवाइडेड बाई सौ तो वही कहीं गड़बड़ कर दी देखो 200 सौ इंटू नब्बे प्लस एक सौ इंटू आठ प्लस दो सौ दो इंटू दो डिवाइडेड बाय सौ तो ये आ रहा है एक सौ निन्यानवे दशमलव नौ नौ तो अप्रोक्सीमेट तो ये दो सौ आ रहा है देखा

अब उसी तरह से मालिकुलर मास के बारे में बताते हैं तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर दस की ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था सी नंबर इसमें अच्छा नंबर नहीं डाला ऊपर वाला आठ था तो ये नौ हुआ अब कॉन्सेप्ट नंबर दस लिखो सी नंबर दस हाँ, तो अब देखो सी एच डी नंबर दस गौर से देखना चलो फिर आपको क्वेश्चन करने होंगे देखो पहली बात आप एक एक करके बताओगे मालिकुलर मास क्या होता है पहली हेडिंग है मालिकुलर मास क्या होता है बताओ देखो मालिकुलर मास क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक मास होता है मालिकुलर मास क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मालिक्यूल क्लियर है कि नहीं बच्चों ने कहा क्लियर है अब गौर से मैं जो लिख रहा हूं उसको समझते जाना और मुझे बताते जाना आंसर पहला मालिकुलर वेट क्या होता है तो जिस तरह से गौर से तो देखिए जिस तरह से एटॉमिक वेट था डिट्टो उसी तरह से मालिकुलर वेट है मालिकुलर वेट क्या होता है मोलर मालिकुलर वेट या फिर ग्राम मालिकुलर वेट या फिर ग्राम मालिक्यूल ये सब क्या है और इनकी वैल्यू क्या आएगी हाँ अब गौर से मेरी बातों को समझिए जैसे वहां पे था वैसे यहां पे है यदि आपसे पूछा जा रहा है मालिकुलर वेट क्या है तो मास ऑफ सिंगल मालिक्यूल मालिकुलर वेट होता है मास ऑफ सिंगल मालिक्यूल और वो निकलेगा कैसे मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन इन ग्राम और लिखा कैसे जाएगा मालिकुलर वेट इन टर्म ऑफ एएमयू डिट्टो सेम है यदि मालिकुलर वेट को एएमयू के टर्म में लिख दोगे अच्छा ठीक है यदि मालिकुलर वेट को एएमयू के टर्म में लिख दोगे तो वो मुन्ना क्या हो जाएगा वो मुन्ना क्या हो जाएगा मालिकुलर वेट इन वो क्या हो जाएगा मालिकुलर वेट हो जाएगा अच्छा मोलर मालिकुलर वेट ग्राम मालिकुलर वेट या ग्राम मालिक्यूल क्या होता है वो होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ मालिक्यूल मास ऑफ वन मोल ऑफ मालिक्यूल और ये किसके बराबर होगा मालिकुलर वेट इन ग्राम के बराबर होगा मालिकुलर वेट इन ग्राम के बराबर होगा एक मोल का मालिकुलर वेट एक मोल का मालिकुलर वेट कितना होता है मालिकुलर वेट इन ग्राम के बराबर होता है ठीक है बिल्कुल उसी तरह चल चला है अच्छा रिलेटिव रिलेटिव मालिकुलर मास तो रिलेटिव मालिकुलर मास क्या होगा तो रिलेटिव मालिकुलर मास जो होगा वो बिल्कुल वही होगा मालिकुलर मास बस क्यों क्योंकि रिलेटिव मालिकुलर मास यूनिटलेस क्वांटिटी है तो मालिकुलर मास बस इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होगी इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होगी फिर बात आई एवरेज एवरेज मालिकुलर मास की तो डिट्टो उसी तरह से फार्मूला बनेगा डिट्टो उसी तरह से फार्मूला बनेगा एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई यहां डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम यहां लिख देते हैं। डिवाइडेड बाई एक्स वन एक्स टू यहां पर ध्यान रखिएगा एक्स वन एक्स टू क्या है एक्स वन एंड एक्स टू मोल ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल इन गैशियस मिक्सचर अब एक बार में ये सारी बातों को एक बार में सारी बातों को रिवाइज करा देता हूं गौर सुनो वेट वेट मास ऑफ सिंगल वैल्यू क्या होगी डिवाइडेड किसी भी सिंगल मालिक्यूल सिंगल एटम का वेट निकालना है तो मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन ए क्लियर हो गया अच्छा मोलर मालिकुलर वेट ग्राम मालिकुलर वेट ग्राम मालिक्यूल ये तीनों एक ही चीज है इनका मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ मालिक्यूल और जिसकी वैल्यू क्या होगी मालिकुलर वेट इन ग्राम फिर क्या है एवरेज मालिकुलर वेट तो एवरेज मालिकुलर वेट का फार्मूला डिटो सेम है एम वन एक्स वन प्लस एक्स टू सिर्फ मोल होंगे मोल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूल होंगे क्या होंगे सारे लोग बताओ मोल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूल क्या मेरी बातें सारे बच्चे समझ गए हैं यदि मेरी बातें सारे बच्चे समझ गए हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन को लाल कर दो बताओ जल्दी से बताओ फिर मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं यदि मेरी बातें सारे बच्चे समझ गए हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन को लाल करें अब इस क्वेश्चन को करें यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही <laughs> कौन था यार कमेंट ऊपर चला गया मैं पढ़ नहीं पाया बहुत बहुत खतरनाक कमेंट किसी ने किया था कह रहा है सर जाने तो प्रेशर आ रहा है <laughs> सही। चलो जल्दी बताओ आंसर दो हाँ पंद्रह अप्रैल तक करवा दोगे बिल्कुल करवा देंगे यार सब करवा देंगे देखो जब एक बार आ गए ठीक है अभी पत, तीस पैंतीस दिन से थोड़ा तबीयत तबियत भी नासाज थी और थोड़े छुट छुटपुट घटनाएं भी चल रही थी है ना और अब तो आ गए और आ गए तो सब करा देंगे आप टेंशन ना लो सारा सिलेबस करा देंगे सब पढ़ा देंगे और सब कुछ पढ़ा देंगे बिल्कुल मस्त तरीके से भाई इसका आंसर बताओ टू मोल ऑफ सीओ टू गैस थ्री मोल ऑफ एसओ टू गैस आर प्रेजेंट इन ए कंटेनर कैलकुलेट मालिकुलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर तो यार देखो ये गैस मिक्सचर है इसका मालिकुलर वेट पूछ रहा है तो मालिकुलर वेट कैसे निकालोगे मालिकुलर वेट का एवरेज निकालना है तो बिल्कुल उसी तरह से निकालो एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस एक्स टू तो यार देखो मोल कितने हैं दो मालिकुलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है चवालीस मोल कितने हैं तीन मालिकुलर वेट कितना होता है अस्सी और दो प्लस तीन अब इसको कर लो तो ये तो एट्टी एट हो गया और ये कितना हो गया? 240 हो गया गया टू फोर्टी डिवाइडेड बाय फाइव इनको जोड़ लो तो इसको हंड्रेड मान लो हंड्रेड मान लो तो थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी में ट्वेल्व कम कर दो तो थ्री फोर्टी में ट्वेल्व कम कर दोगे तो थ्री ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फाइव तो ये आ गया सिक्स टाइम्स और यह कितना हो गया फाइव टाइम्स तीन हो गया तीन सिक्स टाइम्स 65.6, yes, चलो, अब देखो यार मालिकुलर वेट एवरेज मालिकुलर वेट ये सारी बातें भी पढ़ा दी हम लोगों ने अब इसका एक क्वेश्चन और करो और गौर समझना मैंने ये पढ़ाया है इस क्वेश्चन को करो अच्छा क्वेश्चन है एच एक्स ओ टू

उसने कहा है इतने मोल का मास कितने मोल का इतने मोल का इतने मोल का मास जो है वो इतना है तो एक मोल का मास कितना होगा एक मोल का मास कितना होगा अब डिवाइड करो तो मेरा हथियार किधर है हथियार हाँ की तरफ वन पॉइंट सिक्स फाइव सेवन डिवाइडेड बाई जीरो आ रहा है तो एक मोल का मास ये आया और एक मोल के मास को क्या बोलते हो एक मोल के मास को क्या बोलते हो मालिकुलर मास जरा माइनस करके बताओ यार ये आ गया कितना आ गया ये यस वेरी गुड वेरी गुड लाइक बेटा मेरी तरफ से लाइक नहीं है आपकी तरफ से लाइक होगा मेरी तरफ से कोई लाइक नहीं है एकदम मस्त चल रहा है तो आंसर आ गया सब लोग समझ पाए कैसे किया भाई पहले क्या हुआ मैंने आपको पढ़ाया है एक मोल के मास को मालिकुलर मास कहते हैं तो एक मोल के मास को मालिकुलर मास कहते हैं इतने मोल का मास इतना दिया है तो एक मोल का मास कितना होगा ये तो जो एक मोल का मास आया वो मालिकुलर मास आ गया तो मालिकुलर मास की वैल्यू आ गई मालिकुलर मास क्या होता है एटॉमिक मास का सम होता है वो लगा दिया तो एटॉमिक मास आ गया यस yes. चलो अब यार हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं इसकी इंपीरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला क्या होता है बताओ तो जरा देखो बच्चों इंपेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला क्या होता है इससे पहले बच्चे कह रहे हैं सर ब्रेक दे दीजिए ब्रेक दे दीजिए ब्रेक दे दीजिए आप लोग ब्रेक चाहते हो क्या कितने बच्चे ब्रेक चाहते हैं कितने बच्चे ब्रेक चाहते हैं बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेक चाहते हैं अभी मेरा जो टॉपिक बचा है आई थिंक मेरे हिसाब से डेढ़ डेढ़ घंटे का बचा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो कह रहे हैं ब्रेक मत दो एक दो कह रहे हैं ब्रेक दे दो बस बाकी बच्चे कह रहे हैं ब्रेक मत दो है ना तो चलो पढ़ लेते हैं यार जल्दी खत्म हो जाएगा परेशान ना हो है ना अब देखो यार इंपेरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला क्या होता है इसको पढ़ाते हैं तो इससे पहले एक हेडिंग पढ़नी पड़ेगी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये क्या है जरा इसको अच्छे से सारे बच्चे समझेंगे कि परसेंटेज आप एलिमेंट इन ए कंपाउंड क्या होता है और किस तरह से काम करता है किस तरह से काम करता है तो गौर से समझना बच्चों सब लोग ठीक है गौर से मेरी बातों को आप सब लोग के सब समझोगे देखो होता क्या है किसी भी एटम का बाई मास कितना परसेंटेज है उसके मालिक्यूल में फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो हमारा वाटर है अब वाटर किससे मिलके बना है? दो ऑक्सी हाइड्रोजन आइटम और एक ऑक्सीजन आइटम से मिलके बना है। इनसे ही मिलके बना है ना तो किसी ने पूछा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है बाई मास तो यदि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो जिसका परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन अच्छा निकाल, निकाल किसमें रहे हो हाइड्रोजन का परसेंटेज किसमें निकाल रहे हो बताओ तो यार हाइड्रोजन का परसेंटेज तुम उस मालिक्यूल में निकाल रहे हो उस कंपाउंड में निकाल रहे हो उस मालिक्यूल और उस कंपाउंड में निकालने का मतलब उसके मालिकुलर वेट में निकाल रहे हो तो मास ऑफ या मालिकुलर वेट ऑफ मालिक्यूल मालिकुलर वेट ऑफ मालिक्यूल इंटू हंड्रेड क्योंकि बात किसकी की जा रही है परसेंटेज की की जा रही है यदि परसेंटेज की बात कर रहे हो तो हंड्रेड भी आएगा ऐसे क्लियर अब देखो जरा यदि हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन का टोटल मास दो मालिकुलर मास कितना है अठारह इंटू सौ तो ये आ गया सौ डिवाइडेड बाई नौ इतना परसेंटेज अब किसी ने कहा परसेंटेज आप ऑक्सीजन बताओ तो इसके दो रास्ते हैं। पहला टोटल परसेंटेज तो हंड्रेड होता है टोटल परसेंटेज कितना होता है हंड्रेड सही है कि नहीं अब टोटल परसेंटेज जब हंड्रेड होता है तो हंड्रेड में हाइड्रोजन का परसेंटेज माइनस कर दो भाई दो ही आइटम है ना तो यदि बीस परसेंट है तो ये अस्सी परसेंट होगा यदि पचास परसेंट है तो ये पचास परसेंट होगा यदि सत्तर परसेंट है तो ये तीस परसेंट होगा तो एक का परसेंटेज निकल आया है दूसरे हंड्रेड से माइनस कर दो दू, तो दूसरे का परसेंटेज भी निकल आया एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता क्या है इसी तरह से फार्मूला लगा के करना देखो कैसे यदि मैं फार्मूला लगा करता तो भी यही आंसर आता इसी तरह से ऑक्सीजन का मास निकालो एक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन दो नहीं है ये देखो है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। तो बच्चों ने कहा यस अब गौर से मेरी बात को सुनना आप सोच रहे होगे कि सर बपा क्यों रहे अब गौर से मैं जो बोलने जा रहा हूं जरा सुनो देखो जो परसेंटेज होता है वो फिक्स वैल्यू है यदि मालिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है मालिक्यूल का फार्मूला नहीं चेंज हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑलवेज फिक्स रहेगा वो अमाउंट ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करता है मतलब मतलब ये है कि यदि 10 ग्राम वाटर होगा तो भी हाइड्रोजन का परसेंटेज उतना ही है एक लाख ग्राम वाटर होगा तो भी हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना ही आएगा और दो एक ड्रॉप वाटर होगा तो भी हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना ही आएगा मास अलग अलग, अलग आएगा परसेंटेज चेंज नहीं होता है वो तभी चेंज होगा जब वाटर का फार्मूला चेंज कर दो और जब वाटर का फार्मूला चेंज कर दोगे तो उसे वाटर थोड़ी बोला जाएगा तो ध्यान रखना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड ऑलवेज फिक्स्ड होता है वो अमाउंट ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करता है बात समझ गए ये बात समझ पाए कि नहीं अब देखो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं अभी मैं इसको निकाल रहा था अब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और फिर क्वेश्चन आएंगे आपके पास भरमार ये बात समझ पाए कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे कि नहीं देखो क्या पहला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट does not depend upon amount of compound only depend upon arrangement of atom इन कंपाउंड कंपाउंड के अंदर उनके एटम का अरेंजमेंट क्या है यदि कंपाउंड के अंदर का अरेंजमेंट चेंज करोगे तो चेंज होगा मगर हम कंपाउंड के अंदर का अरेंजमेंट चेंज नहीं करते इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये फिक्स रहेगा अब दूसरा बात निकालोगे कैसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होता है जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका मास ऊपर रखो टोटल मास ऑफ एलिमेंट और जिसमें निकालना हो उसको नीचे रखो जिसमें भी निकालना हो इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड अब एक और पॉइंट गौर सुनना यदि कहीं पर मिनिमम मालिकुलर वेट की बात की जाए मिनिमम मालिकुलर वेट तो मिनिमम मालिकुलर वेट का मतलब होता है कि वो एटम उस मालिक्यूल में एक है वो एटम उस मालिक्यूल में एक है मतलब एटम वन एटम प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल अभी मैं बताऊंगा वन एटम प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल यदि कहा जाए मिनिमम मालिकुलर वेट निकालो इसका मतलब जो जिस मालिक्यूल में वो जो एटम है वो सिर्फ एक है क्योंकि मिनिमम कितना किसी के अंदर हो सकता है एक हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है क्या बताओ यदि मिनिमम की बात की जा रही तो जब भी कहा जाए तो ध्यान रखना वो एटम उस मालिक्यूल में कितना होगा सिर्फ एक होगा सिर्फ एक होगा अब जरा एक और कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको ये सारी बातें गौर सुनो परसेंटेज देकर क्वेश्चन में परसेंटेज देकर क्वेश्चन में कुछ भी पूछे परसेंटेज देकर क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है तो हमेशा तुम परसेंटेज वाला फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करना परसेंटेज देकर क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाला फार्मूला यूज करना कैसे यूज करना अभी मैं सिखाऊंगा इसके सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए गौर सुनो फिर से मैं रिवाइज कराता हूं फिर चलता हूं किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है जैसे मैं पूछूं कि यदि गौर सुनना मैंने कहा कि यार ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज एक्स परसेंटेज है तो बताओ 20 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का क्या परसेंटेज होगा 10 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज एक्स है 10 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज एक्स है तो 20 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का कितना परसेंटेज होगा सब लोग आंसर दो सब लोग आंसर दो वर्बल क्वेश्चन है दस ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज एक्स है तो बीस ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का क्या परसेंटेज होगा आंसर दो परसेंटेज एक्स रहेगा मास डबल हो जाएगा परसेंटेज नहीं चेंज होता है यस वेरी गुड बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही अगला पॉइंट मैंने बताया है कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसकी वैल्यू को ऊपर रखना है जिसमें परसेंटेज निकालना है इन टू हंड्रेड दूसरी बात मैंने तीसरी बात यह बताई कि यदि कहीं पर वो कहे कि मिनिमम मालिकुलर वेट निकालो तो मिनिमम मालिकुलर वेट से क्या मतलब है भाई मालिकुलर वेट तो किसी का कॉन्स्टेंट होता है तो मिनिमम का मतलब क्या है मिनिमम का मतलब हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि इस मालिक्यूल में वो गिवेन आइटम जो है वो एक है एक से ज्यादा आप कंसिडर ना करो क्योंकि मिनिमम मालिकुलर वेट तभी आएगा जब वो आइटम एक माना जाए ठीक है अच्छा फिर मैंने आपको यह बात बता दी अब यह अप्लाई कैसे होगा जरा देखो एक एक करके मैं क्वेश्चन बताता हूं और कराता हूं जैसे आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए और ये आपके स्कूल मतलब एग्जाम के क्वेश्चन है अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और सब लोग आंसर निकालो और जो पढ़ाया है वैसे लगाना जो कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ाया जाए वैसे लगाओ क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे तुम लगाओ जल्दी से परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन परऑक्साइड परस इंजाइम इज इतना मिनिमम मालिकुलर वेट ऑफ अब जरा मेरी बात सुनो परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए तो क्या करोगे बताओ जल्दी से परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए तो क्या करोगे वो फार्मूला पुट करोगे कैसे पुट करना है मैंने आपको सिखाया है कुछ भी पूछ रहा हो अब देखो कैसे लगाओगे आपसे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सिलेनियम दिया है तो मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एलिमेंट कौन है सिलेनियम इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिलेनियम ठीक है और मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड या इंजाइम इनटू हंड्रेड यही तो लगाओगे अब देखो इसका परसेंटेज कितना दिया है 0.5 अब टोटल मास कैसे निकाला जाए सिलेनियम का एटॉमिक मास ये दिया है मगर हमको कैसे पता चलेगा कि सिलेनियम कितने हैं मालिक्यूल में कितने सिलेनियम है हमको कैसे पता चलेगा बताओ नंबर ऑफ सिलेनियम मालिक्यूल कितने लिए जाएं बताओ सारे बच्चे नंबर ऑफ सिलेनियम मालिक्यूल कितने लिए जाए सारे बच्चे बताओ और कोई बच्चा गलत मत बता देना नहीं तो बहुत मारूंगा देखो नंबर आप सिलेनियम कितने लोगे जरा समझो क्या लिखा है मिनिमम लिखा है तो इसका मतलब एक लोग यस 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 यही बात मैं समझा रहा था एक लोगे मालिकुलर वेट निकालना है इन टू हंड्रेड अब इसको सॉल्व कर लो इसका मतलब हुआ ये तो ये आठ हो गया ये सोलह हो गया चौदह एक पंद्रह हो गया और दो जीरो हो गए तो ये आ गया कहीं ऐसा आंसर है अरे भाई ये वाला आंसर बात समझ पाए यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब इसको आप निकालो जल्दी निकालो इसको होमवर्क में डाल दू उसी तरह का क्वेश्चन है देखो हिमोग्लोबिन कंटेंस जीरो पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज अभी बवाल हो जाएगा यार है वो बात अलग है कि पढ़ाया तो मैंने सब जगह है ठीक है ना मगर उसको काला ना किया तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा चलो आंसर बताओ इसको एच डब्ल्यू में डाल कर लोगे सब लोग क्या इसको एच डब्ल्यू में डाल दूं सारे बच्चे कर लेंगे देखो मैं लगा देता हूं परसेंटेज दिया है मैंने कहा था परसेंटेज देके कुछ भी पूछे तुम बस फार्मूला पुट करो हीमोग्लोबिन कंटेन्स पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑफ आयरन आयरन का परसेंटेज दिया है अब आयरन कितना है टोटल मास ऑफ आयरन अब आयरन का मास हमको नहीं पता है वो पूछ रहा है कितने एटम आयरन के होंगे तो मैंने मान लिया एक्स एटम होंगे तो आयरन कितना होता है छप्पन तो टोटल मास कितना हुआ? एक्स इंटू छपन एक एटम का मास छप्पन है और तुमने माना एक्स एटम है तो फिफ्टी सिक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मालिकुलर वेट मालिकुलर वेट ये दिया है इंटू हंड्रेड कट्टम काट लो एक्स की वैल्यू निकालोगे चार आ जाएगा ये देखो एक्स की वैल्यू निकालोगे चार आ जाएगा क्लियर है हाँ बोलो ना तुम लोग यार मार बहुत खाने की इच्छा जाहिर करते हो है ना बताते नहीं हो कि हाँ सर क्लियर है आगे बढ़ो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूं ये भी तुम्हारे पेपर में है इसको एच डब्ल्यू डाल दे रहा हूं ये अपना घर में करो द परसेंटेज वेट ऑफ जडन इन वाइट बिट्रोल इज दिस जडन का परसेंटेज पूछ रहा है कर लेना परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए इस तरह से करना है सब लोग समझ तो पा रहे हो ना यदि समझ पा रहे हो तो चैट बॉक्स को जल्दी से लाल कर दो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं तो चैट बॉक्स को लाल कर दें यस मोहम्मद कह रहा सर आई एम वेरी हैप्पी बेटा आई एम आल्सो हैप्पी क्योंकि आप लोगों को देखकर बहुत लगता है अच्छा लगता है ए ये इलू टीलू करने कौन सा लड़का आ गया है बहु मारे जाओगे तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो हाँ यस आ जाओ वेरी गुड वेरी गुड चलो अब आगे बढ़ते हैं अब जरा देखो यार इम्पीरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं है ना और 10 मिनट में ये हेडिंग हमारी खत्म हो जाएगी तो कोई बच्चा बता सकता है कि इंपेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला होता क्या है बताओ इंपीरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला क्या होता है मैं दोनों को लिखूंगा एक एक करके देखो गौर सुनना इंपीरिकल फार्मूला क्या है बहुत सिंपल सी चीज है कोई मालिक्यूल है एटम से मिलकर बनता है कहो हाँ हाँ तो कोई मालिक्यूल एटम से मिलकर बनता है ना तो एटम के मोल का रेशियो निकाल दो एटम के मोल का रेशियो जो होता है वही एम्पीरिकल फार्मूला होता है बस ध्यान रखना कि एटम के मोल का रेशियो होल नंबर में होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए और वो होल नंबर का जो रेशियो वो सबसे छोटा भी होना चाहिए मिनिमम रेशियो होना चाहिए तो डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं जरा देखो लिखते हैं मिनिमम सिंपलेस्ट मोलर मोलर मतलब मोल का रेशियो मोलर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन मालिक्यूल क्या करना है एटम के मोल का रेशियो निकालना है वो रेशियो बस होल नंबर में हो और सबसे छोटा हो उसी को इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने कहा मेरे से गौर सुनना कि चार मोल हाइड्रोजन है और दो मोल ऑक्सीजन है इनको आपस में जोड़ा गया है तो बताओ इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल के रेशियो ले लो तो रेशियो क्या आएगा देखो ये मोल का रेशियो है हाँ है ये सबसे छोटा रेशियो है इससे छोटा रेशियो पॉसिबल है नहीं और होल नंबर में भी है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन का एक तो ये बनेगा इंपीरिकल फार्मूला क्या आएगा ये तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है एटम के मोल का रेशियो वो रेशियो होल नंबर में होना चाहिए बार बार बोल रहा हूं वो रेशियो होल नंबर में होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए क्लियर क्लियर अब बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या क्वेश्चन करके दिखाओगे मैंने कहा यार कोशिश है तुरंत कर देते हैं बच्चों की जीत हुई और मैंने क्वेश्चन दिया डिटरमाइन द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है आयरन एंड थर्टी पॉइंट वन परसेंट ऑक्सीजन बाई मास अब देखो क्या क्या दिया है आपको आयरन दिया है आपको ऑक्सीजन दिया है आयरन का परसेंटेज कितना है ऑक्सीजन का कितना है अब इंपीरिकल फार्मूला क्या है एटम के मोल का रेशियो ये तो मास परसेंटेज दिया है तो मास दिया है तो मास परसेंटेज को मोल बना लो किससे एटॉमिक वेट से डिवाइड करके आयरन कितना है 56 अब हथियार किधर है मेरा किधर है भाई हथियार निकालता हूं आप लोग अपने हाथ से डिवाइड करो तो 69.9 डिवाइडेड बाय तो ये आया 1.25 इसको करो ये आया 1.88 देखो ये मोल का रेशियो तो है छोटा है क्या ये होल नंबर में है नहीं तो यार इसको होल नंबर बनाओ होल नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे छोटी वैल्यू से दोनों में डिवाइड कर दो होल नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो सबसे छोटा हो उसको दोनों में डिवाइड कर दो तो अपने आप एक होल नंबर में देखो बन गया अपने आप देखो एक होल नंबर में बन गया है अभी भी होल नंबर नहीं बना है ये होल नंबर है ये नहीं है तो एक मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर ये रेशियो है सिंपल है? रेशियो है होल है? नंबर में और सबसे छोटा है इससे छोटा रेशियो ये है मगर ये होल नंबर में नहीं है तो एफ ई आ गए दो ऑक्सीजन आ गया तीन एफ ई आ गए दो ऑक्सीजन आ गया तीन एफ आ गए दो ऑक्सीजन आ गया तीन यस yes. क्या सभी बच्चों को समझ में आया यदि समझ में आया तो जरा रंगीन कर दो यदि समझ में आया तो सभी बच्चे चैट बॉक्स को रंगीन कर यस 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 वेरी गुड बहुत सही बहुत सही यार बहुत सही समझ पाए हो अच्छा तुम समझ गए होगे तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि इस बार क्वेश्चन तुम करोगे है ना यदि तुम समझ गए होगे तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि इस बार क्वेश्चन तुम करोगे इस क्वेश्चन में शायद कोई डाटा का मिसिंग है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उल्टे लिखे हाँ जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे लिख गया है इसको नाइट्रोजन करो मतलब पहला वाला डाटा नाइट्रोजन का है और दूसरा वाला डाटा ऑक्सीजन का है और ये क्वेश्चन मेरा काफी फेवरेट क्वेश्चन है हाँ खातून बेटा तुम्हें क्या आ रहा है दिक्कत आ रही है क्या रो रहे हो खातून बेटा आप कमेंट में बताओ कोई दिक्कत हो पांडे जी ओम कुमार पांडे बेचारा ओम पांडे सुबह से है मैं सुबह जब पढ़ाना चालू किया था तो ये सारे बच्चे थे मोहम्मद रफीद भी सुबह से था थक गए होंगे है थक रहे हो यार तुम थकोगे तो हमारा क्या होगा यार खातून बेटा कोई डाउट है किसी बच्चे कोई डाउट पटना में कहां आ रहे हो सर अरे यार तुम पढ़ाई करो फिर बताएंगे सब कहां आ रहे है ब्रेक दे दो सर अच्छा पहले इस क्वेश्चन को निकालो नहीं तो मार खाओगे अच्छा ठीक है पढ़ाई करो पहले पहले इस क्वेश्चन को निकालो इस क्वेश्चन को निकालो हाँ इस क्वेश्चन को निकालो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड एन एक्स ओ वाई आर इतना एंड इतना वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई देखो इंपीरिकल फार्मूला दिया है तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है इंपीरिकल फार्मूला जो होता है मोल का एटम के मोल का रेशियो होता है क्या होता है एटम के मोल का रेशियो हाँ खातून बेटा बताओ क्या दिक्कत है एटम के मोल का रेशियो अब एटम के मोल बनाओ अब देखो 26 डिवाइडेड बाई 14 वन पॉइंट एट फाइव चौहत्तर डिवाइडेड बत्तीस. बत्तीस नहीं सोलह ये गलत लिखा है यार एक ऑक्सीजन है दो थोड़ी ना है चौहत्तर डिवाइडेड बाई सोला हाँ तो कितना आया फोर पॉइंट सिक्स टू फाइव अब दोनों ही होल नंबर नहीं है छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो तो ये हो गया टू पॉइंट फाइव अब इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई तो ये दो आ गया और ये आ गया पांच तो नाइट्रोजन दो आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है पांच तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया सम कितना हो गया सात ऐसा कहीं आंसर है सम कितना हो गया सात यस ओके सम कितना हो गया सेवन क्लियर है सबको क्या सबको ये बात क्लियर है चलो <coughs> बस एवरेज देखो इंपीरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला खत्म कर देते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं है ना इंपीरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला खत्म कर देते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं एक्चुअल में बहुत दिन बाद मैं आया ना तो आज वो स्पीड नहीं बन पाई जिसकी वजह से एक घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है जो मैं चार से पाँच घंटे में खत्म कर रहा था वो पाँच से छः घंटे में जा रहा है कोई बात नहीं अब देखो यार बस ये इंपीरिकल मालिकुलर फार्मूला खत्म करके ब्रेक देते हैं है ना अब देखो मालिकुलर फार्मूला क्या होता है मालिकुलर फार्मूला क्या होता है बताओ मालिकुलर फार्मूला क्या होता है कि मालिकुलर फार्मूला किसको कहेंगे मालिकुलर फार्मूला क्या होता है देखो पूरी डिफिनीशन सेम है इसमें भी मोल का रेशियो होता है होल नंबर में होता है बस मिनिमम नहीं होता है एक्चुअल रेशियो होता है जिस रेशियो में वो नेचर में पाए जाते हैं जिस रेशियो में वो नेचर में पाए जाते हैं इसीलिए बोला जाता है एक्चुअल 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 सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ एटम इन वो एक्चुअल रेशियो होगा किसका एटम के मोल का मतलब वो मिनिमम नहीं होगा बस दोनों में इतो सो डिफरेंस है कितो सो इतो सो वो मिनिमम रेशियो होता है और ये एक्चुअल रेशियो होता है जिस रेशियो में नेचर में पाया जाता है मतलब देखो जरा मतलब क्या है देखो ध्यान दो जैसे हमारे पास है सपोज करो मैंने लिखा ग्लूकोज तो ग्लूकोज का इंपीरिकल मालिकुलर फार्मूला ये होता है ये एक्चुअल फार्मूला है इसका मतलब ये मालिकुलर फार्मूला मगर इंपीरिकल फार्मूला आप चेक करो तो ये होता है इसको मिनिमम करो तो जब मिनिमम करोगे तो छह से डिवाइड हो जाएगा ये देखो ऐसा अब इन दोनों में रिलेशन निकालो यदि आप रिलेशन देखो तो यदि मैं इसमें छह का मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर से ये चीज आ जाएगी यदि मैं इंपेरिकल फार्मूले में छे का मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर से ये मालिकुलर फार्मूला बन जाएगा चेक करो छे का मल्टीप्लाई कर दोगे तो छे ट्वेल्व सिक्स अब इसी तरह से आप यार इसको देखो सल्फ्यूरिक एसिड अब इसका इंपीरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला दोनों सेम है पहले से ही ये मिनिमम रेशियो में शिफ्ट है चेक करो। पहले से ही ये मिनिमम रेशियो में शिफ्ट है इसमें आपने क्या किया एक से डिवाइड किया है ये दो है ये एक है ये चार है इसका मतलब यदि मालिकुलर फार्मूला आपको लाना है तो इंपीरिकल फार्मूले में एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मालिकुलर फार्मूला पहले से ही मिनिमम रेशियो में सिक्स है मतलब एक्चुअल रेशियो और मिनिमम रेशियो दोनों सेम है इसी तरह देखो ये बेंजीन ले लो अब देखो इसका इंपीरिकल फार्मूला ये है। यहां पे एक बात साफ साफ समझ में आ रही है ये देखो कि यदि मालिकुलर फार्मूले में यदि मालिकुलर फार्मूले में एक होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इंपी सॉरी इंपीरिकल फार्मूले में सॉरी तो इंपीरिकल फार्मूले में यदि एक होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मालिकुलर फार्मूला बन जाता है इंपीरिकल फार्मूले में यदि एक होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मालिकुलर फार्मूला बन जाता है इसका मतलब ये हुआ कि मालिकुलर फार्मूला जो है एन इंटू इंपीरिकल फार्मूला एन क्या है एक होल नंबर है जिसकी वैल्यू वन टू थ्री फोर होगी एन की वैल्यू ना तो कभी जीरो होगी एन की वैल्यू ना तो कभी फ्रैक्शनल होगी है ना तो कभी फ्रैक्शनल होगी और ना निगेटिव होगी एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर होगी क्यों क्योंकि इंपीरिकल फार्मूले में एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करने से मालिकुलर फार्मूला बनता है वो होल नंबर एक दो तीन कुछ भी हो सकता है क्लियर है कि नहीं ये बात क्लियर है कि नहीं और यदि ये बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दो सारे बच्चे बताएंगे अच्छे से देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया एक कंपाउंड है एक्स जिसका इंपीरिकल फॉर्मूला आपको गिवेन है सेलेक्ट इसका मालिकुलर फार्मूला सेलेक्ट करना है पॉसिबल मालिकुलर फार्मूला बताओ सारे बच्चे आंसर दें सारे बच्चे आंसर दें मैं भी बहुत थक गया हूं है हाँ ना आंसर बताओ जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें इसका सभी बच्चे इसका आंसर दें हाँ सब लोग आंसर दो एक कंपाउंड एक्स है जिसका इंपीरिकल फार्मूला सी टू एस थ्री ओ है तो आपको मालिकुलर फार्मूला सेलेक्ट करना है मालिकुलर फार्मूला सेलेक्ट करना है बताइए तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि इंपीरिकल फार्मूले में किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करने से मालिकुलर फार्मूला बनता है अब वो पॉसिबल पूछ रहा पॉसिबल पूछ रहा है तो देखो इसमें इसमें एक का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा इसमें दो का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा चार छ दो और इसमें सौ का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा दो सौ तीन सौ और सौ तो यार ये तो सब पॉसिबल है ये तो सब पॉसिबल है ना इंपीरिकल फार्मूले में एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करने से मालिकुलर फार्मूला बनता है इसका मतलब ये सब पॉसिबल है बात समझ पा रहे हो ये सब पॉसिबल है ये सब पॉसिबल है अब वैल्यू ऑफ एन कैसे निकलेगी तो वैल्यू ऑफ एन निकलेगी मालिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मालिकुलर फार्मूला वेट ऑफ इम्पीरिकल यदि कहीं निकालने की जरूरत पड़ जाए तो इससे निकाल सकते अब बात है इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे तो ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हाँ बेटा ब्रेक देंगे अभी हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन इक्वल टू नाइंटी टू पॉइंट थ्री परसेंट हाइड्रोजन टू इक्वल टू सेवन पॉइंट सेवन परसेंट एप्रोक्स अब देखो कार्बन कितना दिया है हाइड्रोजन कितना दिया है एप्रोक्स अब वो पूछ रहा है इंपीरिकल फार्मूला बताओ ठीक है यदि उसका मालिकुलर वेट सेवेंटी एट है तो उसका मालिकुलर फार्मूला बताओ तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है मोल का रेशियो होता है बारह सत्तर चौरासी अब इसको होल नंबर बना लो तो यार इंपीरिकल फार्मूला आ गया हमारा सी वन एच वन इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया सी वन एच वन अब वो कह रहा है मालिकुलर फार्मूला बताओ तो मालिकुलर फार्मूला निकालने का एक ही तरीका है मालिकुलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू, इंटू, इंटू इंपीरिकल फार्मूला अब यदि एन की वैल्यू मिल जाए तो मालिकुलर फार्मूला आ जाए क्यों तो इंपीरिकल फार्मूला आपका आ चुका है कैसे निकालोगे मास ऑफ मालिकुलर फार्मूला मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला एक कार्बन कितना होता है बारह हाइड्रोजन कितना होता है एक तो बारह और एक तेरह छ यहां डाल दो तो जब छह डाल दोगे तो सी सिक्स एस सिक्स आ गया हाँ वेरी गुड सी सिक्स एस सिक्स बेंजीन बेंजीन बेनजीन 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 बहुत सही बहुत सही अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन हम और करेंगे यही मन कर रहा है ना ये क्वेश्चन करो और इसमें प्रेजेंस माइंड लगाओगे ना तो मतलब से होल्ड करोगे तो दो सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा करिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इंपेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूले का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बताइए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बताओ बच्चों अब देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो पढ़ो मैं पानी पी लेता हूं गला चला गया हाँ देखो A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives three point three eight gram carbon dioxide and zero point six nine gram of water, and no other product. A volume of parna, a volume of ten liter measured at STP of this welding gas is found to be eleven point six gram. इंपीरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर गैस एंड मालिकुलर फार्मूला बड़ा क्वेश्चन दिखा तो तुम डर गए कि यार कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा टफ क्वेश्चन होगा इसको कैसे किया जाए है ना अब गौर से मेरी बात को जरा समझना और सुनना मिनटों में हो जाएगा समझो और सुनो जरा गौर से देखो क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि एस टी पी पर एक मोल गैस एक मोल गैस बाईस दशमलव चार लीटर वैल्यूम ऑकुपाई करती है एस पर क्या ऐसा कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया है बोलो हाँ बोलो हां नहीं तो मार खाओ क्यों पढ़ाया है यार तो अब जरा गौर से देखो इसने आपको क्या किया ऊपर बहुत डाटा लिखा जैसे तुम डर जाओ मगर तुम्हें अपना ये यूज करना है ये अब जरा देखो और जो पढ़ाया है वो सीएचडी यूज कर लो उसने कहा दस लीटर गैस जो है इतना मास ऑक्यूपाई करती है और ये दस लीटर किस पे है एस पर तो यार दस लीटर गैस यदि कितना है एलेवन पॉइंट सिक्स ग्राम ऑक्यूपाई करता है तो बाईस दशमलव चार लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा तो ये कितना आएगा ये आप करोगे तो 28 आएगा बाईस दशमलव चार लीटर गैस एस पे कितना मास करती है मालिकुलर मास करती है याद है बाईस दशमलव चार लीटर गैस एस पर कितना मास ऑफुपाई करेगा मालिकुलर मास करेगा इसका मतलब मालिकुलर मास इसका 28 आ गया है अट्ठाईस या छब्बीस आएगा कैलकुलेट करना छब्बीस आ रहा होगा यार एक्चुअल में मैं क्वेश्चन कई बार कर चुका हूँ ना अच्छा क्वेश्चन है तो मैं हर जगह कराता हूँ अच्छा क्वेश्चन है तो हर जगह कराता हूँ तो मुझे मतलब आंसर तो याद नहीं रहते तब भी तो छब्बीस आएगा कर लेना है ना तो यार यहाँ पे तीस दिया है तो ये कट गया यहाँ पे मालिकुलर मास तीस दिया है ये कट गया है अब मालिकुलर मासबीस इसका है छब्बीस इसका है अब मालिकुलर मास किसका होता है मालिक्यूल का अब इसका मालिकुलर मास छब्बीस है तो देखो बारह दूनी चौबीस दो छब्बीस तो ये तो मैच कर रहा है मालिकुलर मास से अब ये देखो बारह दूनी चौबीस और चार अट्ठाइस तो मालिकुलर मास छब्बीस है और इसका अट्ठाइस निकल रहा है ये तो गलत हो गया ना भाई मालिकुलर मास मालिक्यूल का होता है मालिक्यूल का मास निकल रहा है ट्वेंटी एट और मालिकुलर वेट हम लोगों ने निकाला है छब्बीस इसका मतलब इसका मालिकुलर फार्मूला गलत लिखा है इसका मालिकुलर फार्मूला सही लिखा है और इस मालिकुलर फार्मूले का इंपेरिकल फार्मूला ये है और इस मालिकुलर फार्मूले का इंपेरिकल फार्मूला ये है। तो आंसर कौन हुआ सी सही बताओ सब लोगों का हो गया आंसर कौन हुआ सी क्लियर है सबको क्लियर है क्लियर है यस 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 अब डेढ़ घंटे के आसपास का लेक्चर रह गया है तो इसको हम ब्रेक के बाद करते हैं कंसंट्रेशन टर्म करेंगे ब्रेक के बाद करें कि दो सेकेंड पार्ट के फॉर्म में करें क्योंकि मेरी भी हालत खराब हो गई है गलाला दर्द करने लगा है काफी दिन बाल लिया है ना बताओ बच्चों आप लोग सब लोग बताओ ब्रेक के बाद करें या फिर सेकंड टर्म में करें मैं किसी दिन लाइव लगा लूंगा रात में लगा लूंगा या दिन में लगा लूंगा एक दो दिन के अंदर या फिर रिकॉर्डेड दे दूंगा आप लोग बताओ क्या करें सेकंड हाँ, पार्ट में करें अब देखो सेकंड पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, है, है। कंसंट्रेशन हा हाँ। तो नहीं होगी हो तो मैं बीच में क्या करके रिकॉर्डेड करके दे दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर मैं क्या करूंगा सॉरी बेटा या फिर मैं क्या करूंगा या फिर मैं इसको लाइव ले लूंगा सेकंड पार्ट को आप बताएं क्या किया जाए हाँ लाइव ले लो सेकंड पार्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ले ले दस पांच मिनट का ब्रेक दे दे आप लोग कहो दो है हाँ ना अरे यार ब्रेक के बाद लेके खत्म करते हैं समझे इसको ब्रेक के बाद लेके खत्म करते हैं ठीक है ठीके? मैं ब्रेक के बाद ले लेता हूं मैं टाइम डाल देता हूं दस मिनट का ब्रेक है मगर उधर बायोलॉजी क्लास थोड़ी लेट कर देंगे बजे अभी कितना बज रहा है इतना तो बारह बज के पचास मिनट है ना पचपन मिनट पे क्लास स्टार्ट होगी ठीक है बारह पचपन पे क्लास स्टार्ट होगी आप लोग खाना ना खा लो जिनको खाना खाना हो पानी यानी पीना हो जिनको पानी यानी पी लिए ठीक है क्योंकि अब रिदम में रहेंगे ना तो एक घंटे में सब खत्म हो जाएगा रिदम में एक घंटे में खत्म हो जाएगा नहीं तो फिर से शुरू करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा तो सब लोग खाना ना खा लीजिए पानी वानी पी लीजिए रिलैक्स कर लीजिए ठीक है और फिर दस मिनट बाद हम लोग इसको स्टार्ट इस करते हैं क्लियर दस मिनट बाद इसको स्टार्ट इस करते हैं हाँ तब तक मैं इस पीपीटी को सेव कर देता हूं नहीं तो कहीं ओढ़ जाए अरे भाई बच्चों चलो दस मिनट बाद स्टार्ट करेंगे हाँ भाई बच्चों जरा एक बार बताना ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं सभी बच्चे जल्दी से बताएं क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है सभी बच्चे बताएं क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है यदि ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स पे आग लगा दो यदि ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स पे आग लगा दो यदि ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स पे आग लगा दो और जल्दी से सभी बच्चे जल्दी जल्दी सभी बच्चे नाश्ता पानी करके खाना ना खा के क्लास में उपस्थित हो जाए सभी बच्चे जल्दी से आ जाए क्लास में पूरी तरह से नाश्ता पानी करके खाना ना खा के जैसे क्लास को स्टार्ट कर सके हम लोग कंसंट्रेशन टर्म से तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाए पूरी ताकत के साथ फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म करते हैं है ना यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही बहुत सही बेटा तो बस अब हम लोगों को एक से डेढ़ घंटे बिल्कुल तन्मयता के साथ बैठना है और पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे ठीक है और आप सभी लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं देखो यार लोग पता नहीं क्या क्या कहते हो मगर मैं जितना देख पाता हूं कि आप लोग कितना शिद्दत से और कितना सीरियस होकर पढ़ते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैच में बच्चा ऐसा बोलता है वैसा बोलता है यहाँ तो ओपन प्लेटफॉर्म है YouTube है मगर एक इतना मैं मतलब चार घंटे से पाँच घंटे से शायद पढ़ा रहा हूँ चार पाँच घंटे में से किसी भी बच्चे ने ना तो उल्टा सीधा किसी तरह का कमेंट किया है ना कुछ एकदम सिद्धत से बिल्कुल बैच की तरह मेंटेन करके मतलब जैसे बैच में आप लोग डेकोरम मेंटेन करके पढ़ाई करते हो ना उसी लेवल से पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से तो इसके लिए आप सभी बच्चे ना बधाई के पात्र हो कि यार आप लोगों के अंदर एक डेडिकेशन है ठीक है आप लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हो तो मेरी यही ख्वाहिश है कि यार हर बच्चा डॉक्टर बने किसी ना किसी तरीके से यदि दो चार छः दस नंबर से रुक रहा हो तो किसी तरीके से वो आगे निकल जाए हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि आप लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो वो मुकाम छुओ जिस मुकाम को छूने के लिए आप बने हो आप उन सभी लोगों को जवाब दे पाओ जो आपकी गली में है और कहते हैं कि यार नहीं दीक्षित जी का लड़का तो ये कर ही नहीं पाएगा आप उन सभी लोगों को जवाब दे पाओ जो आपके रिश्तेदार हैं नातेदार हैं और कहते हैं दीक्षित जी का लड़का तो ये कर ही नहीं पाएगा आप उन सभी लोगों को जवाब दोगे जो ये कहते हैं कि यार शर्मा जी का लड़का ये नहीं कर पाएगा मगर जवाब कभी बोल के नहीं देना चाहिए आपकी सक्सेस को जवाब देना चाहिए क्योंकि जब आपकी सक्सेस जवाब देती है ना तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी से कुछ बोलो नहीं सिर्फ मेहनत करो सिर्फ मेहनत करो फिर सिर्फ मेहनत करो मेहनत एक ऐसी हार्डवर्क मेहनत एक ऐसी पॉलिस है जो हीरे में चमक ला देती है आप वही हीरा हो लगातार मेहनत करते रहोगे तो आप में हीरे वाली चमक आ जाएगी हीरे वाली चमक आ जाएगी तो सभी बच्चों से बस मेरा यही कहना है कि पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करिए और आप वो हो जो सेलेक्ट हो विश्वास रखो अपने में अपने में विश्वास रखो क्यों क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी किया है इंसानों ने किया है एलोन मक्स एक इंसान है अब्दुल कलाम एक इंसान थे गांधी जी एक इंसान थे तो जिसकी पहली रैंक लास्ट ईयर आई है वो भी एक इंसान था और उसी प्रजाति में तुम भी पाए जाते हो हम भी पाए जाते हैं। बस अपने में बिलीव रखना पड़ेगा तो हम लोगों ने बहुत तगड़ी दौड़ लगाई है मगर यदि डगर अब थोड़ी सी टाइट हो रास्ता काटो भरा हो तो भी हमें उसी हिम्मत के साथ चलना है अपनी ताकत पे विश्वास रखना है अपने ऊपर विश्वास रखना है ठीक है तो चलो क्लास को स्टार्ट करते सारे बच्चे आ जाए तो देखो यार बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन तो देखो कंसंट्रेशन टर्म एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है तो सबसे पहले तीन टाइप के कंसंट्रेशन टर्म आपको बताता हूं सबसे पहले तीन टाइप के कंसंट्रेशन टर्म बताता हूं जो रिलेटिवली एक जैसे ही है जो रिलेटिवली एक जैसे ही है जैसे गौर सुनिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा मास बाय मास परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज एक तो ये हो गया कि मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दूसरा आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा पी टी एम दूसरा क्या पढ़ा है पी पी एम पीपीएम को क्या बोलते हैं पार्ट पर मिलियन तीसरा आप सभी लोगों ने पढ़ा है पी पी बी पीपीबी बोला जाता है पार्ट पर बिलियन अब जरा देखो आपको लग रहा है ये तीन अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म एक जैसे ही हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है और मुझे बताना है गौर से बस आप सुनते रहिएगा समझते रहिएगा दो मिनट में सारी बातें बता देता हूं गौर से जरा देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए देखो यार ये हमारे पास एक कंटेनर है ये हमारे पास एक कंटेनर है इसमें मैंने क्या किया डब्लू वन ग्राम सलूट डाल दिया क्या किया W1 ग्राम सलूट डाल दिया और W2 ग्राम सॉल्वेंट डाल दिया तो जरा बताना सोल्यूशन कितना हो गया? तो यदि आप अच्छे से देखो तो सोलूशन हो गया W1 वन प्लस डब्लू टू ग्राम सोल्यूशन कितना हो गया W1 वन प्लस डब्लू टू ग्राम डब्ल्यू वन प्लस डब्लू टू ग्राम सोल्यूशन हो गया अब गौर से सुनो पार्ट पर मिलियन पार्ट पर मिलियन और मास परसेंटेज क्या होता है ठीक है सपोज करो कि सोलूशन जो है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ग्राम जो है ये ये जो सोलूशन है देखना सबकी डिफिनीशन समझना 100 ग्राम सोलूशन में जितना सल्यूट होता है 100 ग्राम सोलूशन में जितना सल्यूट होता है उसको कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट क्या सौ ग्राम सलूशन में जितना सल्यूट होता है उसे कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन सौ ग्राम मतलब हंड्रेड ग्राम ऑफ सोलूशनिशन क्या होती है इसकी होती है टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम या 10 की पावर 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 2 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास सल्यूट का डिजॉल्व है उसे कहते हैं उसे कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। अब इसको जरा समझो ये क्या होता है यदि सॉल्यूशन का मास 100 ना लेके 10 लाख ग्राम ले लिया जाए 10 लाख ग्राम का मतलब एक मिलियन ले लिया जाए सॉल्यूशन का मास सौ ग्राम न लेके दस लाख ग्राम ले लिया जाए या एक मिलियन ले लिया जाए तो एक मिलियन ग्राम सल्यूशन में जितना सलूट डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं पीपीएम टोटल अमाउंट ऑफ सलूट डिजॉल्व इन टेन की पावर सिक्स ग्राम ऑफ सल्यूशन टोटल अमाउंट ऑफ सलूट डिजॉल्व इन टेन की पावर सिक्स ग्राम या फिर वन मिलियन ग्राम ऑफ सल्यूशन तो जब आप सौ ग्राम में निकालते हो सल्यूट का मास तो मास परसेंटेज होता है जब वो टेन की पावर सिक्स ग्राम में निकाल दोगे तो वो पीपीएम बन जाएगा और यही चीज एक बिलियन में निकाल दोगे तो वो पीपीपी -पी -पी बन जाएगा टेन की पावर नाइन ग्राम टेन की पावर नाइन ग्राम सलूशन में जितना सलूट का मास होता है उसको कहते हैं बच्चों पीपीबी टोटल अमाउंट ऑफ सलूट डिजॉल्व इन टेन की पावर नाइन ग्राम या फिर वन बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो अब तीनों डिफिनीशन को दिमाग में फ्रेम करो बिल्कुल शांति से एक सेकंड में 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है पीपीएम 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है पीपीबी तीनों एक जैसी डिफिनीशन है बस तीनों एक जैसी डिफिनीशन है ये देखो तीनों में डिफरेंस समझ रहा है सौ ग्राम सोल्यूशन में जितना मास ऑफ सोलूट है मास परसेंटेज मासूट टेन की पावर सिक्स ग्राम सोलूशन में जितना मास ऑफ सल्यूट है पीपीएम टेन की पावर नाइन ग्राम सोलूशन में जितना मास ऑफ सल्यूट है पीपीबी क्लियर है क्लियर है तो यदि ये बातें आपको क्लियर है तो इस चीज को जरा देखो आप इस चीज को देखो मैं जो टेबल बना रहा हूं इस पर फोकस करो आप देखो इस टेबल पे जरा आप सभी लोग फोकस करिएगा अच्छे से ये टेबल नहीं है एक अच्छी सी एनालिसिस है देखो ये है एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब मास परसेंटेज तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये है हमारा पीपीएम और ये है हमारा पीपीपी आप समझते जाइएगा बच्चों इसका फार्मूला क्या आता है मास ऑफ सल्यूट मास ऑफ सल्यूशन इंटू हंड्रेड हंड्रेड मतलब टेन की पावर टू इसका क्या आता है मास ऑफ सलूट मास ऑफ सल्यूशन इंटू टेन की पावर सिक्स इसका फार्मूला क्या है मास ऑफ सल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इंटू टेन की पावर नाइन क्लियर पहला पॉइंट क्लियर हो गया मास परसेंटेज ऑफ सोलूट मास ऑफ सोलूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू टेन की पावर टू मास ऑफ सोलूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू टेन की पावर सिक्स मास ऑफ सोलूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू टेन की पावर नाइन अच्छा अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं गौर से देखो आप अब इनके बीच में रिलेशन देखो यदि मैं ऐसा लिख दूं गौर से देखिएगा सब लोग अच्छे से देखो पी इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो टेन की पावर टू इंटू टेन की पावर फोर तो जब इसको टू प्लस फोर लिख दोगे तो टू प्लस फोर लिखोगे तो टू क्या हुआ ये। तो पीपीएम इक्वल टू होता है मास परसेंटेज मासूट इंटू टेन की पावर फोर है अब पीपीएम इक्वल टू ये होता है पीपी भी इक्वल टू क्या होगा जरा देखो यदि बच्चों में इसको ऐसे लिख दू टू प्लस सेवन तो W1 अपऑन W1 प्लस W2 इनटू 10 की पावर 2 वो क्या बन गया ये तो ये क्या आ गया मास परसेंटेज इनटू 10 की पावर 7 ऐसे अच्छा इस 9 को कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता है 6 प्लस 3 मतलब W1 अपऑन W1 प्लस W2 इनटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 का मतलब ये तो इसका मतलब आप चाहें तो ये भी रिलेशन लिख सकते हैं ppb इक्वल टू पीपीएम इंटू टेन की पावर थ्री तो ये रिलेशन क्या है कन्वर्जन में काम आएंगे कन्वर्जन का मतलब हुआ जब आप पीपीएम से पीपीबी में जाओगे जब आप पीपीएम से मास परसेंटेज में जाओगे या मास परसेंटेज से पीपीएम में आओगे या मास परसेंटेज से पीपीएम में आओगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है तो ये बात समझ पाए कैसे मैंने किया सब लोग क्या सारे बच्चे ये बात समझ पाए यदि समझ गए हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स को लाल कर दे यदि ये बात समझ तो जल्दी से बच्चे चैट बॉक्स को लाल कर दे कि ये, बी -बी ये, ये, इसका मतलब ये क्लियर है क्लियर है सारे बच्चों को यदि इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझाते हैं ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों तो चीजों को और समझाते हैं देखो तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन करते हैं जैसे आप बातों को समझ पाए जैसे आप बातों को समझ पाए ठीक है अब बात को समझने में जरा एक चीज बस ध्यान रखना यदि कहीं पर ऐसा लिखा हो तो क्या समझोगे गौर से देखिए सारे बच्चे यदि कहीं पर इस तरह की बात लिखी है x परसेंट w बाई डब्लू इसका मतलब क्या होता है एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ सल्यूशन तो गौर से देखो जरा क्या होता है ये क्या दिया है मास परसेंटेज दिया है मास परसेंटेज का मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ एक्स ग्राम सलूट एक्स ग्राम सलूट डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सल्यूशन एक्स ग्राम इन हंड्रेड ग्राम ऑफ तो जरा देखो आप इसको जल्दी में कैसे पढ़ोगे या तो एक रास्ता ये है कि x ग्राम ग्राम इन ऑफ सोलूशन अब मैं आपको पढ़ने का दूसरा रास्ता बताता हूं जिससे क्या है सेकेंडो में पढ़ लोगे पहले का पहले से कंपेयर किया करो दूसरे का दूसरे से कंपेयर किया करो पहला वाला हमेशा सल्यूट होगा दूसरा वाला हमेशा सोलूशन होगा तो इससे देखो क्या पता चलता है जरा समझो x ग्राम क्या है सल्यूट है 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है ww लिखा होने का मतलब ग्राम v लिखा होने का मतलब ml ww लिखा होने का मतलब ग्राम में वैल्यू लेनी है और v लिखा होने का मतलब वैल्यूम है ml में वैल्यू लेनी है तो देखो पहला क्या है सॉल्यूट दूसरा क्या है सॉल्यूशन x ग्राम सॉल्यूट है परसेंटेज का मतलब 100 होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो जैसे ही मैं ये देखूंगा तो मैं ये कह दूंगा कि एक्स ग्राम सल्यूट है और हंड्रेड ग्राम सल्यूशन है तो बताओ जरा सॉल्वेंट कितना हुआ सॉल्यूशन माइनस सल्यूट क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया सल्यूशन माइनस सल्यूट क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया क्लियर क्लियर यह बात अब जरा देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं इस पर क्वेश्चन करते हैं हाँ, अब देखो जरा क्वेश्चन करो बच्चों इस क्वेश्चन को आप पढ़ो 20 ग्राम ऑफ इन एम एल ऑफ वाटर सोल्यूशन एट 300 हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर इफ द डेंसिटी ऑफ सोलूशन इज 1.2 ग्राम पर एम एल देन कैलकुलेट देखो किसका मास परसेंटेज निकालना है एनिवेच का निकालना है तो जब एन्यूएच का मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ एन्यूएच मास ऑफ एन्यूएच प्लस मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सल्यूशन इन टू हंड्रेड अब आप चेक करना जरा गौर से अच्छे से बात को समझो एन्यूएच का मास कितना दिया है बीस बीस ग्राम एन्यच डिजॉल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर तो यार सल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और सोलूशन की डेंसिटी दी है द डेंसिटी ऑफ सोलूशन इज तो मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाया है मास ऑफ सोलूशन डेंसिटी ऑफ सोलूशन इन टू वैल्यूम ऑफ सोलूशन मैंने आपको कहा था कि डेंसिटी जो है मास को वैल्यूम में कन्वर्ट करने के और वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के काम में आती है तो देखो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.2 ग्राम पर एम और ये कितना है 100 एम एम एल से एमएल कट गया एक सौ बीस ग्राम आ गया तो ये क्या मिल गया मास ऑफ सोलूशन मास ऑफ सोलूशन आप यहां डाल दीजिए इन टू हंड्रेड तो यार सौ डिवाइडेड मतलब बाई बारह मतलब पचास डिवाइडेड बाई छ पच्चीस डिवाइडेड बाई तीन तो ये कितना आ जाएगा पच्चीस डिवाइडेड बाई तीन करोगे आ, एक बार देख लेना सही किया है एक बार आप लोग चेक कर लो डेंसिटी ऑफ इतने ग्राम एनअल डिसॉल्विंग इतने ग्राम ऑफ वाटर अच्छा ठीक है और डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना तो कैलकुलेट द सॉल्यूशन ओके हाँ ठीक है ओ भाई आंसर निकालो बच्चों हाँ। देखो बेटा कितना आ रहा है कौन सा आंसर आ रहा है जरा चेक करके बताओ 200 अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर 200 आ रहा है अरे यार मैंने ये काट दिया है ऐसे अच्छा ऐसे काट दोगे तो यहाँ आएगा हम्म कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ छे आएगा तो 50 डिवाइडेड बाय तीन आएगा तो सोलते अड़तालीस और तीन दो हम्म अच्छा ये हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत है ये वन होगा पीछे मैं कर चुका हूं फ्यूचर में करा चुका हूं बच्चों को तो देखो जरा बच्चों कितना आया पचास डिवाइडेड बाई थ्री आएगा ऐसे बात समझ पाए सोल्यूट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था कि डेंसिटी का काम है मास को वैल्यूम में कन्वर्ट करना वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करना अच्छा अब इस क्वेश्चन को जरा देखो सब लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे इस क्वेश्चन कैलकुलेट द पार्ट पर बिलियन मिलियन ऑफ एसओ टू इन 250 फिफ्टी ऑफ वाटर अब गौर से देखो हमें निकालना क्या है पीपीएम निकालना है हमें क्या निकालना है पीपीएम निकालना है ठीक है 250 फिफ्टी ऑफ वाटर कंटेनिंग 5 इंटू टेन की पावर माइनस फोर ग्राम ऑफ एसओ टू तो देखो पीपीएम का फार्मूला भी क्या है सेम फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है ये देखो दिया है अब मास ऑफ सोलूशन कैसे निकालोगे जरा देखो आपको कहा है पार्ट पर मिलियन ऑफ एसोटू गैस इन टू फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर और उसकी डेंसिटी दी है क्यों वॉल्यूम किसका दिया है वाटर का और डेंसिटी किसकी दी है वाटर की मगर आप यदि चेक करो तो सल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल है सल्यूट क्या है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल देखो सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी कम है जीरो पॉइंट सल्यूट की वैल्यू कितनी कम है ये देखो इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट को ही मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने मान लिया है जबकि मास ऑफ सॉल्यूशन ये आएगा इन टू नहीं सॉरी टेन की पावर सिक्स तो देखो ये देखो आंसर कितना आ रहा है टू तो टू पीपीएम हमारा आंसर आ गया यस वेरी गुड कर लोगे सारे बच्चे कर लोगे सारे बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब जरा देखो यार बच्चों एक और बात ये देखो अब आपको तीन टर्म और पढ़ा रहा हूं गौर सुनिए अब आपको तीन टर्म और पढ़ा रहा हूं यदि कहीं पर लिखा हो डब्लू v, v, v और W बाई W, W बाई W पढ़ा चुका हूं w w, कहीं पे लिखा है X परसेंटेज W बाई वी तो इसका मतलब क्या है कहीं पे लिखा है X परसेंटेज V तो बाई मतलब वी तो इसका मतलब क्या है तो गौर से देखो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया पहला क्या होता है सल्यूट दूसरा क्या होता है सलूशन

पहला क्या है सलूट दूसरा क्या है solution. तो एक्स ग्राम सलूट है हंड्रेड ग्राम सोलूशन है सल्यूशन में से सलूट को माइनस कर दिया तो सॉल्वेंट आ गया सल्यूशन में से सलूट को माइनस कर दिया तो सॉल्वेंट आ गया और सल्यूशन के मास में डेंसिटी को डिवाइड कर दोगे तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा क्यों डेंसिटी कन्वर्जन का, का काम करती है अब ऐसा लिखा हो तो पहला क्या है सलूट पढ़ो सब लोग पहला क्या है सलूट तो एक्स ग्राम सलूट है दूसरा क्या है सोलूशन तो हंड्रेड एम एल सोलूशन है क्योंकि यहां भी लिखा है तो एक्स ग्राम सोलूट है 100 ml है अब मास ऑफ सोलूशन कैसे निकाल सकते हो वैल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सोलूशन से यदि आपको डेंसिटी ऑफ तो मास ऑफ सोलूशन आ जाएगा मास ऑफ सोलूशन आ गया मास ऑफ मासूट आ गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो मास ऑफ सोलूशन माइनस डेंसिटी मास ऑफ सोलूट हंड्रेड इंटू दिस इज दिस क्लियर क्लियर इसका फार्मूला क्या होता है मास ऑफ सोलूट मास ऑफ सोल्यूशन इंटू हंड्रेड अब ये आओ पहला क्या है सलूट और देखो वी वी लिखा है तो सलूट कितना है एक्स एम एल सलूशन कितना है हंड्रेड एमएल कितना है हंड्रेड एम एल तो हंड्रेड माइनस एक्स क्या हुआ सॉल्वेंट हो गया वी by वी परसेंटेज मास ऑफ वैल्यूम ऑफ सल्यूट वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड इनटू हंड्रेड क्लियर है सबको यह बात अब ये देखो क्वेश्चन में कैसे यूज होती है किस तरह से करना होता है ये मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं जैसे आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाए और इस बात को समझ पाए क्लियर चलो इस क्वेश्चन को करो 100 ml गौर से पढ़ना 100 ml इथाइल अल्कोहल मिक्स विद 500 ml वाटर इन ए कंटेनर कैलकुलेट वैल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल जिसका वैल्यूम परसेंटेज बोल रहा है उसकी वैल्यू ऊपर रख दो नीचे वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इनटू हंड्रेड ये देखो क्लियर यस वेरी गुड आप देखो यार बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं इस क्वेश्चन को देखो सब पढ़िएगा 40 ग्राम सुक्रोज 200 वाटर कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सुगर सोलूशन इन टर्म ऑफ मास बाय वैल्यूम तो मास बाय वैल्यूम का मतलब सलूट का मास रखना है सल्यूशन का वैल्यूम रखना है तो मास ऑफ सल्यूट W बाई बी परसेंटेज पूछ रहा है मास ऑफ सल्यूट अब देखो वैल्यूम ऑफ सल्यूशन कितना है ये इन टू हंड्रेड कई आंसर है ये देखिए कई आंसर है ये देखिए अच्छा अब एक क्वेश्चन और लास्ट एंड फाइनल फिर इसके बाद हम अगले कंसंट्रेशन पे चल देंगे देखो बच्चों यदि किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कैसे करोगे देखिए ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू बाई बी सल्यूशन ऑफ एनएच डिजॉल्व इन ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन ऑफ एनिवेज प्रेजेंट इन ए कंटेनर प्रेजेंट इन ए कंटेनर ठीक है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज वन पॉइंट टू ग्राम पर एम एल कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सलूट बताओ भाई आंसर लिख रहा हूं दस परसेंट पंद्रह परसेंट सत्रह परसेंट नन आंसर बताइए सब लोग जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे आंसर बताएं जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं अब जरा गौर से समझो आपको मास परसेंटेज पूछा गया है तो मास परसेंटेज मतलब W बाई डब्ल्यू पूछा गया है मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इन हंड्रेड अब देखो मास ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा मैंने आपको पढ़ना सिखाया है पहले का पहले से कंपेयर करो तो इनका क्या दिया है वैल्यूम दिया है परसेंटेज का मतलब हंड्रेड तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है हंड्रेड एम और डेंसिटी ऑफ आप सोल्यूशन आपको ये दिए तो मास कैसे निकालोगे मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी डेंसिटी दी हो तो डेंसिटी जो होती है मास को वैल्यूम में वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के काम में आती है कहीं पर भी डेंसिटी दी हो तो डेंसिटी जो होती है मास को वैल्यूम में वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के काम में आती है समझ पाए कैसे करोगे सारे लोग समझ पाए यस 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 वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही अब चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसकी देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है इस पर डिस्कशन करते हैं देखो यदि मैं मान लू गौर सुनिएगा मोल फ्रैक्शन होता क्या है

जितने मोल सॉल्वेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो अब जरा देखो मैंने माना कि वन मोल सल्यूट है टू मोल सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन कितना हो गया वन प्लस एन टू मोल हो गया हो गया अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल ऊपर नीचे किसके लिखोगे सल्यूशन के मोल अब इंटू हंड्रेड नहीं लगाओगे क्योंकि परसेंटेज की बात है इंटू हंड्रेड नहीं लगाओगे क्योंकि यहां परसेंटेज की बात नहीं है फ्रैक्शन की बात है ठीक है तो जरा देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मोल ऑफ सलूट मोल ऑफ सल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट

क्लियर क्लियर अब गौर से कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं मैं अगले पेज में लिख रहा हूं जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं तो सभी बच्चों को एक सी देता हूं जरा इसको ध्यान दो सभी बच्चों को सीएचडी देता हूं जरा आप इसको ध्यान दें देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट का फार्मूला ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला ये हो गया क्लियर है क्लियर है अब बताओ यदि दोनों को सम कर दो तो कितना आएगा यदि दोनों का सम कर हैं तो कितना आएगा जब आप दोनों का सम कर दोगे तो वन आ जाएगा कैसे इन दोनों का सम करो तो सम नीचे क्या आएगा n1 n2 ऊपर क्या आएगा n1 n2 कट जाएगा तो इसका मतलब सल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर होगा यदि किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया है यदि किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको पहले से ही आता है यदि किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो इसका मतलब दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको पहले से ही आता है क्लियर है क्यों एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का पता है अच्छा अब और एक गौर से सुनिएगा यदि मैं इनको डिवाइड कर दूं ऐसे तो जब डिवाइड करोगे तो नीचे की चीज कट जाएगी इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है चेक करो मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है ध्यान दो है कि नहीं है ये देखो डिवाइड करोगे तो कट कर जाएगा तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है ये देखो तो ये चीज हमें बहुत काम आएगी क्वेश्चन करते समय मैं इसको बहुत यूज करूंगा जरा ध्यान रखिएगा सारे बच्चे जो मैं लिख कैसे लिखा है ठीक है तो जरा अब आगे बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हम बीच बीच में यूज करेंगे अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए इस क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एंड बाइनरी सोलूशन इज पॉइंट वन मास क्वेश्चन में आया है, मगर नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो आपको मोल फ्रैक्शन दिया है किसका दिया है सल्यूट का मतलब ग्लूकोज तो कितना दिया है पॉइंट वन ऐसे दिया है अच्छा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दिया है तो वाटर का बताओ यदि मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दिया है तो वाटर का बताओ बेटा कितना होगा अभी पढ़ पढ़ाया है यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है अभी पढ़ाया है कि यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है क्यों क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होता है वन के बराबर यदि ये पॉइंट वन है तो अपने आप दूसरे का पॉइंट नाइन होगा अच्छा दोनों को डिवाइड कर दो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो हुआ वही मोल का रेशियो हो गया अभी पीछे पढ़ाया है। ये देखो देखो मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है इसका मतलब ए के मोल कितने हो गए वन b के मोल कितने होगा 9 देखो कंसंट्रेशन जो होता है वो हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू होता है मतलब मोल डिवाइडेड बाय मोल लिखा होता है ऐसा लिखा होता है तो जब भी कहीं कंसंट्रेशन का क्वेश्चन हो तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे ये रेशियो दिया है ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है मगर आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो आप मान लो कि इसके मोल कितने हैं एक है और इसके मोल कितने हैं नौ है आप ऐसा मान सकते हो अब मोल पता चल गया तो मास पता चल गया मास कैसे निकालोगे एक कौन है ग्लूकोज तो मोल इंटू मालिकुलर वेट एक सौ अस्सी ग्राम मोल इंटू मालिकुलर वेट ऐसे अब आपको मास परसेंटेज चाहिए तो मास परसेंटेज किसका चाहिए था मास परसेंटेज ऑफ वाटर तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए तो मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड अब देखो यार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हथियार किधर है अब देखो बच्चों हमने जोड़ा 180 प्लस 9 इंटू एटीन तीन तो 9 इंटू एटीन डिवाइडेड बाई तीन सौ बयालीस इंटू है ना तो आप इसको कर लो 9 इंटू एटीन डिवाइडेड बाई तीन सौ बयालीस इंटू हंड्रेड तो ये वैल्यू आ रही है सैतालीस दशमलव तीन परसेंट मतलब अप्रोक्स सैतालीस परसेंट नियरेस्ट इंटीजर तक निकालनी है ना क्या सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं यस वेरी गुड बहुत सही बेटा बहुत सही जब भी कहीं रेशियो बने तो उस रेशियो को एप्सलूट वैल्यू समझ लो इस क्वेश्चन को मैं दो तीन तरीके से कर सकता हूं मगर एक तरीका आपको बताया है एक का मोल फ्रैक्शन दिया था तो दूसरे का अपने आप पता चल गया उन दोनों का रेशियो पता चल गया जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो मोल का होगा जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो मोल का होगा तो मोल पता चल गए ग्लूकोज का एक है और वाटर का दो है मोल पता चल गए तो मास पता चल गए मास पता चल गए तो मास परसेंटेज पता चल गया मास परसेंटेज पता चल गया क्लियर है अच्छा अब एक और बात इसको जरा समझो

मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू टेन की पावर थ्री ये वाला फार्मूला कब यूज करोगे जब आपको मास परसेंटेज दिया जाए जब मास परसेंटेज गिवेन हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो या मास ऑफ सॉल्वेंट गिवेन है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो अच्छा बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या क्या लिखा जा सकता है मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट लिखा जाता है सॉल्यूशन से सॉल्यूट हटा दोगे तो क्या बचेगा सॉल्वेंट तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं ये फार्मूला तब यूज किया जाता है जब मास परसेंटेज गिवन हो अच्छा अब देखो <coughs> मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास आप की जगह क्या लिख सकते हो डेंसिटी ये फार्मूला तब यूज़ परसेंटेज कौन सा डब्ल्यू बाई वी वाला ये देखो. अब गौर से समझना मोल फ्रैक्शन और मोलिटी में रिलेशन मोल फ्रैक्शन और मोलिटी में रिलेशन कैसे निकाला गया है देखो मैं अभी बता देता हूं

क्या मोलिटी क्या होती है मोलिटी का मतलब है टोटल मोल ऑफ सोलूट डिजोल्व इन डिजोल्व इन थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जिसके ये फार्मूले ये कॉन्सेप्ट है अब इनको यूज कैसे करना है देखो मैं एक एक करके आपको सिखाता हूं जैसे आप इन बातों को अच्छे से समझ पाए अब इस क्वेश्चन को देखो ए मोलल ए मोलल का मतलब मोलिटी वन है ए मोलल सोलूशन इज वन दैट कंटेन वन मोल ऑफ सलूट इन अब देखो मोलिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सलूट मास ऑफ सालवेंट इन टेन की पावर थ्री मास ऑफ सालवेंट किसमें ग्राम में ये वन दिया है मोलल सल्यूशन इन वन दैट कंटेन वन मोल ऑफ सलूट अब यह भी वन दिया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया जरा देखना तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो आ रहा है वो बच्चों आ रहा है थाउजेंड इसका मतलब एक ऐसा सल्यूशन जिसकी मोलिटी वन हो और उसमें एक मोल सल्यूट पड़ा हो तो सॉल्वेंट कितना होगा थाउजेंड ग्राम होगा ए मोलल सोलूशन इज वन दैट कंटेन वन मोल ऑफ सल्यूट इन थाउजेंड ग्राम ऑफ था ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ये आएगा कैसे निकाला सल्यूट के मोल डाल दिए डाल दी और मास साल्वेंट निकाल लिया क्लियर कर लोगे अब तुम्हारा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और करने का तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं जरा जल्दी से गौर से ध्यान दो मोल फ्रैक्शन ऑफ एस्टिक एसिड एश्ट इन इक्व सोल्यूशन सैंपल इज इतना मोल ऑफ सोल्यूशन अब देखो जरा क्या दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ एस्टिक एसिड इन इक्व सोल्यूशन अब गौर से देखते जाइएगा एस्टिक एसिड का मोल फ्रैक्शन दिया है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन अपने आप पता चल गया वो कितना है एस्टिक एसिड का कितना है पॉइंट वन तो वाटर का कितना होगा पॉइंट नाइन तो ये वन बाई नाइन हो गया हो गया अब मोलिटी आप सोल्यूशन पूछ रहे हो तो यार ये तो मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया है अभी मैंने बताया है क्या आप ऐसे कर लो अब देखो इसकी वैल्यू वन बाई नाइन हो गई ये निकालना है मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाटर है ऐसे इसको मैंने ऐसे कर लिया थाउजेंड नाइन इंटू एटीन अब इसको कर लो तो देखो ंग uh, कर गए भाई थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटीन डिवाइडेड बाय नाइन तो ये आ रहा है सिक्स पॉइंट वन सेवन टू परसेंटेज ऐसा कौन सा आंसर है ये. क्लियर है सबको यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही बहुत सही बच्चों बहुत सही तो अब हम बात करते हैं इसकी ये देखो अब जरा इस पर ध्यान दो बच्चों क्या लिखा है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन तो मोलरिटी क्या है गौर सुनिएगा एक लीटर सोलूशन में जितने मोल सलूट के डिसॉल्व है उसको मोलट मोलरिटी ऑफ सोलूशन कहते हैं टोटल मोल ऑफ सलूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सोलूशन टोटल मोल ऑफ सलूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सोलूशन ध्यान रखना इसमें सोलूशन है और उसमें सॉल्वेंट था टोटल मोल ऑफ सलूट डिजॉल्व इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलिटी मोलरिटी क्या होती है टोटल मोल ऑफ सोलूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ तो देखो फार्मूला क्या होगा मोल ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्लियर अब यदि वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में लोगे तो यहां टेन की पावर थ्री आ जाएगा टेन की पावर थ्री आ जाएगा यह फार्मूला तब यूज कर सकते हो जब डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज किया हो क्यों सोलूट का मास दिया है और सोल्यूशन का वैल्यूम दिया है अच्छा, आप, तो आप, आप ऐसे लिख सकते हो एम इन टू डी होता है तो इसको इधर नीचे ले आए तो वैल्यूम ऑफ सोलूशन की जगह लिख सकते हो मास ऑफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तो देखो इसकी जगह लिख दिया मास ऑफ सोल्यूशन ऊपर चला गया तो मोल ऑफ सोलू टेन की पावर थ्री मास ऑफ सोलूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर एम एल क्यों वैल्यूम आप सोल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो एम अपॉन डी एम अपॉन डी डी ऊपर आ गया यह कब लगाओगे जब आपको डेंसिटी की हो हाँ ये कब लगाओगे जब आपको डेंसिटी की हो क्लियर क्लियर अब देखो वैल्यूम को यदि इधर ले जाओ तो एम इंटू वी करने से क्या आ रहा है मोल ऑफ सल्यूट आ रहा है यदि वैलूम को इधर ले गए तो एम इंटू वी करने से मोल ऑफ सलूट आ रहा है तो मोल ऑफ सोल्यूट का एक और फार्मूला आ जाता है कि कंसंट्रेशन मतलब मोलू वैल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो मगर वैल्यूम ऑफ सोलूशन होना चाहिए लीटर में होना चाहिए ये देखो इस चीज को इधर ले जाओ तो एम वी हो जाएगा क्लियर है क्लियर है बच्चों ने कहा सर क्लियर है अब यदि इतनी बातें क्लियर है तो देखो हम इस पर क्वेश्चन भी करते हैं इस पर क्वेश्चन भी करते हैं जैसे ये देखो इस क्वेश्चन को देखो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ इट्स के लिए क्या चाहिए मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए इंटू टेन की पावर थ्री ये एम एल में हो तो अब जरा देखो आपको मोल दिए इतने मालिक्यूल सॉरी मालिक्यूल दिए यदि मालिक्यूल के नंबर दिए तो क्या तुम मोल नहीं बना पाओगे नंबर से मोल बनाना कैसे जाता है नंबर दिया है मोल बनाना है इसको डिवाइड कर दो ये मोल बन गया बन गया वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन सल्यूशन का वैल्यूम कितना दिया है हंड्रेड एम एल इंटू अब बस इसको सॉल्व कर लो ये ऊपर चला गया क्लियर है सबको यस वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा स्पीड हूं आप भी स्पीड पे रहें जैसे आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप कर पाए ठीक है हाँ अब इस क्वेश्चन को देखो हाँ, अब इसको ध्यान दो क्या लिखा है डिजोल्व वन ट्वेंटी ग्राम ऑफ यूरिया इन थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना द मोलर्टी ऑफ सोल्यूशन इज अब देखो यार मोलर्टी ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है तो मोलर्टी का तो एक ही फार्मूला है मोल ऑफ सल्यूट वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू टेन की पावर थ्री अब सलूट के देखो 120 ग्राम ऑफ यूरिया तो यूरिया क्या है सल्यूट है. तो है. 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 है और डेंसिटी आप सल्यूशन दिए तो आपको मैंने कहा था डेंसिटी एक ही काम आती है मास को वैल्यूम में वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के तो वैल्यूम ऑफ सोलूशन इक्वल टू मास ऑफ सोलूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोलूशन कैसा है हजार ग्राम ये है 120 ग्राम ये है तो 1120 हो गया 1120 ग्राम सोलूशन है और डेंसिटी 1.15 है तो ये एम में आ गया तो सोलूशन का वेल्यूम इतने एम आया क्या ये बात समझ पाए हो आप देखो ये सॉल्वेंट है ये सलूट है तो दोनों जुड़ गए सोलूशन आ गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी थी तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल आया जिसको मैंने यहां पे डाल दिया अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कर लो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा तो ये वैल्यू आ रही है टू पॉइंट जीरो फाइव ये देखो आ रहा है टू पॉइंट जीरो टू हां बेटा प्रवीण प्रवीण को ही समझने में दिक्कत है क्या प्रवीण बताओ बेटा प्रवीण प्रवीण बेटे कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में प्रवीण कोई दिक्कत आ रही है समझने में प्रवीण अच्छा अब इसको देखो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट यदि दो सॉल्ट को मिलाओगे तो मोलारिटी कैसे निकालोगे अब इसकी बात करते हैं तो जरा देखो दो सॉल्ट कैसे मिला जा रहा है ध्यान दीजिएगा सब लोग मैंने एक सॉल्ट दिया ठीक है जैसे NaCl सी एल इसकी मोलारिटी दी है इसका वैल्यूम दिया है लीटर में फिर मैंने एक और सॉल्ट दिया जैसे सीए सी एल टू तो। किसकी मोलारिटी दी है इसका तो वॉल्यूम दिया है अब ये सोल्यूशन बन गया मिक्सचर अब जरा देखो इसमें सोडियम आयन है एल्युमिनियम एक क्लोरीन आयन है कैल्शियम आयन है क्लोरीन आयन है अब गौर से मेरी बातों को सुनो मैंने बताया था कि मोल इक्वल टू एक फार्मूला होता है मोल निकालने का तरीका है कि उसका कंसंट्रेशन इनटू एमएल यदि उसके कंसंट्रेशन और वैल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो मोल बन जाता है उसके कंसंट्रेशन और वैल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मोल बन जाता है मोल बन जाता है सही है क्लियर है ये बात अब गौर से समझिएगा आप क्या क्या पूछ सकते हो आप मेरे से पूछ सकते हो मोलर्टी ऑफ सोडियम आयन आप मेरे से पूछ सकते हो मोलर्टी ऑफ कैल्शियम आयन आप मेरे से पूछ सकते हो मोलर्टी ऑफ सीएल आयन अब ये बातें कैसे निकलेंगी जरा इस बात को समझिएगा मोलरिटी का एक ही फार्मूला है मोल अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब गौर समझिए यदि मोलरिटी एने पॉजिटिव की पूछ रहे हो तो यार मोल भी किसके रखोगे एने पॉजिटिव के रखोगे और नीचे क्या रखोगे वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन हंड्रेड यदि एम में है तो अब देखो गौर सुनना यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो किसके मोल आएंगे मोल ऑफ एनएसीएल आएंगे कितने आएंगे ये लीटर में नहीं, एक सोडियम आयन है तो मोल ऑफ सोडियम आयन कितने आएंगे इतने आएंगे क्या सोडियम आयन यहां से आ रहे क्या सोडियम आयन यहां से आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसका मतलब जो सोडियम आयन यहां है वही सोडियम आयन यहां होंगे क्योंकि यहां से सोडियम आयन आ नहीं रहे तो ना तो घड़े घटेंगे ना बढ़ेंगे तो सोडियम आयन कितने हो गए इतने हो गए वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन V1 लीटर ये मिलाया है V2 लीटर ये मिलाया है तो ये क्या आ जाएगा V1 वन प्लस बी टू लीटर बस आंसर हो गया ऐसे करोगे अब कैल्सियम आयन की बात बताओ यदि एम इन वी करेंगे तो मोल किसके आएंगे मोल आप सीए सी एल टू आएंगे क्यों कंसंट्रेशन किसका है सीएसएल टू का तो मोल भी किसके आएंगे सीए सीएल टू के आएंगे अब बताओ जितने मोल सीए सीएल टू के होंगे उतने ही मोल कैल्सियम आयन के होंगे क्योंकि एक मालिक्यूल में एक कैल्सियम आयन है तो कैल्सियम आयन के मोल भी इतने ही होंगे तो मोल ऑफ कैल्सियम आयन डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये आ गया अब यदि सीएल सीएल आयन निकालो कंसंट्रेशन ऑफ सीएल आयन तो मोल ऑफ सीएल आयन सीएल आयन यहां पर भी है यहां पर भी है तो यहां पर सीएल आयन के मोल कितने जितने एन के मोल है उतने ही सीएल आयन के मोल है क्योंकि एक एन में एक सीएल आयन तो यहां से सीएल आयन के मोल कितने आए इतने आए गौर सुनिएगा ये टफ है अब जरा देखो यहां से सीएल कितने आए जितने सीए सीएलटू के मोल है उससे डबल जितने सीए सीएलटू के मोल है उससे डबल क्यों एक मालिक्यूल में दो CL है देखो तो यदि कैल्सियम क्लोराइड के मोल इतने हैं तो इससे डबल मोल आएंगे सीएल के ऐसे टोटल सीएल कितने हो गए एम इन टू भी यहां से आए थे टू एम इन टू वी यहां से आए थे तो टोटल क्या हो गए एन वन बी वन प्लस टू इन टू एम टू ये टू अब वैल्यूम ऑफ ये कितना है बात सबको समझ में आई क्या ये बात सबको समझ में आई यदि समझ में आई तो इस क्वेश्चन का आंसर दो यदि बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन का आंसर दो है ना से बोलकर हम लोग जो उनकी क्लास है थोड़ा आगे करा लेंगे बजे देंगे, देंगे क्योंकि हमारे उनके बीच में हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा अब देखो हंड्रेड एम एल जीरो पॉइंट टू मोलर ये कैपिटल एम है एस सी एल सोल्यूशन मिक्स विदेश एम एल ऑफ इतने एम सी एस सी एल टू सोल्यूशन कैल्कुलेट देशन ऑफ सल्फेट अब देखो यार बच्चों अब यारोलर्टी किसकी निकालनी है सल्फेट आयन की तो मोल भी किसके चाहिए सल्फेट आयन के क्या इसमें सल्फेट आयन है नहीं तो जो भी सल्फेट आयन आए होंगे इससे आए होंगे Amin2B किया ये किसके मिलीमोल बने ये बने कैल्शियम सल्फेट के और जितने कैल्सियम सल्फेट के मिलीमोल होंगे उतने ही सल्फेट आयन के मिलीमोल होंगे क्यों क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट में एक सल्फेट आयन है एक कैल्शियम सल्फेट में एक सल्फेट आयन है मिलीमोल ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम 100 एम ये पड़ेगा 400 सौ ये पड़ेगा तो टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा पांच सौ एमएल कट्टम काट खेल लो 400 आंसर आ रहा है एक बार देख लेना सही है ओ, ओ, अच्छा 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 हाँ ठीक है अच्छा हाँ एक चीज गड़बड़ है इसको मिली मोल को मोल में बनाना पड़ेगा भाई ये मिली मोल है ना तो इसको मोल भी तो बनाओगे टेन की पावर माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करके तो पॉइंट फोर आएगा है ना भाई वो मिली मोल है तो मिल ये एम है ना तो इसको ली, लीटर भी तो करोगे ठीक है कि नहीं भाई बात समझ गए हो कि नहीं यार कि मैं बताऊं इसको करूं जल्दी से बताओ यदि आप ये बात समझ गए हो तो जल्दी से यस 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 लिखो यदि ये बात समझ गए हो तो जल्दी से यस यस लिखो हां बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लेके आऊंगा अगला चैप्टर जल्दी से you यस know लिखो हाँ जल्दी से यस लिखो अच्छा यस ओके देखो वेरी गुड अब गौर से मेरी बातों को <coughs> यस अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा ठीक है जो बचा हुआ पार्ट है उस पे चलना है मतलब लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है आपने ध्यान दिया होगा मैंने अभी नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई है आप सभी बच्चों ने ध्यान दिया है मैंने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई है नॉर्मेलिटी जो है वो रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्योंकि नॉर्मेलिटी तभी पढ़ाई जा सकती है जब बच्चों आपको पूरा का पूरा नॉर्मेलिटी तभी पढ़ा पाऊंगा जब आपको पूरा का पूरा रिडॉक्स टाइट्रेशन आता हो मतलब एन फैक्टर निकालना आता हो इक्यूल वेट निकालना आता हो ये और ये सब पढ़ाया जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में तो जब रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा तो कोई बच्चा पैनिक ना करे परेशान ना हो नॉर्मेलिटी कहाँ पढ़ाऊंगा जहां पर रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो रिडॉक्स वाला चैप्टर जहां पढ़ाया जाएगा वहीं पे नॉर्मेलिटी पढ़ाई जाएगी ठीक है ध्यान रखिएगा अब चलो हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखो बच्चों, सारे बच्चे स्टैक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन से डरते हैं उनको लगता है कि यारक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में बहुत कुछ होता है बहुत टफ होती है बहुत दिक्कत आती है तो मैं बता हाँ लास्ट टॉपिक है बेटा स्टडी स्टडी भी दस लास्ट टॉपिक है आज का फिर खत्म है ना फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और बचा हुआ जो कुछ भी छोटा मोटा बचा होगा वो मोल उसमें लिक्विड सोल्यूशन में और रेडॉक्स टाइट्रेशन में करा दूंगा क्योंकि लिक्विड सोलूशन में भी कंसंट्रेशन टर्म होता है तो उसका कंसनट्रेशन पढ़ाने में बचा हुआ करा दूंगा यदि कुछ बचा हुआ तो अब गौर समझना कैलकुलेशन में करना क्या है टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बेसिस ऑफ़ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बेस पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब अमाउंट निकालना कंसंट्रेशन निकालना ये बात समझ गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या अमाउंट निकालना किसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है इससे कोई टेंशन मत लेना जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ोगे ठीक है क्वेश्चन में क्या पूछेगा कैसे पूछेगा इसकी कोई टेंशन मत लेना जैसे कह रहा हूं बस वैसे ही क्वेश्चन को कराना है जैसे कह रहा हूं बस वैसे ही क्वेश्चन को करना है ठीक है कैसे करना है जरा गौर समझो सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे मतलब रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए होता क्या है? क्वानिटेटिव सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? कोई भी question हो उसकी reaction को balance कर लो। जैसे ये करो balance reaction. ठीक है फिर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट कर लो स्टेप नंबर टू गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट कर लो कर लिया <coughs> क्या किया रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया अब गौर सुनो जो दिया जाए और जो निकालना हो उसके मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर देना देखो जो दिया जाए जैसे ये देखो मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट कोफिशिएंट कौन है ये मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट किसी के भी मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर कर सकते हो किसका मोल अपॉन कॉफिसियंट कॉफिशियंट ये स्टैक्यूमेट्रिक उसी के मोल उसी का काफिशियंट उसी के जो निकालना हो उसका मोल अपॉन स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशियंट हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगने है ध्यान हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगना है अब जैसे ये देखो क्वेश्चन है क्या करोगे सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करोगे बैलेंस कर ली देन क्या करोगे गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट कर करोगे कर लिया फिर क्या करोगे जो पूछा जाए और जो दिया हो उनके मोल अपॉन कोफिशिएंट के रेशियो बराबर कर दोगे है ना आ, आ, आ हाँ, जल्दी से करो इसको चलिए अब इसको करो देखो जरा बच्चों मैं करके दिखाता हूँ ना आज लेट हो गई है मतलब मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है तो जल्दी जल्दी निपटा लिया जाए है ना वॉट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कम्बेशन ऑफ टू पॉइंट एट ग्राम ऑफ इथाइलिन अब देखो यार इथाइलिन का हमें कम्बर्शन करना है इथाइली होता है सी टू एच फोर कम्बशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है वाटर कार्बन कितने हैं दो हाइड्रोजन कितने हैं चार ऑक्सीजन कितने आए चार और दो छ तीन क्लियर क्लियर अब जरा देखो मैंने तुम्हें पहला क्या पढ़ाया जो रिएक्शन दी हो जो रिएक्शन दी हो उसको बैलेंस कर लो आपने रिएक्शन लिखी और बैलेंस कर ली कार्बन दो कार्बन दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन चार इथाइलिन तो के मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो ऑक्सीजन के मोल अपॉन कॉफिसियंट के रेशियो के बराबर करो इथाइलीफिशियंट कॉफिशियंट कितना है One. ऑक्सीजन का मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर की इथाइलिन का मोल अपॉन कॉफिशियंट कैसे लिखोगे 2.8 पॉइंट एट इंटू की पावर थ्री मास हमेशा ग्राम में लिखा जाता है मोल अपॉन कॉफिशियंट ये देखो मोल लिख गया डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट इसके मोल निकालने हैं अपने को डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट तो मोल आ गए मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया बच्चों इसको उधर ले जाओ तो थ्री इंटू टेन की पावर टू ग्राम अब वहां क्या पूछ रहा है वाट अमाउंट अमाउंट का मतलब वेट वेट पूछ रहा है तो मास ऑक्सीजन बनाओ तो मास बनाने के लिए क्या होता है मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का बत्तीस है मगर ये ग्राम में है तो ये कितना आ गया 96 10 की पावर 2 ग्राम ऑप्शन सारे केजी में है तो केजी बनाने के लिए 9.6 किलोग्राम आ गया तो देखो 9.6 किलोग्राम कहाँ दिया है ये दिया है तो ये आंसर है क्लियर क्या किया मैंने क्या किया जरा बताओ रिएक्शन लिखी उसको बैलेंस किया और मोल अपॉन कोफिशिएंट बराबर कर दिए किसके बराबर करने जो दिया जाए जो निकालना हो ये दिया गया था ये निकालना था बराबर कर दिया अब तुम्हारा मन कर रहा होगा एक क्वेश्चन और करेंगे और ये सब तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन है अब इसको देखो वॉट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमोस्फ्रिक प्रेशर इज नीडेड अब देखो ये क्या है ये एस कंडीशन है इज नीडेड टू बर्न कंप्लीट वन लीटर ऑफ प्रोपेन प्रोपेन क्या होता है सी थ्री एच एट अब इसको बर्न करोगे तो ऑक्सीजन से करोगे कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर अब बैलेंस तो हो गई चेक कर लो बैलेंस हो गई जो दिया है उसको जो निकालना है उसके मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो बराबर करो अब दिया क्या है प्रोपेन चेक करो प्रोपेन की वैल्यू दी है निकालना क्या है ऑक्सीजन मोल इन टर्म ऑफ वैल्यूम लिखोगे तो मोल इन टर्म ऑफ वैल्यूम क्या होते वैल्यूम डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर वैल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई ट्वेंटी पॉइंट फोर हो गया मोल अब इसको लिखो वैल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई बाईस दशमलव चार पांच ये कट गया तो वैल्यूम ऑफ वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आ गया फाइव लीटर चेक करो आंसर कहां है ये देखो अब तुम्हारा मन कर रहा होगा एक क्वेश्चन और करेंगे ये देखो ये भी तुम्हारे एग्जाम्पल एग्जाम exam का क्वेश्चन है सारे पीवाई क्यू करा रहा हूं ठीक है अब इसको पढ़ो ए मेटल ऑक्साइड हैज द फार्मूला जेट टू ओ थ्री इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल अब देखो यार ये मेटल ऑक्साइड है ये हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहा है और बना क्या रहा है फ्री मेटल जेड को मेटल कहा गया है और साथ में क्या बना रहा है वाटर ये सारी बातें उसने क्वेश्चन में क्या रखी है ये देखो फ्री मेटल एंड वाटर इतने ग्राम आप मेटल ऑक्साइड कितने ग्राम है इतने ग्राम इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड इतने मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलीग्राम है मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ये देखो फॉर कंप्लीट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अब देखो वो मेटल पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने लगोगे तो फिर हम क्या करेंगे तुम्हें मारेंगे मैंने कहा है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अपने को कोई लेना देना नहीं है अपने को वही स्टेप लगाने जो मैंने पढ़ाए जो मैंने पढ़ाए वही स्टेप लगाने बस अच्छे से लगाने हैं कुछ भी पूछे ध्यान रखना बुक पे मत जाना वो सब रद्दी लिखते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड लगा रखा है अब देखो ये दिया है ये दिया है अब इनको आपस में बराबर करो क्यों क्योंकि एटॉमिक मास यहां आएगा तो कैसे करोगे मोल अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं डरना नहीं मोल कैसे निकालोगे मास अपॉन मालिकुलर मास मालिकुलर मास कैसे आएगा इसका एटॉमिक मास ये है ये देखो मालिकुलर मास हो गया मोल बन गया अरे प्रभु मोल मास अपॉन मालिकुलर मास मालिकुलर मास कैसे होगा टू इंटू एटोमिक मास थ्री इंटू एटोमिक मास बराबर मोल अब इसको बैलेंस कर लो बैलेंस नहीं है जेड दो जेड दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन तीन तो ये तीन अब देखो मोल ये मोल हो गए हाइड्रोजन के डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ये देखो तीन से तीन उड़ गया ये तीन ये तीन आ गया अब जरा देखिए क्या आ गया मैं डायरेक्ट कर रहा हूं डर तो नहीं लग रहा है कि यार पता नहीं क्वेश्चन में क्या चेंज किया निकमो क्या मैंने कोई कॉन्सेप्ट चेंज किया बताओ मैंने, मैंने क्या कोई कॉन्सेप्ट चेंज किया नहीं चेंज किया तो तुम्हें भी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करना है कॉन्सेप्ट वही रखना है क्वेश्चन तो यार कुछ भी पूछा जा सकता है ना कॉन्सेप्ट में कोई चेंज कभी नहीं आना चाहिए हथियार किधर है मेरा चलो हथियार निकाल के सॉल्व करता हूं आप लोग पेन कॉपी से सॉल्व करो ये आया माइनस फोर्टी एट डिवाइडेड बाई टू तो एजेड की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट बीस पॉइंट एट सिक्स जरा चेक करना हम लोगों ने जो किया है वो लगभग सही है कि नहीं भाई एजेड की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली वो कहीं नहीं आ रही है एक बार चेक करना मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या हाँ ये टेन की पावर माइनस थ्री तो ऐसे ही पड़ा है ये टेन की पावर माइनस थ्री नीचे जाएगा हाँ यहां पे गड़बड़ हुई है तो ये टेन की पावर माइनस थ्री यहां पर है जो मैंने नहीं लिखा है ऐसे तो ये इसके नीचे चला गया हम्म तो ये इधर आया तो ये इसके नीचे गया अच्छा यहां बहुत गलतियां हुई हैं तभी हम लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा तो ये हो गया जाके अब इसको करो ये आया अब बच्चों करो हथियार से करता हूं ओ तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार पॉइंट 159.3 माइनस 48 डिवाइडेड बाय टू हाँ अब ये आ रहा है एजेड की वैल्यू 55.65 बात समझ पाए कैसे किया यस 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 बात समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही है कैसे किया गया है सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही है ना कैसे किया हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट लगाया मोल अपॉन कॉफिशियंट मोल अपॉन कॉफिशियंट के रेशियो बराबर किए क्या यह बात समझ में आ रही है सबको जल्दी बताओ यस अच्छा अब जरा देखो यार बच्चों इसी चीज को अब आगे बढ़ाते हैं अब आगे कैसे बढ़ाते हो ये क्वेश्चन देखो अब ये देखो अब इसमें कुछ केस है करना यही काम है बार बार यही काम करना है यदि किसी क्वेश्चन में दो रिएक्शन आ रही हो एक रिएक्शन ना हो दो उनको कहते हैं सक्सेसिव रिएक्शन सक्सेसिव रिएक्शन का मतलब है एक रिएक्शन का रिएक्टेंट एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो कार्बन प्लस हाफ ओ टू मिलके बना कार्बन ऑक्साइड अब ये कार्बन ऑक्साइड दूसरी रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट का काम कर रहा है ऐसे अब ये देखो सक्सी रिएक्शन इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट है तो ऐसी रिएक्शन को हम सक्सी रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखो वाटर प्लस सल्फर या ऐसे ले लो सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बना SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन SO3 बना SO3 प्लस वाटर H2SO4 बना अब ये भी सक्सीसीरी रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट तो जब सक्सीसीरी रिएक्शन होंगी और तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तुम्हें वही कॉन्सेप्ट लगाना है बस मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो एक से ज्यादा बार बराबर करना होगा सेम कॉन्सेप्ट यूज करना मैं लिख दे रहा हूं सी एच डी मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो इक्वल करना है एक से ज्यादा बार तो मोल अपॉन कॉफी का रेशियो एक से ज्यादा बार करना है बस क्या हुआ बेटा एक दो बच्चे बेचारे रो रहे हैं क्या ज्यादा देर हो गई है क्या इसलिए कह रहे हो क्या क्या हुआ अरफा राकेश और अरफा बताओ बेटा थोड़ी स्पीड ज्यादा कर दिए क्या टाइम <laughs> ज्यादा हो गया है हम्म अच्छा नेट खत्म हो गया है ओके कोई नहीं यार कोई नहीं दस पांच मिनट फिर आप रिकॉर्डेड देख लेना ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं अब देखो यदि कोई सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन हो तो यही काम एक से ज्यादा बार कर देना है यही काम एक से ज्यादा बार कर देना है कैसे देखो बताता हूं कैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जैसे आप इस चीज को कर पाओ ये देखो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और समझो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और समझो क्या लिखा है जरा देखो C 1/2 O2 गिव्स CO CO 1/2 O2 गिव्स CO2 व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म इफ 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन अब आपको ये दिया है और ये पूछ रहा है तो यार दो बार बराबर कर दो पहले इसको और इसको इक्वेट करो तो ये मिल गया फिर इसको और इसको इक्वेट करोगे तो ये मिल जाएगा तो पहले मैंने इसको इसको इक्वेट किया तो देखो मोल ऑफ कार्बन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट मास दिया है ना कार्बन का कोफिशिएंट कितना है एक मोल ऑफ सीओ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट तो पहले वाले में मोल ऑफ सीओ आ गया कितना आ गया पॉइंट वन मोल अब दूसरे वाले में आओ जितने मोल सीओ के यहां होंगे उतने ही मोल यहां होंगे क्यों जो सीओ बना वो सारा का सारा खर्च हो गया तो अब इसके और इसके मोल बराबर कर दो मोल ऑफ सीओ डिवाइडेड बाई कॉफिस मोल ऑफ सीओ टू बाय बाई कॉफिशियंट तो मोल ऑफ सीओ टू आ गया 0.1 वन यस वेरी गुड वेरी गुड ठीक है कर लोगे इस तरह क्वेश्चन कर लोगे आप लोग अब जरा देखो यार बच्चों इसको समझो परसेंटेज एक और केस परसेंटेज यील्ड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा परेशान ना हो देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है जरा इस बात को समझो गौर सुनिए परसेंटेज का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है यदि किसी की परसेंटेज है इसका मतलब वो रिएक्शन एसेंट खत्म हुई है यदि किसी का परसेंटेज सेवेंटी परसेंट है तो इसका मतलब वो रिएक्शन खत्म हुई है तो परसेंटेज ऑफ रिएक्शन का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है या कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है अब परसेंटेज यील्ड निकाली कैसे जाती है जो हम क्वेश्चन में करके निकालते हैं अभी तक हम जितना निकाल के लाए हैं ये मान के लाए हैं कि रिएक्शन हंड्रेड परसेंट खत्म हो रही है टाइक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सपोज करके किए जाते हैं कि रिएक्शन हंड्रेड परसेंट खत्म हो रही है जब परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन होता है तब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है तो गौर से मेरी बातों को सुनिएगा ठीक है तो जब भी कहीं परसेंटेज यील्ड दी जाए तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है 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 पहला पॉइंट समझ गए परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है। अब दूसरा पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे सारा कुछ वही करना है बस एक और फार्मूले का यूज करना है लास्ट में कैसे जरा समझा देखो हंड्रेड परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है या नहीं हुई है देख के तो नहीं पता लगा सकते हो हरी चटनी वाले बाबा तो है नहीं हम लोग कि ओ अच्छा काली चटनी खा लेना तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग तो जो तुम मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैल्यू निकाल रहे हो वो हंड्रेड परसेंट रिएक्शन खत्म करने वाली वैल्यू होगी मोल कॉन्सेप्ट जो वैल्यू निकालोगे वो हंड्रेड परसेंट रिएक्शन खत्म करने वाली वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी वो रिएक्शन के हिसाब से वैल्यू दी होगी तो आप जरा देखो कैसे करोगे

ठीक है अब ये कैसे करते हैं जरा देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं अब इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक मोल ए है आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन जीरो पॉइंट एट मोल ऑफ बी फॉर्म कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन किसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है रिएक्शन होने के बाद किसकी वैल्यू दी है इसकी देखो वो क्या कह रहा है रिएक्शन होने के बाद पॉइंट एट मोल बी फॉर्म हुआ है चेक करो आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन जीरो पॉइंट एट मोल ऑफ बी फॉर्म कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इतना बी फॉर्म हुआ है अब हमारे हिसाब से कितना फॉर्म होगा जब आपने ए एक मोल लिया है तो बी कितना फॉर्म होगा दो मोल आपने कैलकुलेट किया देखो जिस जो दी हो, जिसकी दी जाएगी उसी की वैल्यू बी की वैल्यू दी है ना तो हमने बी ही की वैल्यू निकाली बी की वैल्यू दी है बी की वैल्यू निकालना है हम जो बी की वैल्यू निकालते हैं वो हंड्रेड परसेंट रिएक्शन कंज्यूम होने पर निकलती है कि हंड्रेड परसेंट रिएक्शन हो रही है ये सपोज करके निकलती है और वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है वो वो वैल्यू देता है कि जब 30 परसेंट खत्म हुई है रखना तो जिसकी वैल्यू दी जाएगी उसी की निकालोगे। तो और हम निकालेंगे तो कितना आएगा दो मोल कैसे मोल अपॉन कॉफिशियंट को बराबर करके मोल अपॉन कॉफिशियंट मोल अपॉन कॉफिशियंट तो मोल आप बी कितना आ गया दो अब यहां रख दो इन टू हंड्रेड तो कितना आ गया फोर्टी परसेंट समझ पाए समझ पाए कि नहीं यस yes. अब इस क्वेश्चन को करो इस क्वेश्चन को करो एन टू प्लस थ्री एस टू गिव टू एन एस थ्री टू मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म इतने मोल क्या फॉर्म हो रहा है क्या फॉर्म हो रहा है इतने मोल ऑफ अमोनिया इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन है ये और जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी जाएगी उसी की कैलकुलेटिंग वैल्यू तुम निकालोगे तो देखो परसेंटेज निकालना है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटिंग वैल्यू अब आप निकालो आपको दो मोल नाइट्रोजन दिया है उससे कितना अमोनिया बनाओगे मोल अपॉन कॉफी मोल ऑफ अमोनिया अपॉन कॉफी तो मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया चार मोल आ गया उठा के यहां डाल दिया ये देखो क्या बात समझ पा रहे हो मेरी क्या बात समझ पा रहे हो मेरी यस वेरी गुड ओए अस्सी परसेंट किसका आ गया है क्या बात मेरी समझ पा रहे हो क्या बात मेरी समझ पा रहे हो यह वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं अब यह उल्टा है देखो इस क्वेश्चन में उल्टा कहा गया है पढ़ो तीस मोल ऑफ एसओ थ्री फॉर्म ट्राइमर ठीक है इफ परसेंटेज इल्ड ऑफ रिएक्शन इज फिफ्टी परसेंट देन कैलकुलेट मोल ऑफ एसओ थ्री फॉर्म

तो भाई जब इसके तीन मोल लेते हो तो एक फार्म होता है तो तीस लोगे तो दस फार्म होगा मगर आधा डिसोसिएट हुआ है फिफ्टी परसेंट डिसोसिएट हुआ है तो इसका मतलब इसका पंद्रह डिसोसिएट हो रहा है तो जब पंद्रह डिसोसिएट होगा तो पांच फार्म होगा तो ये कितना फार्म होगा पांच मोल फार्म होगा बात समझ पाए परसेंटेज फिफ्टी परसेंट इसका फिफ्टी मतलब परसेंट रिएक्शन खत्म हो रही है तो तीस मोल में से पंद्रह मोल डिसोसिएट हो रहे है। और जब 15 मोल डिसोसिएट होंगे तो पांच मोल फॉर्म होंगे क्यों जब उसके तीन मोल डिसोसिएट होते हैं तो उसका एक मोल फॉर्म होता है जब उसके तीन मोल डिसोसिएट होते हैं तो इसका एक फॉर्म होता है तो जब इसके 15 डिसोसिएट होंगे तो इसके पांच फॉर्म होंगे 15 क्यों डिसोसिएट होंगे क्योंकि 50 परसेंट है क्योंकि फिफ्टी परसेंट है परसेंटेज ईल्ड का मतलब क्या है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है तो यारचास परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है मतलब आधा डिसोसिएट हुआ है तो तीस का आधा पंद्रह पंद्रह तो प्रभु पांच क्यों? फार्म होगा खेल खत्म लास्ट एंड फाइनल टॉपिक और ये पूरा चैप्टर खत्म हाँ मैं समझ रहा हूं कि दो चार लोग बेचारे परेशान होंगे क्योंकि मैंने शायद लास्ट में थोड़ा फास्ट खींचा है ना लास्ट में मैंने थोड़ा फास्ट खींच दिया है तो हो सकता है दो चार लोग तो दो, मतलब दो बार और देख लेना हो हो। को खुद जानता हूं अच्छा हाँ लिमिटिंग रेजेंट भी बचा है हाँ यार अभी लिमिटिंग रेजेंट भी बचा है अच्छा दस मिनट और दो फिर दस मिनट में सब खत्म हो जाएगा यदि किसी बच्चे को परेशानी हो रही है देखो मैं जानता हूं परेशानी हो रही हो मगर ये बताओ छे घंटे से यदि मैं खड़ा हूं तो तुम्हारे लिए तो खड़ा हूं अपने लिए तो नहीं खड़ा हूं भाई कोई ये पेड़ तो है नहीं फ्री है मगर सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि यार किसी का गड़बड़ ना होने पाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं हर केस करा पाऊं इस ड्यूमेंट्री में देखो केस नंबर थर्ड चल रहा है तो आप क्या करना है? इसको थोड़ा सा जैसे मान लो कोई कोई बच्चा किसी किसी टॉपिक में फंस रहा हो कि हाँ यार सर ने जल्दी से बता दिया बताया सब है मगर स्पीड ज्यादा थी तो आप ए, एक बार उसको और देख लेना उतना ठीक है वैसे ऐसा होगा नहीं मैं सब समझाता हुआ जा रहा हूं तेजी से। अब मतलब है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई एक मालिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो बाकी ना कर रहे हो और बाकी नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाते हैं इम्प्योर हो जाते हैं है ना वो उसकी इंप्योरिटी माने जाते हैं वो उसकी इंप्योरिटी माने जाते हैं जैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम्हारे दोस्त का नहीं होगा तो तुम्हारा दोस्त क्या है अरे यार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बेकार है वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बेकार है जिसका सिलेक्शन हो गया वो सक्सेस है तो बस वही है इसका मतलब जब सैंपल बोला जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कोई एक मालिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी मालिक्यूल नहीं कर रहे हैं और जो मालिक्यूल नहीं कर रहे हैं उनका नाम भी नहीं बताया जाएगा उनका नाम भी नहीं बताया जाएगा अब वो कह रहा है कितने परसेंट प्योर है तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा जो प्योर होगा और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वही तो करेगा तो गौर सुनना वैल्यू ऑफ प्योरी मतलब जिसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाए उसका प्योर फॉर्म ऊपर रखना है और नीचे सैंपल का रखना है इंप्योरिटी रिएक्शन नहीं करेगी सिर्फ कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो हम प्योर फॉर्म की वैल्यू कहां से निकालेंगे क्वेश्चन से निकालेंगे क्वेश्चन से निकालेंगे और जनरली सैंपल की वैल्यू दी जाती है जनरली सैंपल की वैल्यू दी जाती है और क्वेश्चन से कैसे निकालोगे वही कॉन्सेप्ट है मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो बराबर कर दो मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो बराबर कर दो कैसे निकालनी है जरा देखो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है कितने परसेंट प्योर है परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है कितने परसेंट प्योर है अब जरा देखो इस क्वेश्चन को इससे आपको आइडिया लगेगा देखो 10 ग्राम सैंपल ये देखो सैंपल का मास है आप कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अलावा और कुछ भी है

दस ग्राम सैंपल में से छह ग्राम प्योर है तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई साठ परसेंट आ गई भाई दस ग्राम सैंपल है उसमें से ग्राम प्योर है तो प्योरिटी कितनी है दस डिवाइडेड बाई दस इसको करो अब मैंने क्वेश्चन को फिर चेंज किया दस ग्राम सैंपल आप कैल्सियम कार्बोनेट थर्मली हीटेड एंड फॉर्म टू पॉइंट एट ग्राम ऑफ सी एज ए प्रोडक्ट कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी अब देखो परसेंटेज प्योरिटी में क्या करोगे प्योर फॉर्म अपॉन सैंपल इन टू हंड्रेड अब सैंपल का मास्क तो तुम्हें दिया है दस अब प्योर फॉर्म तुम्हें नहीं पता है तुम्हें यह बिल्कुल नहीं पता है कि प्योर फॉर्म कितना है तो प्योर फॉर्म कैसे निकलेगा रिएक्शन से क्यों रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिएक्शन में प्योर फॉर्म पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा प्योर फॉर्म पार्टिसिपेट करेगा तो यार प्योर फॉर्म कैसे निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो कैल्सियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है इसकी वैल्यू दी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ये प्रभु सैंपल का मास है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कितना हमें नहीं पता है और हमें वहां प्योर रखना है तो कैसे निकालोगे वही रिएक्शन बैलेंस करो बैलेंस है मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर कर दो तो देखो इसके मोल अपॉन कॉफिशियंट इसके मोल अपॉन कॉफिशियंट तो मोल कितने आ गए पॉइंट वन इसको मास बना लो तो मास आप कैल्शियम कार्बोनेट मोल इंटू सौ यार गड़बड़ा तो एक बार चेक करना मैंने गलत लिखा है ये छप्पन होता है है ना मालिकुलर वेट छप्पन होता है ओ एक मिनट रहता फैल रहा था बज गया तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट वन नहीं पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू आएगा तो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू तो ये आएगा पांच बात समझ पाए यार मैंने एक जगह पे गलत कर दिया था देखो मोल मोल अपॉन कॉफिशियंट मोल कैसे बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का मालिकुलर वेट फिफ्टी सिक्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड का मालिकुलर वेट फिफ्टी सिक्स होता है तो ये यह पॉइंटेड बाई टू इंटू मालिकुलर वेट तो मास आ गया पचास ग्राम ए पांच ग्राम तो पांच ग्राम प्योर है तो पांच ग्राम यदि प्योर है तो परसेंटेज कितना आया फिफ्टी परसेंट बात समझ के कैसे निकालोगे प्योर फॉर्म कहां से निकला रिएक्शन से निकला सैंपल का मास दिया था उसने कहा कि इतना फॉर्म हुआ है तो ये यार ये किससे आया होगा ये इम्प्योरिटी से तो आया नहीं होगा ये आया तो प्योर फॉर्म से होगा ना तो यदि ये दिया है तो इसके रिस्पेक्ट में प्योर फॉर्म निकाल लिया कैसे मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो बराबर करके

तो यदि रिएक्टेंट में यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवेन हो तो ऑलवेज लिमिटिंग का क्वेश्चन हो सकता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो रिएक्टेंट की क्वेश्चन हो, तो हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो फिर से सुनो मेरी बात क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो करना कैसे है बिल्कुल वही करना है रिएक्शन लिखी बैलेंस की मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो चेक किया जिसका मोल अपॉन कॉफिसियंट का रेशियो छोटा आएगा उसको लिमिटिंग बोलेंगे फिर से देखो क्या करोगे एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए कंडीशन रिएक्शन को बैलेंस करोगे गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करोगे मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो निकालोगे जिसका मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो छोटा होगा जिसका मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो छोटा होगा उसे लिमिटिंग रेजेंट कहा जाएगा ठीक है अब किसी चीज को कैलकुलेट कैसे करोगे तो कुछ भी पूछा जाए ऑलवेज देखो क्या लिखा है मगर किसके साथ ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट के साथ क्या मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो जिस रिएक्टेंट का छोटा होगा वो एल आर होगा क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका कंपेयर हमेशा एल आर से करोगे उसका कंपेयर हमेशा एल आर से करोगे बस खत्म हो गया अब देखो मैं करके दिखाता हूं पढ़ो पहले तो तुम ये पहचानो ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं टू ट्वेंटी हाइड्रोजन मिक्स विद लीटर क्लोरीन ईच एट एस टीपीएल फॉर्म क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवेन है यस या नो बोलो क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवेन है 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 दो रिएक्टेंट की वैल्यू तो लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन हो सकता है, गीवेन है। तो पहले रिएक्शन बैलेंस करो बैलेंस है फिर इसके मोल बनाओ मोल अब देखो अब आप चेक करो लिमिटिंग रेजेंट चेक कैसे किया जाता है चेक किया जाता है मोल अपॉन कॉफिशियंट का रेशियो छोटा देख के तो मोल अपॉन कॉफिशियंट कॉफिशियंट वन है मोल अपॉन कॉफिशियंट वन है अब छोटा कौन है ये तो ये एल आर है बात समझ गए वही काम करना है वही काम करना है कोई भी काम अलग नहीं करना है रिएक्शन लिखी बैलेंस की अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है हम तो पुराने तरीके से भी कर सकते थे तो मैंने कंडीशन लिखाई है कि यदि लिमिटिंग रेजन का क्वेश्चन होगा तो दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवेन होगी अब देखो यहां हाइड्रोजन की वैल्यू भी गिवेन है और क्लोरीन की वैल्यू भी गिवेन है तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैल्यू गिवेन है इसका मतलब मुन्ना लिमिटिंग एजेंट का केस हो सकता है अब लिमिटिंग रेजेंट कैसे चेक किया जाएगा मोल अपॉन का रेशियो जिसका छोटा होगा वो लिमिटिंग रेजेंट होगा तो मोल अपॉन का रेशियो इसका छोटा है तो ये लिमिटिंग कॉफिस होगा एक्सेस रेजेंट हो गया दूसरा वाला एक्सेस रेजेंट हो गया अब क्वेश्चन में कुछ भी निकालना होगा लिमिटिंग रेजेंट से कंपेयर करोगे तो ये लिमिटिंग एजेंट है ना तो इसका मोल अपॉन डिवाइडेड इसका मोल अपॉन कॉफिसियंट तो मोल आप एस सी एल कितना आ गया इंटू टू वन मोल आ गया अब देखो वन मोल कहीं आंसर है आंसर है। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा एक और क्वेश्चन करेंगे तो कर लो देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सपोर्ट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस फिक्स अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है सारे बच्चे बताएं पहले तो आप लोग ये बताओ क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है यस yes या नो क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है यस या नो सबसे पहले ये बताओ सारे लोग सभी बच्चे ये बताएं क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है सारे बच्चे बताएं क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है यस yes. क्यों है क्योंकि दो रिएक्टेंट की वैल्यू की है

ऑक्सीजन इसकी वैल्यू दो है इसकी टू पॉइंट फाइव है ये एल आर है तो वाटर कितना फॉर्म हुआ एल आर से पता चलेगा मोल अपॉन कॉफिशियंट वाटर का मोल अपॉन कॉफिशियंट कॉफिशियंट कितना है वाटर का दो तो मोल कितना आ गया यार मोल ऑफ वाटर कितने आ गए बताओ भाई टू इंटू टू फोर मोल वाटर आ गया एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं ना हो फोर मोल वाटर का ही आंसर है ये देखो क्लियर अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि एक क्वेश्चन सर हम और करेंगे तो जब तुम्हारा मन एक क्वेश्चन और करने को कर रहा है तो इसको भी कर लो अब इस क्वेश्चन को देखो वन ग्राम ऑफ वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस हाउ मच अच्छा अब पहले बताओ क्या ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है सारे बच्चे बताएं क्या ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है बताओ क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है यस yes. क्यों क्योंकि एमजी की वैल्यू भी दी है ऑक्सीजन की वैल्यू भी दी है दोनों रिएक्टेंट है तो दो रिएक्टेंट की वैल्यू है इसका मतलब ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है तो यार इसकी वैल्यू कितनी है एक ग्राम इसकी वैल्यू कितनी है ये है अब यदि ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है तो हमको एल चेक करना पड़ेगा तो एल कैसे चेक करोगे मोल अपॉन कॉफिशियंट से मोल अपॉन कॉफिशियंट मालिकुलर वेट कितना दिया है चौबीस तो ये देखो मोल अपॉन कॉफिशियंट कॉफिसियंट कितना दिया है दो क्लियर है अब इसको बनाओ मोल अपॉन कॉफिशियंट रिएक्शन बैलेंस करो बैलेंस है ये अब छोटा किसका है ये देखना है तो जल्दी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा एट कि हाँ. कितना आ रहा है तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आए जीरो पॉइंट जीरो टू अब इसकी वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी देखो जीरो पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी टू ये निकल के आ रही है जीरो पॉइंट तो छोटा कौन है ये 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 छोटा है इसलिए ये है उक्सीजन. तो उक्सीजन है इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो हमारा एक बार देख लेना छोटा कौन है गड़बड़ ना हो जाए हाँ सही है छोटा कौन है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हमारा एल आर है तो ऑक्सीजन एल आर है वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है विच रिएक्टेंट इफ लेफ्ट इज होगा यार है ना इज लेफ्ट इन एक्सेस तो ऑक्सीजन एलआर है तो ऑक्सीजन तो बचेगा नहीं तो ये तो गलत हो गया ये गलत हो गया हमारा एक्सेस रीजन कौन है एमजी तो एमजी बचेगा अब वो पूछ रहा है हाउ मच कितना बचेगा तो एक आंसर तो आ गया है अब कितना बचेगा तो मैंने तुम्हें क्या बोला है कि कुछ भी निकालना हो एलआर से कंपेयर करोगे तो एलआर का इससे कंपेयर कर दो अब कैसे करोगे देखो एमजी के मोल निकालने हैं क्यों एमजी एक्सेस में इसका मतलब पूरा का पूरा खर्च नहीं हुआ एल आर पूरा का पूरा खर्च हुआ है ना तो देखो मोल ऑफ एम जी डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट मोल ऑफ एल आर डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट तो एमजी कितना खर्च हुआ है मोल ऑफ एम जी आ गया देखो बेटा आ जाओ यार तो ये आया जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव इतने मोल एम जी खर्च हुआ है अब एम जी को मोल को ग्राम में बना लो चौबीस से मल्टीप्लाई करके तो यार मास के फॉर्म में एम जी जो है बच्चों इतना खर्च हुआ है एट फोर ग्राम इतना खर्च हुआ है तो बचा कितना एक्सेस कितना है तो जो एम जी एक्सेस है वो ये है हमारे पास टोटल कितना था एक ग्राम था एक ग्राम में से पॉइंट एट फोर ग्राम खर्च हो गया तो पॉइंट वन सिक्स ग्राम एक्सेस बचा वो पूछ रहा है कितना बचा तो खर्च कितना हो गया पॉइंट एट फोर तो बचा कितना ये क्लियर है सबको क्या बात क्लियर है सबको यस अब भाई देखो

और वो उसको जल्दी करा देंगे मैं जल्दी क्यों नहीं करा पाया उसके पीछे दो दिक्कत थी एक तो मेरी पीपीटी थोड़ी सी गड़बड़ थी है ना बन नहीं पाई थी और दूसरा मैं यार एक डेढ़ महीने बाद आया हूं तो रिदम नहीं पकड़ पा रहा था यूट्यूब पे हाँ थोड़ा तबीयत खराब थी बीच में तबीयत खराब रही जिसकी वजह से तो अगला चैप्टर हम लोग जल्दी फिनिश करेंगे इस तरह इस चैप्टर की तरह छे घंटे नहीं लगाएंगे हाँ मगर सभी बच्चों से यही एक बात कहना चाहूंगा खूब मन लगा के पढ़ो

हाँ, बीच बीच में कोई आ जाए और कुछ इधर उधर करके चला जाए तो उसके लिए हम लोग नहीं कह सकते हमको उनके लिए बस एक ही बात कहनी चाहिए क्या बात कहनी चाहिए जरा बताओ बच्चों जो बीच बीच में आके घुस के थोड़ा बहुत स्पैम कर देते हैं तो उनके लिए हम लोगों को क्या बात कहनी चाहिए कुछ कहना चाहिए कि छोड़ दे, आप बताओ तो आप कह रहे हो तो छोड़ देते हैं बस इतना ही कहना चाहिए कि यार पढ़ाई पे फोकस करो ठीक है यदि तुम सूरज की तरह चमकोगे तो तुम्हें सब देखना पसंद करेंगे मगर यदि कहीं तुम सूरज की तरह ना चमक पाए और काले काले बादल तुम्हें ओढ़ गए तो यार तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा तो कोशिश ये करो कि सूरज की तरह चमको ठीक है क्योंकि चमकने का समय बहुत कम है उसमें आपको अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम तक ले जाना है जैसे ये सारे बच्चे पूरी जान लगा के पिछले आठ छह सात घंटे से पढ़ रहे हैं। वैसे ही करो किसी के कहने पे ना आइए पढ़ाई पे फोकस करिए लोगों का तो काम है कहना आप हमेशा उस तरह से चलो कि बस आपका काम बोले लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क ना पड़े आपका काम इतना ज्यादा बोले आपकी मेहनत इतनी ज्यादा बोले कि वो सड़ चढ़ के बोले कि नहीं यार मेरे बच्चे ने तो आठवीं रैंक लाई है पहली रैंक लाई है तीसरी रैंक लाई है कौन आके बोल स बोलेगा कौन आके बोलेगा कि यार दुबे जी का लड़का पढ़ता नहीं है जब उसकी आठवीं रैंक है तो दुबे जी उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कि सर हमारा लड़का पढ़ता नहीं है उसकी तो आठवीं रैंक है कैसे कह सकते हो ये बात तो बस तुम्हारी रैंक बोलनी चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन बोलना चाहिए लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस मत करो और हम भी तुम्हारी पॉलिसी को फॉलो करेंगे लोग क्या कहते हैं इस पर मैं भी फोकस नहीं करूंगा सिर्फ दोनों लोग जी जान लगा के पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूं नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूं ठीक है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और तरुण सर की क्लास है उसके लिए सब लोग तैयार हो जाए कितने बजे से क्लास है मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं छह घंटे से मिला नहीं हूँ बीच में बस मिल, मिला था चाय पीने के लिए वैसे मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से पांच बजे या छह बजे शिफ्ट हो गई होगी सभी बच्चे पूरी ताकत के साथ पढ़े टीचर के साथ लगकर और सब लोग बहुत मेहनत करेंगे और सेलेक्शन होंगे और जब सेलेक्ट हो गए आप लोग तो फिर डंका भी बजाएंगे ढोल भी बजाएंगे और आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे तब तक के लिए इतना ही कहता हूँ बाय बाय नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तब तक अपना ध्यान रखिएगा पढ़ाई करते रहिएगा हाँ, यदि कोई छोटी मोटी चीजें बच गई होंगी तो वो सोल्यूशन चैप्टर में कवर कर दूंगा क्योंकि सोलूशन चैप्टर में भी कंसंट्रेशन पढ़ाया जाता है और बाकी कोई चीजें बच गई होंगी तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में कवर कर दूंगा आप बिल्कुल परेशान मत होइए ठीक है अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए कहता हूं बाय बाय ऑल द बेस्ट पढ़ाई करते रहो बाय बच्चों